अपने YouTube चैनल कैश करले में आज हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको कैश करले पर ही मिलती है, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है और अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और ये जो मैच है थाईलैंड वुमेन वर्सेस नीदरलैंड वुमेन, ये होने जा रहा है 29 नवंबर ठीक 12 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और अगर हम स्क्वाड की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का स्क्वाड पे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो थाईलैंड वुमेन के स्क्वाड कहता है अपिसरा, बंथडा, चायवाय, चंथम, चानडा, नत्या, उनीचा, रोजनन, तिपोच, नानापत, ख्याटो, ननिथा, फनिटा, लाओमी, टिपाचा। और अब हम नजर डाल लेते हैं नीदरलैंड वुमेन स्क्वाड पर। तो यहां पर थॉमसन, रॉबिन, रॉबिन वैन, स्टेर कैलिस, फ्रेडरिक ओवरडिच, ब्लूमेन, हिदर सिजर्स, बैबेट डी लेडर, जोलन वैन विलेट, एमेजन एस वैन, डी लैंग, सिल्वर सीजर्स, हैना लैंडर, आयरस ट्रुलिंग, इस तरीके का नीदरलैंड का स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स में। तो यहाँ पर अगर हम थाईलैंड वुमेन का टीम फॉर्म देखें तो 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। और वहीं नीदरलैंड वुमेन के टीम फॉर्म की बात करें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं थाईलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है, इसमें ये मैच हुआ इंडियन वुमेन के साथ थाईलैंड वुमेन का, जिसमें थाईलैंड वुमेन जो थी वो हार गई थी। फर्स्ट सेमीफाइनल था ये। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े तो ये थाईलैंड वुमेन का इंडिया वुमेन के साथ हुआ, इसमें भी थाईलैंड वुमेन हार गई थी। और अगर हम थर्ड मैच की बात करें तो थाईलैंड वुमेन वर्सेस MW का था ये मैच, जिसमें थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। और उसी के साथ अब हम यहाँ पर टीम फॉर्म पे अगर हम देखें न्यूजीलैंड वुमेन का, तो न्यूजीलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है उसमें से 3 मैच जीते हैं, जिसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो नीदरलैंड वुमेन वर्सेस NAM वुमेन का हुआ, जिसमें नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की और उसके बाद फिर से जीत हासिल की है यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन ने। और जो थर्ड मैच हुआ उसमें नीदरलैंड वुमेन हार गई थी, फोर्थ मैच में फिर से नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। तो ये थे दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जो है टीम कंपैरिजन। तो यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो थाईलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 40% थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की है और 94 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, 117 हाईएस्ट स्कोर रहा है। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का 37 रहा है। उसी के साथ अगर हम न्यूजीलैंड वुमेन की बात करें यहाँ पे टीम कंपैरिजन की, तो टीम कंपैरिजन में न्यूजीलैंड वुमेन जो है, न्यूजीलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं जिसमें से 60% मैचेस में जीत हासिल की है और एवरेज स्कोर यहां पे 84 बनाया है नीदरलैंड टीम ने। और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 119 का रहा है, लोएस्ट स्कोर रहा है यहां पे 34 का। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन के टॉप फैंटेसी पिक्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले फैंटेसी टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो आयरिस ज्विलिंग जो है वो सबसे पहले आती हैं, जो जिनको आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे जो है फैंटेसी टॉप पिक्स। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें तो नानापत को आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ बैबेट को हम यहाँ पे विकेट कीपर ले सकते हैं जो नीदरलैंड वुमेन की हैं। और उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर बैटर्स में से हिदर सिजर्स को आप ले सकते हैं, स्टेर कैलिस को ले सकते हैं आप। और अगर हम थर्ड बैटर की बात करें तो चायवाय को आप बैटर ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया विकेट कीपर और बैटर्स। और अब हम बात
करते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स में एरिस ज्विलिंग को आप ले सकते हैं और ओवरडिज जो हैं वो उनको आप एज अ ऑलराउंडर बिल्कुल पिक कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, टिपोच को भी आप एज अ ऑलराउंडर ले सकते हैं अपनी टीम में। बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स में कैरोलिन डी लैंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, इवा नाइट लिंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, और उसी के साथ जो हमारी थर्ड है पैनिटा माया को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताए फैंटेसी टॉप पिक्स, और अब हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टीम एनालिसिस आप नज़र डाल सकते हैं, साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीदरलैंड वीमेन और थाईलैंड वीमेन की अगर हम बात करें तो टीम ओपनिंग जो है वो थाईलैंड वीमेन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू नीदरलैंड वीमेन। और उसी के साथ अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर नीदरलैंड वीमेन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थाईलैंड वीमेन के कंपेरिजन में। और अगर हम मिडिल डेप्थ की बात बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ जो है वो थाईलैंड वीमेन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड का भी स्ट्रॉन्ग है बट थाईलैंड वीमेन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो नीदरलैंड वीमेन के पास ये पॉजिटिव पॉइंट है, और नीदरलैंड वीमेन की जो पेस बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन थाईलैंड वीमेन की काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पर जो नीदरलैंड टीम है वो पेस बॉलिंग का फ़ायदा आराम से उठा सकती है। और उसके साथ अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग दोनों ही टीम की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड वीमेन और नीदरलैंड वीमेन की दोनों की इक्वल है, दोनों की स्ट्रॉन्ग है। और अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जहाँ पर हम आपको प्लेयर टू प्लेयर डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ लाइव प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके। और अगर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूं। तो आगे प्लेयर टू प्लेयर बढ़ते हैं। तो यहां पे अप्सरा का अगर हम बैटिंग करियर देखें, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो इन्होंने एक मैच 0 इनिंग 0 रन, यहां पे कुछ खास उनका करियर नहीं रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर जो है हमारी, अभी हमने अप्सरा के बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट प्लेयर है बंथिडा, जिनका ये एक ऑलराउंडर हैं। और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर T20 का करियर मैं आपको बता दूं, इनका T20 का करियर जो है। और बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बंथिडा, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 48 गोल्स में 26 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो वो है हमारी चायवाई। चायवाई की अगर हम करियर स्टैट्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर चायवाई का करियर स्टैट कहता है, मैचेस पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो मैचेस हैं अगर हम, इन्होंने 101 रन बनाए हैं, 4 इनिंग, 67.33 के स्ट्राइक रेट से ये खेलती हैं, और एवरेज स्कोर जो है वो इनका रहा है 33.67। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चंथम, तो चंथम जो है वो हमारी राइट हैंड बैट्समैन है, और इनका रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 74 बॉल्स में 68 रन, 86 बॉल में 55 रन, 65 बॉल्स में 42 रन, और यहां पे 135 बॉल्स में 102 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चानिडा, तो चानिडा का जो करियर है वो आप देख सकते हैं, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं, 13 बॉल में 1 रन, 28 बॉल में 24 रन, 7 बॉल में 1 रन, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नताया, नताया का जो करियर है वो 7 बॉल में 2 रन, 9 बॉल में 2 रन, 29 बॉलों में 21 रन, 17 बॉल में 7 रन, 30 बॉल में 3 रन, और ये है एक ऑलराउंडर। तो इस तरीके का इनका है रीसेंट फॉर्म। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर का जो करियर स्टैट है वो है ओनिचा, तो ओनिचा का जो करियर स्टैट है वो ये एक ऑलराउंडर है, और जो इनका रीसेंट फॉर्म रहा है वो 7 बॉल पर 3 रन, 4 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं। हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी रोजनन, तो रोजनन का जो करियर स्टैट्स देखें तो यहाँ पे 70 रन बनाए हैं इन्होंने 3 इनिंग में, 88.61 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है, एवरेज स्कोर है 23.33। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी
नेक्स्ट प्लेयर की तरफ देखें तो यहाँ पे टिपोच, टिपोच का जो रिसेंट फॉर्म है वो 6 पर 1 भी रन नहीं, 16 पर 9 रन, 32 पर 19 रन, 11 बॉल्स में 8 रन, 10 बॉल में 5 रन, ये एक ऑलराउंडर हैं और इस तरीके का ये है इनका रीसेंट फॉर्म। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर हैं हमारी नानापत। नानापत जो हैं वो एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म 22 बॉल पे 30 रन, 11 बॉल पे 9 रन, 40 बॉल पे 29 रन, 28 बॉल में 14 रन, 10 बॉल में 5 रन, 19 बॉलों में 12 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हमारी नेक्स्ट प्लेयर आती है ख्याटो। तो ख्याटो का जो T20 हम आपको बैटिंग करियर बता रहे हैं, ये राइट हैंड बैट्समैन है, एक मैच इन्होंने खेला है, उसमें भी कुछ खास रन नहीं बना पाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बुंद सुखम, जिनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है ये एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है और इनके रीसेंट फॉर्म देखें तो 26 पे 4 विकेट लिए हैं इन्होंने, 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 11 पर 1 विकेट, 12 पर 1 भी विकेट नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर का जो रीसेंट फॉर्म है वो हम देख लेते हैं, माया जो यहाँ पर राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म है 27 पर 1 विकेट, 6 पर 1 भी विकेट नहीं, फिर से 6 पर 1 भी विकेट नहीं, 12 पर 1 विकेट, 2 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पर नज़र डाल लेते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी यहाँ पर सुलिपॉन। तो सुलिपॉन का अगर हम मैचेस में जाकर देखें तो यहाँ पर सुलिपॉन का जो रीसेंट T20 करियर रहा है वो मैं आपको बता दूं, मैचेस पर अगर हम जाकर देखें तो 39 रन्स 3 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका रहता है 54.17 और 13 इनका एवरेज स्कोर रहता है। इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो यहाँ पे टिपाचा जो है वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है 29 पर 1, 18 पर 1 भी विकेट नहीं, 39 पर 1 विकेट, 25 पर 2 विकेट, 24 पर 1 विकेट, 25 पर 1 भी विकेट नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पर हमारी, तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन की हर प्लेयर की डिटेल, क्या उनका रीसेंट फॉर्म रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच में किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है ये प्लेयर। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड विमेन के स्क्वाड के बारे में और यहाँ पर हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नीदरलैंड विमेन के प्लेयर की, तो यहाँ पर थॉमसन का रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर हैं और अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 16 पर 6 रन, 3 पर 1 रन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्लेयर नीदरलैंड वुमेन का देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर हैं रॉबिन, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 36 पर 23 रन, 36 पर 12 रन, 2 पर 1 भी रन नहीं, 4 पर 1 रन, 8 पर 1 रन, 23 पर 21 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारी रॉबिन वैन, जिनका रीसेंट फॉर्म रहा है 3 पर 1 भी रन नहीं, 4 पर भी 1 भी रन नहीं और 23 बॉल में 14 रन इन्होंने बनाए हैं और ये एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो हमारे होने वाली हैं कैलिस। तो यहाँ पे कैलिस जो है वो एक राइट हैंडेड बैटर है और इनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है वो 26 पे 10, 50 पे 19, 90 बॉलों में 55, 42 बॉल्स में 12 रन, 1 पर 1 भी रन नहीं बनाया है इन्होंने। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ओवरडिच। तो यहाँ पे ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 28 पर 1 भी विकेट नहीं, 4 पर 1 भी विकेट नहीं, 25 पर 1 विकेट, 40 पर 3 विकेट, 24 पर 1 विकेट और 55 पे 2 विकेट इन्होंने लिए हैं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ब्लोमैन। तो यहाँ पर ब्लोमैन जो है वो एक ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म 25 पर 20 रन, 5 पर 5 रन, 5 पर 2 रन, 6 पर 1 रन इन्होंने बनाया है, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कैश करले है जहां पर आपको लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके मिलते हैं और यहां पर आप लाइव प्रिडिक्शन करके जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस, यानी कि ना आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ प्रिडिक्शन करना है और जीतने हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो
यहाँ पे हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं हेदर सिजर्स, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और इनका अगर हम करियर स्टैट रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 33 पर 32 रन, 13 बॉल में 5 रन, 35 बॉल्स में 28 रन, 42 बॉल्स में 39 रन, 39 बॉल्स में 41 रन, 10 बॉलों में 9 रन, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारे बैबिट, तो ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 75 पर 59 रन, 34 पर 30 रन, 68 पर 37 रन, 62 पर 33 रन, 98 पर 76 रन और 4 पर 6 रन, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारे जोलिन वैन, और ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और इनके रिसेंट फॉर्म पे देख लेते हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म है 7 पर 1, 36 पर 12, 29 पर 20, 11 पर 2, 1 पर 2 रन, इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे कैरोलिन जो है वो एक लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 28 पर 1 विकेट, 48 पर 1 भी विकेट नहीं, 30 पर 2 विकेट, 36 पर 1 विकेट, 28 पर 1 विकेट, 56 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है हमारे ईवा। तो ईवा जो है वो एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 11 पर 1 भी विकेट नहीं, 40 पर 1 भी विकेट नहीं, 33 पर 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। इसी की तरह बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर पर, तो नेक्स्ट प्लेयर जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है हमारे हैना। तो हैना जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 22 पर 1 भी विकेट नहीं, 43 पर 4 विकेट्स, 17 पर 1 भी विकेट नहीं, 22 पर 1 विकेट, 26 पर 2 विकेट, 11 पर 1 विकेट, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारे आयरिस ज्विलिंग। तो आयरिस ज्विलिंग जो है वो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म जो है वो 24 पर 2 विकेट, 25 पर 5 विकेट, 33 पर 2 विकेट, 40 पर 1 विकेट, 27 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन और नीदरलैंड विमेन की हर डिटेल, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब जब आपको इस मैच की सारी डिटेल पता चल गई है तो मुझे लगता है कि ये मैच आप सभी के लिए देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बिल्कुल कैश करले के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कैश करले के साथ। हेलो दोस्तों, मैं कशिश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैश करले में। आज हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको कैश करले पर ही मिलती है, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड विमेन वर्सेस थाईलैंड विमेन के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, और अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, और ये जो मैच है थाईलैंड विमेन वर्सेस नीदरलैंड विमेन, ये होने जा रहा है 29 नवंबर ठीक 12 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और अगर हम स्क्वाड की बात करें तो थाईलैंड विमेन का स्क्वाड पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो थाईलैंड विमेन के स्क्वाड कहता है अपिसरा, बंथडा, चायवाय, चंथम, चानडा, नत्या, उनीचा, रोजनन, तिपोच, नानापत, ख्याटो, ननिथा, फनिटा, लाओमी, टिपाचा। और अब हम नज़र डाल लेते हैं नीदरलैंड वुमेन स्क्वाड पर, तो यहाँ पर थॉम्सन, रॉबिन वैन, स्टेर कैलिस, फ्रेडरिक ओवरडिच, ब्लूमेन, हिदर सिजर्स, बैबेट डी लेडर, जोलिन वैन विलेट, एमेजन एस वैन, डी लैंग,
सिल्वर सीजर्स, हैना लैंडर, आयरस ज्वेलिंग, इस तरीके का नीदरलैंड का स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स में। तो यहाँ पर अगर हम थाईलैंड वुमेन का टीम फॉर्म देखें तो 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। और वहीं नीदरलैंड वुमेन के टीम फॉर्म की बात करें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं थाईलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है, इसमें ये मैच हुआ इंडियन वुमेन के साथ थाईलैंड वुमेन का, जिसमें थाईलैंड वुमेन जो थी वो हार गई थी। फर्स्ट सेमीफाइनल था ये। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े तो ये थाईलैंड वुमेन का इंडिया वुमेन के साथ हुआ, इसमें भी थाईलैंड वुमेन हार गई थी। और अगर हम थर्ड मैच की बात करें तो थाईलैंड वुमेन वर्सेस MW का था ये मैच, जिसमें थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। और उसी के साथ अब हम यहाँ पर टीम फॉर्म पे अगर हम देखें न्यूजीलैंड वुमेन का, तो न्यूजीलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है उसमें से तीन मैच जीते हैं, जिसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो नीदरलैंड वुमेन वर्सेस NAM वुमेन का हुआ, जिसमें नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की। और उसके बाद फिर से जीत हासिल की है यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन ने। और जो थर्ड मैच हुआ उसमें नीदरलैंड वुमेन हार गई थी, फोर्थ मैच में फिर से नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। तो ये थे दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है टीम कंपैरिजन। तो यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो थाईलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 40% थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की है। और 94 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, 117 हाईएस्ट स्कोर रहा है। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का 37 रहा है। उसी के साथ अगर हम न्यूजीलैंड वुमेन की बात करें यहाँ पे टीम कंपैरिजन की, तो टीम कंपैरिजन में न्यूजीलैंड वुमेन जो है, न्यूजीलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 60% मैचेस में जीत हासिल की है। और एवरेज स्कोर यहां पे 84 बनाया है नीदरलैंड टीम ने। और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 119 का रहा है, लोएस्ट स्कोर रहा है यहां पे 34 का। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन के टॉप फैंटेसी पिक्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले फैंटेसी टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो आयरस ज्वेलिंग जो है वो सबसे पहले आती हैं, जो जिनको आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है फैंटेसी टॉप पिक्स। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें तो नाना पत को आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बैबिट को हम यहाँ पे विकेट कीपर ले सकते हैं, जो नीदरलैंड वुमेन की हैं। और उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर बैटर्स में से हिदर सिजर्स को आप ले सकते हैं, स्टेयर कैलिस को ले सकते हैं आप। और अगर हम थर्ड बैटर की बात करें तो चायवाई को आप बैटर ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया विकेट कीपर और बैटर्स। और अब हम बात करते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की। तो यहां पर ऑलराउंडर्स में एरिस ज्वेलिंग को आप ले सकते हैं, और ओवर डिथ जो है वो उनको आप एज अ ऑलराउंडर बिल्कुल पिक कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, टिपोच को भी आप एज अ ऑलराउंडर ले सकते हैं अपनी टीम में। बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स में कैरोलिन डी लैंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, इवान नाइट लिंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। और उसी के साथ जो हमारी थर्ड है, पेनिटा माया को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया फैंटेसी टॉप पिक्स। और अब हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टीम एनालिसिस आप नज़र डाल सकते हैं। साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन की अगर हम बात करें तो टीम ओपनिंग जो है वो थाईलैंड वुमेन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड वुमेन। और उसी के साथ अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर नीदरलैंड वुमेन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थाईलैंड वुमेन के कंपैरिजन में। और अगर हम मिडिल डेप्थ की बात सॉरी बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ जो है वो थाईलैंड वुमेन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। न्यूजीलैंड का भी स्ट्रॉन्ग है बट थाईलैंड वुमेन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो नीदरलैंड वुमेन के पास ये पॉजिटिव पॉइंट है, और नीदरलैंड वुमेन की जो पेस बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थाईलैंड वुमेन की काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पर जो नीदरलैंड टीम है वो पेस बॉलिंग का फ़ायदा आराम से उठा सकती है। और उसके साथ अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग दोनों ही टीम की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
थाईलैंड वुमेन और नीदरलैंड वुमेन की दोनों की इक्वल है, दोनों की स्ट्रांग है। और अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जहां पर हम आपको प्लेयर टू प्लेयर डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ लाइव प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके। और अगर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ। तो आगे प्लेयर टू प्लेयर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अप्सरा का अगर हम बैटिंग करियर देखें, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो इन्होंने एक मैच 0 इनिंग 0 रन, यहाँ पे कुछ खास इनका करियर नहीं रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है हमारे, अभी हमने अप्सरा के बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट प्लेयर है बंथिडा, जिनका ये एक ऑलराउंडर हैं। और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर T20 का करियर मैं आपको बता दूँ, इनका T20 का करियर जो है। और बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बंथिडा, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर 48 गोल्स में 26 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो वो है हमारी चायवाई। चायवाई की अगर हम करियर स्टैट्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर चायवाई का करियर स्टैट कहता है, मैचेस पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो मैचेस हैं, अगर हम इन्होंने 101 रन बनाए हैं, 4 इनिंग, 67.33 के स्ट्राइक रेट से ये खेलती हैं, और एवरेज स्कोर जो है वो इनका रहा है 3.67। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चंथम। तो चंथम जो है वो हमारी राइट हैंड बैट्समैन है, और इनका रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 74 बॉल्स में 68 रन्स, 86 बॉल में 55 रन्स, 65 बॉल्स में 42 रन्स, और यहाँ पे 135 बॉल्स में 102 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चानिडा। तो चानिडा का जो करियर है वो आप देख सकते हैं, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं, 13 बॉल में 1 रन, 28 बॉल में 24 रन, 7 बॉल में 1 रन, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नताया। नताया का जो करियर है वो 7 बॉल में 2 रन, 9 बॉल में 2 रन, 29 बॉलों में 21 रन, 17 बॉल में 7 रन, 30 बॉल में 3 रन, और ये है एक ऑलराउंडर। तो इस तरीके का इनका है रीसेंट फॉर्म। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर का जो करियर स्टैट है वो है ओनिचा। तो ओनिचा का जो करियर स्टैट है वो ये एक ऑलराउंडर है, और जो इनका रीसेंट फॉर्म रहा है वो 7 बॉल पर 3 रन, 4 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं। हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी रोजनन। तो रोजनन का जो करियर स्टैट्स देखें तो यहाँ पे 70 रन बनाए हैं इन्होंने 3 इनिंग में, 88.61 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है, एवरेज स्कोर है 23.33। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी, नेक्स्ट प्लेयर की तरफ देखें तो यहाँ पे टिपोच। टिपोच का जो रीसेंट फॉर्म है वो 6 पर 1 भी रन नहीं, 16 पर 9 रन, 32 पर 19 रन, 11 बॉल्स में 8 रन, 10 बॉल में 5 रन, ये एक ऑलराउंडर हैं, और इस तरीके का ये है इनका रीसेंट फॉर्म। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नानापत। नानापत जो हैं वो एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म 22 बॉल पर 30 रन, 11 बॉल पर 9 रन, 40 बॉल पे 29 रन, 28 बॉल में 14 रन, 10 बॉल में 5 रन, 19 बॉलों में 12 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हमारी नेक्स्ट प्लेयर आती हैं ख्याटो। तो ख्याटो का जो T20 हम आपको बैटिंग करियर बता रहे हैं, ये राइट हैंड बैट्समैन है, एक मैच इन्होंने खेला है, उसमें भी कुछ खास रन नहीं बना पाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बुंद सुखम, जिनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है ये एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और इनके रीसेंट फॉर्म देखें तो 26 पे 4 विकेट लिए हैं इन्होंने, 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 11 पर 1 विकेट, 12 पर 1 भी विकेट नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर का जो रीसेंट फॉर्म है वो हम देख लेते हैं, माया, जो यहाँ पर राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो है 27 पर 1 विकेट, 6 पर 1 भी विकेट नहीं, फिर से 6 पर 1 भी विकेट नहीं, 12 पर 1 विकेट, 2 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पर नज़र डाल लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी यहाँ पर सुलिपॉन। तो सुलिपॉन का अगर हम मैचेस में जाकर देखें तो यहाँ पर सुलिपॉन
का जो रिसेंट T20 करियर रहा है वो मैं आपको बता दूं, मैचेस पर अगर हम जाकर देखें तो 39 रन्स 3 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका रहता है 54.17 और 13 इनका एवरेज स्कोर रहता है। इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो यहाँ पे तिपाचा जो है वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है 29/1, 18/1 भी विकेट नहीं, 39/1 विकेट, 25/2 विकेट, 24/1 विकेट, 25/1 भी विकेट नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पर हमारी, तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन की हर प्लेयर की डिटेल, क्या उनका रिसेंट फॉर्म रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच में किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है ये प्लेयर। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड विमेन के स्क्वाड के बारे में और यहाँ पर हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नीदरलैंड विमेन के प्लेयर की, तो यहाँ पर थॉम्सन का रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर हैं और अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 16/6 रन 3/1 रन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्लेयर नीदरलैंड वुमेन का देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर हैं रॉबिन, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 36/23 रन, 36/12 रन, 2/1 भी रन नहीं, 4/1 रन, 8/1 रन, 23/21 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारी रॉबिन वैन, जिनका रीसेंट फॉर्म रहा है 3/1 भी रन नहीं, 4/1 भी रन नहीं और 23 बॉल में 14 रन इन्होंने बनाए हैं और ये एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर है वो हमारे होने वाली है कैलिस, तो यहाँ पे कैलिस जो है वो एक राइट हैंडेड बैटर है और इनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है वो 26/10, 50/19, 90 बॉलों में 55, 42 बॉल्स में 12 रन, 1/1 भी रन नहीं बनाया है इन्होंने। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ओवरडिच, तो यहाँ पे ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 28/1 भी विकेट नहीं, 4/1 भी विकेट नहीं, 25/1 विकेट, 40/3 विकेट, 24/1 विकेट और 55/2 विकेट इन्होंने लिए हैं। इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ब्लोमैन, तो यहाँ पर ब्लोमैन जो है वो एक ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म 25/20 रन, 5/5 रन, 5/2 रन, 6/1 रन इन्होंने बनाया है। इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कैश करले है जहां पर आपको लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके मिलते हैं और यहां पर आप लाइव प्रिडिक्शन करके जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस, यानी कि ना आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ प्रिडिक्शन करना है और जीतने हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं हेदर सिजर्स, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका अगर हम करियर स्टैट रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 33/32 रन, 13 बॉल में 5 रन, 35 बॉल्स में 28 रन, 42 बॉल्स में 39 रन, 39 बॉल्स में 41 रन, 10 बॉलों में 9 रन इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे बैबिट, तो ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है और अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 75/59 रन, 34/30 रन, 68/37 रन, 62/33 रन, 98/76 रन और 4/6 रन इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे जोलिन वैन और ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनके रीसेंट फॉर्म पे देख लेते हैं, तो इनका रीसेंट फॉर्म है 7/1, 36/12, 29/20, 11/2, 1/2 रन इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे कैरोलिन जो है वो एक लेग ब्रेक गूगली बॉलर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 28/1 विकेट, 48/1 भी विकेट नहीं, 30/2 विकेट, 36/1 विकेट,
28 पर एक विकेट, 56 पर एक भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो है हमारे युवा। तो युवा जो है वो एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 11 पर एक भी विकेट नहीं, 40 पर एक भी विकेट नहीं, 33 पर चार विकेट इन्होंने लिए हैं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। इसी की तरह बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर पर। तो नेक्स्ट प्लेयर जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है हमारे हैना। तो हैना जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 22 पर एक भी विकेट नहीं, 43 पर फोर विकेट्स, 17 पर एक भी विकेट नहीं, 22 पर एक विकेट, 26 पर दो विकेट, 11 पर एक विकेट, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे आयरिस ज्विलिंग। तो आयरिस ज्विलिंग जो है वो राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म जो है वो 24 पर दो विकेट, 25 पर पाँच विकेट, 33 पर दो विकेट, 40 पर एक विकेट, 27 पर एक भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन और नीदरलैंड विमेन की हर डिटेल, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब जब आपको इस मैच की सारी डिटेल पता चल गई है, तो मुझे लगता है कि ये मैच आप सभी के लिए देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बिल्कुल कैश करले के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए कैश करले के साथ। हेलो दोस्तों, मैं कशिश, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश करले में। आज हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको कैश करले पर ही मिलती है, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड डिटेल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड विमेन वर्सेस थाईलैंड विमेन के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, और अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और ये जो मैच है थाईलैंड विमेन वर्सेस नीदरलैंड विमेन, ये होने जा रहा है 29 नवंबर ठीक 12 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और अगर हम स्क्वाड की बात करें तो थाईलैंड विमेन का स्क्वाड पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो थाईलैंड विमेन के स्क्वाड कहता है अपिसरा, बंथडा, चायवाय, चंथम, चानडा, नत्या, उनीचा, रोजनन, तिपोच, नानापत, ख्याटो, ननिथा, फनिटा, लाओमी, टिपाचा। और अब हम नज़र डाल लेते हैं नीदरलैंड वुमेन स्क्वाड पर। तो यहाँ पर थॉमसन रॉबिन, रॉबिन वैन, स्टेर कैलिस, फ्रेडरिक ओवरडिच, ब्लूमेन, हिदर सिजर्स, बैबेट डी लेडर, जोलन वैन विलेट, एमेजन एस वैन, डी लैंक, सिल्वर सीजर्स, हैना लैंडर, आयरिस ज्विलिंग, इस तरीके का नीदरलैंड का स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स में। तो यहाँ पर अगर हम थाईलैंड वुमेन का टीम फॉर्म देखें तो 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। और वहीं नीदरलैंड वुमेन के टीम फॉर्म की बात करें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं थाईलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है, इसमें ये मैच हुआ इंडियन वुमेन के साथ थाईलैंड वुमेन का, जिसमें थाईलैंड वुमेन जो थी वो हार गई थी, फर्स्ट सेमीफाइनल था ये। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े तो ये थाईलैंड वुमेन का इंडिया वुमेन के साथ हुआ, इसमें भी थाईलैंड वुमेन हार गई थी। और अगर हम थर्ड मैच की बात करें तो थाईलैंड वुमेन वर्सेस MW का था ये मैच, जिसमें थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। और उसी के साथ अब हम यहाँ पर टीम फॉर्म पे अगर हम देखें न्यूजीलैंड वुमेन का, तो न्यूजीलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है उसमें से 3 मैच जीते हैं, जिसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो नीदरलैंड वुमेन वर्सेस NAM वुमेन का हुआ, जिसमें
नीदरलैंड वीमेन ने जीत हासिल की और उसके बाद फिर से जीत हासिल की है यहाँ पे नीदरलैंड वीमेन ने, और जो थर्ड मैच हुआ उसमें नीदरलैंड वीमेन हार गई थी, फोर्थ मैच में फिर से नीदरलैंड वीमेन ने जीत हासिल की थी। तो ये थे दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स, और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है टीम कंपैरिजन। तो यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो थाईलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं जिसमें से 40% थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की है और 94 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, 117 हाईएस्ट स्कोर रहा है, और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का 37 रहा है। उसी के साथ अगर हम न्यूजीलैंड वुमेन की बात करें यहाँ पे टीम कंपैरिजन की, तो टीम कंपैरिजन में न्यूजीलैंड वुमेन जो न्यूजीलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं जिसमें से 60% मैचेस में जीत हासिल की है और एवरेज स्कोर यहां पे 84 बनाया है नीदरलैंड टीम ने, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 119 का रहा है, लोएस्ट स्कोर रहा है यहां पे 34 का। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन के टॉप फैंटेसी पिक्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले फैंटेसी टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो आरएस ज्विलिंग जो हैं वो सबसे पहले आती हैं, जो जिनको आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है फैंटेसी टॉप पिक्स। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें तो नाना पत को आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बैबिट को हम यहाँ पे विकेट कीपर ले सकते हैं जो नीदरलैंड वुमेन की है। और उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर बैटर्स में से हिदर सिजर्स को आप ले सकते हैं, स्टेयर कैलिस को ले सकते हैं आप, और अगर हम थर्ड बैटर की बात करें तो चायवाई को आप बैटर ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया विकेट कीपर और बैटर्स, और अब हम बात करते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की। तो यहां पर ऑलराउंडर्स में एरिस ज्विलिंग को आप ले सकते हैं और ओवर डिथ जो है वो उनको आप एज अ ऑलराउंडर बिल्कुल पिक कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, टिपोच को भी आप एज अ ऑलराउंडर ले सकते हैं अपनी टीम में। बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स में कैरोलिन डी लैंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, इवान नाइट लिंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, और उसी के साथ जो हमारी थर्ड है पैनिटा माया को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया फैंटेसी टॉप पिक्स, और अब हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टीम एनालिसिस आप नज़र डाल सकते हैं, साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन की अगर हम बात करें तो टीम ओपनिंग जो है वो थाईलैंड वुमेन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड वुमेन। और उसी के साथ अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर नीदरलैंड वुमेन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थाईलैंड वुमेन के कंपैरिजन में। और अगर हम मिडिल डेप्थ की बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ जो है वो थाईलैंड वुमेन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड का भी स्ट्रॉन्ग है बट थाईलैंड वुमेन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो नीदरलैंड वुमेन के पास ये पॉजिटिव पॉइंट है, और नीदरलैंड वुमेन की जो पेस बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन थाईलैंड वुमेन की काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पर जो नीदरलैंड टीम है वो पेस बॉलिंग का फ़ायदा आराम से उठा सकती है। और उसके साथ अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग दोनों ही टीम की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड वुमेन और नीदरलैंड वुमेन की दोनों की इक्वल है, दोनों की स्ट्रॉन्ग है। और अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जहाँ पर हम आपको प्लेयर टू प्लेयर डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ लाइव प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके। और अगर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूं। तो आगे प्लेयर टू प्लेयर बढ़ते हैं। तो यहां पे अपिसरा का अगर हम बैटिंग करियर देखें, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो इन्होंने 1 मैच 0 इनिंग 0 रन्स, यहां पे कुछ खास इनका करियर नहीं रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर जो है हमारे, अभी हमने अपिसरा के बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट प्लेयर है बंथिडा, जिनका ये एक ऑलराउंडर हैं। और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर T20 का करियर मैं आपको बता दूं, इनका T20 का करियर जो है
और बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बंत राजन का। रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 48 गोल्स में 26 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़े तो वो है हमारी चायवाई। चायवाई की अगर हम करियर स्टैट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर चायवाई का करियर स्टैट कहता है, मैचेस पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो मैचेस हैं अगर हम, इन्होंने 101 रन बनाए हैं, चार इनिंग 67.33 के स्ट्राइक रेट से ये खेलती हैं और एवरेज स्कोर जो है वो इनका रहा है 33.67। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चंथम। तो चंथम जो है वो हमारी राइट हैंड बैट्समैन है और इनका रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 74 बॉल्स में 68 रन्स, 86 बॉल में 55 रन्स, 65 बॉल्स में 42 रन्स और यहाँ पे 135 बॉल्स में 102 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चानिडा। तो चानिडा का जो करियर है वो आप देख सकते हैं, एक बॉल में एक भी रन नहीं, 13 बॉल में एक रन, 28 बॉल में 24 रन, 7 बॉल में एक रन, एक बॉल में एक भी रन नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नताया। नताया का जो करियर है वो 7 बॉल में 2 रन, 9 बॉल में 2 रन, 29 बॉलों में 21 रन, 17 बॉल में 7 रन, 30 बॉल में 3 रन और ये है एक ऑलराउंडर। तो इस तरीके का इनका है रीसेंट फॉर्म। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर का जो करियर स्टैट है वो है ओनिचा। तो ओनिचा का जो करियर स्टैट है वो ये एक ऑलराउंडर है और जो इनका रीसेंट फॉर्म रहा है वो 4/2, 7/3 बॉल, सॉरी 7 बॉल पर 3 रन, 4 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में एक भी रन नहीं। हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी रोजनन। तो रोजनन का जो करियर स्टैट्स देखें तो यहाँ पे 70 रन बनाए हैं इन्होंने तीन इनिंग में, 88.61 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है, एवरेज स्कोर है 23.33। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी, नेक्स्ट प्लेयर की तरफ देखें तो यहाँ पे टिपोच। टिपोच का जो रीसेंट फॉर्म है वो 6/1 भी रन नहीं, 16/9 रन, 32/19 रन, 11 बॉल्स में 8 रन, 10 बॉल में 5 रन, ये एक ऑलराउंडर हैं और इस तरीके का ये है इनका रीसेंट फॉर्म। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नानापत। नानापत जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म 22 बॉल पे 30 रन, 11 बॉल पे 9 रन, 40 बॉल पे 29 रन, 28 बॉल में 14 रन, 10 बॉल में 5 रन, 19 बॉलों में 12 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हमारी नेक्स्ट प्लेयर आती है ख्याटो। तो ख्याटो का जो T20 हम आपको बैटिंग करियर बता रहे हैं, ये राइट हैंड बैट्समैन है, एक मैच इन्होंने खेला है, उसमें भी कुछ खास रन नहीं बना पाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बुंद सुखम, जिनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है ये एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है और इनके रीसेंट फॉर्म देखें तो 26/4 विकेट लिए हैं इन्होंने, 16/1 भी विकेट नहीं, 11/1 विकेट, 12/1 भी विकेट नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर का जो रीसेंट फॉर्म है वो हम देख लेते हैं माया, जो यहाँ पर राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो है 27/1 विकेट, 6/1 भी विकेट नहीं, फिर से 6/1 भी विकेट नहीं, 12/1 विकेट, 2/1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पर नज़र डाल लेते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी यहाँ पर सुलिपॉन। तो सुलिपॉन का अगर हम मैचेस में जाकर देखें तो यहाँ पर सुलिपॉन का जो रीसेंट T20 करियर रहा है वो मैं आपको बता दूं, मैचेस पर अगर हम जाकर देखें तो 39 रन्स 3 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका रहता है 54.17 और 13 इनका एवरेज स्कोर रहता है। इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पे टिपाचा जो है वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है 29/1, 18/1 भी विकेट नहीं, 39/1 विकेट, 25/2 विकेट, 24/1 विकेट, 25/1 भी विकेट नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पर हमारी, तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन की हर प्लेयर की डिटेल, क्या उनका रीसेंट फॉर्म रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच में किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है ये प्लेयर। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड विमेन के स्क्वाड के बारे में और यहाँ पर हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नीदरलैंड विमेन के प्लेयर की तो यहाँ पर
थॉमसन। थॉमसन का रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर हैं, और अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 16/6 रन, 3/1 रन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्लेयर नीदरलैंड वुमेन का देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर हैं रॉबिन, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 36/23 रन, 36/12 रन, 2/1 भी रन नहीं, 4/1 रन, 8/1 रन, 23/21 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारी रॉबिन वैन, जिनका रीसेंट फॉर्म रहा है 3/1 भी रन नहीं, 4/1 भी रन नहीं, और 23 बॉल में 14 रन इन्होंने बनाए हैं, और ये एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो हमारे होने वाली हैं कैलिस। तो यहाँ पे कैलिस जो है वो एक राइट हैंडेड बैटर है, और इनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है वो 26/10, 50/19, 90 बॉलों में 55, 42 बॉल्स में 12 रन, 1/1 भी रन नहीं बनाया है इन्होंने। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ओवरडिच। तो यहाँ पे ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 28/1 भी विकेट नहीं, 4/1 भी विकेट नहीं, 25/1 विकेट, 40/3 विकेट, 24/1 विकेट और 55/2 विकेट इन्होंने लिए हैं। इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ब्लोमैन। तो यहाँ पर ब्लोमैन जो है वो एक ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म 25/20 रन, 5/5 रन, 5/2 रन, 6/1 रन इन्होंने बनाया है। इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कैश करले है जहां पर आपको लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके मिलते हैं, और यहां पर आप लाइव प्रिडिक्शन करके जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। यानी कि ना आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ प्रिडिक्शन करना है और जीतने हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं हेदर सिजर्स, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और इनका अगर हम करियर स्टैट रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 33/32 रन, 13 बॉल में 5 रन, 35 बॉल्स में 28 रन, 42 बॉल्स में 39 रन, 39 बॉल्स में 41 रन, 10 बॉलों में 9 रन इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे बैबिट। तो ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 75/59 रन, 34/30 रन, 68/37 रन, 62/33 रन, 98/76 रन और 4/6 रन इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे जोलिन वैन, और ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और इनके रिसेंट फॉर्म पे देख लेते हैं, तो इनका रिसेंट फॉर्म है 7/1, 36/12, 29/20, 11/2, 1/2 रन इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे कैरोलिन। कैरोलिन जो है वो एक लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 28/1 विकेट, 48/1 भी विकेट नहीं, 30/2 विकेट, 36/1 विकेट, 28/1 विकेट, 56/1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है हमारे ईवा। तो ईवा जो है वो एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 11/1 भी विकेट नहीं, 40/1 भी विकेट नहीं, 33/4 विकेट इन्होंने लिए हैं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। इसी की तरह बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर पर, तो नेक्स्ट प्लेयर जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है हमारे हैना। तो हैना जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 22/1 भी विकेट नहीं, 43/4 विकेट्स, 17/1 भी विकेट नहीं, 22/1 विकेट, 26/2 विकेट, 11/1 विकेट इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे आयरिस ज्विलिंग। तो आयरिस ज्विलिंग जो है वो राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म जो है वो 24/2 विकेट, 25/5 विकेट, 33/2 विकेट, 40/1 विकेट, 27/1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। तो ये हमने आपको बताया थालिन
वुमेन और नीदरलैंड वुमेन की हर डिटेल जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब जब आपको इस मैच की सारी डिटेल पता चल गई है तो मुझे लगता है कि ये मैच आप सभी के लिए देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बिल्कुल कैश करले के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कैश करले के साथ। हेलो दोस्तों, मैं कशिश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैश में। आज हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको कैश करले पर ही मिलती है, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, और अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और ये जो मैच है थाईलैंड वुमेन वर्सेस नीदरलैंड वुमेन, ये होने जा रहा है 29 नवंबर ठीक 12 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और अगर हम स्क्वाड की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का स्क्वाड पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो थाईलैंड वुमेन के स्क्वाड कहता है अपिसरा, बंथडा, चायवाय, चंथम, चानडा, नत्या, उनीचा, रोजनन, तिपोच, नानापत, ख्याटो, ननिथा, फनिटा, लाओमी, टिपाचा। और अब हम नज़र डाल लेते हैं नीदरलैंड वुमेन स्क्वाड पर। तो यहाँ पर थॉम्सन, रॉबिन, रॉबिन वैन, स्टेर कैलिस, फ्रेडरिक ओवरडिच, ब्लूमेन, हिदर सिजर्स, बैबेट डी लेडर, जोलन वैन विलेट, एमेजन एस वैन, डी लैंग, सिल्वर सीजर्स, हैना लैंडेर, आयरस ट्रिलिंग। इस तरीके का नीदरलैंड का स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स में। तो यहाँ पर अगर हम थाईलैंड वुमेन का टीम फॉर्म देखें तो 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। और वहीं नीदरलैंड वुमेन के टीम फॉर्म की बात करें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं थाईलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है, इसमें ये मैच हुआ इंडियन वुमेन के साथ थाईलैंड वुमेन का, जिसमें थाईलैंड वुमेन जो थी वो हार गई थी। फर्स्ट सेमीफाइनल था ये। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े तो ये थाईलैंड वुमेन का इंडिया वुमेन के साथ हुआ, इसमें भी थाईलैंड वुमेन हार गई थी। और अगर हम थर्ड मैच की बात करें तो थाईलैंड वुमेन वर्सेस MW का था ये मैच, जिसमें थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। और उसी के साथ अब हम यहाँ पर टीम फॉर्म पे अगर हम देखें न्यूजीलैंड वुमेन का, तो न्यूजीलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है उसमें से 3 मैच जीते हैं, जिसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो नीदरलैंड वुमेन वर्सेस NAM वुमेन का हुआ, जिसमें नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की और उसके बाद फिर से जीत हासिल की है यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन ने। और जो थर्ड मैच हुआ उसमें नीदरलैंड वुमेन हार गई थी, फोर्थ मैच में फिर से नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। तो ये थे दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है टीम कंपैरिजन। तो यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो थाईलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 40% थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की है और 94 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, 117 हाईएस्ट स्कोर रहा है। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का 37 रहा है। उसी के साथ अगर हम न्यूजीलैंड वुमेन की बात करें यहाँ पे टीम कंपैरिजन की, तो टीम कंपैरिजन में न्यूजीलैंड वुमेन जो है, न्यूजीलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 60% मैचेस में जीत हासिल की है और एवरेज स्कोर यहां पे 84 बनाया है नीदरलैंड टीम ने। और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 119 का रहा है, लोएस्ट स्कोर रहा है यहां पे 34 का। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन के टॉप फैंटेसी पिक्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले फैंटेसी टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो आयरिस ज्विलिंग जो है वो सबसे पहले आती हैं, जो जिनको आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं।
और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है फैंटेसी टॉप पिक्स। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें तो नाना पत को आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बैबिट को हम यहाँ पे विकेट कीपर ले सकते हैं जो नीदरलैंड वुमेन की है। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर बैटर्स में से हिदर सिजर्स को आप ले सकते हैं, स्टेयर कैलिस को ले सकते हैं आप, और अगर हम थर्ड बैटर की बात करें तो चायवाई को आप बैटर ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया विकेट कीपर और बैटर्स, और अब हम बात करते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की। तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स में एरिस ज्विलिंग को आप ले सकते हैं, और ओवर डिथ जो है वो उनको आप एज अ ऑलराउंडर बिल्कुल पिक कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, टिपोच को भी आप एज अ ऑलराउंडर ले सकते हैं अपनी टीम में। बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स में कैरोलिन डी लैंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, इवान नाइट लिंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, और उसी के साथ जो हमारी थर्ड है पैनिटा माया को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया फैंटेसी टॉप पिक्स, और अब हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टीम एनालिसिस आप नज़र डाल सकते हैं, साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन की अगर हम बात करें तो टीम ओपनिंग जो है वो थाईलैंड वुमेन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड वुमेन। और उसी के साथ अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर नीदरलैंड वुमेन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थाईलैंड वुमेन के कंपेरिजन में। और अगर हम मिडिल डेप्थ की बात, सॉरी बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ जो है वो थाईलैंड वुमेन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड का भी स्ट्रॉन्ग है बट थाईलैंड वुमेन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो नीदरलैंड वुमेन के पास ये पॉजिटिव पॉइंट है, और नीदरलैंड वुमेन की जो पेस बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थाईलैंड वुमेन की काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पर जो नीदरलैंड टीम है वो पेस बॉलिंग का फ़ायदा आराम से उठा सकती है। और उसके साथ अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग दोनों ही टीम की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड वुमेन और नीदरलैंड वुमेन की दोनों की इक्वल है, दोनों की स्ट्रॉन्ग है। और अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पर हम आपको प्लेयर टू प्लेयर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ लाइव प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके। और अगर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूं। तो आगे प्लेयर टू प्लेयर बढ़ते हैं। तो यहां पे अप्सरा का अगर हम बैटिंग करियर देखें, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो इन्होंने एक मैच 0 इनिंग 0 रन, यहां पे कुछ खास इनका करियर नहीं रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है हमारे, अभी हमने अप्सरा के बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट प्लेयर है बंथिडा, जिनका ये एक ऑलराउंडर हैं। और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर T20 का करियर मैं आपको बता दूं, इनका T20 का करियर जो है। और बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बंथिडा, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 48 गोल्स में 26 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो वो है हमारी चायवाई। चायवाई की अगर हम करियर स्टैट्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर चायवाई का करियर स्टैट कहता है, मैचेस पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो मैचेस हैं, अगर हम, इन्होंने 101 रन बनाए हैं, 4 इनिंग, 67.33 के स्ट्राइक रेट से ये खेलती हैं, और एवरेज स्कोर जो है वो इनका रहा है 3.67। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चंथम। तो चंथम जो है वो हमारी राइट हैंड बैट्समैन है, और इनका रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 74 बॉल्स में 68 रन्स, 86 बॉल में 55 रन्स, 65 बॉल्स में 42 रन्स, और यहाँ पे 135 बॉल्स में 102 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे चानिडा। तो चानिडा का जो करियर है वो आप देख सकते हैं, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं, 13 बॉल में 1 रन, 28 बॉल में 24 रन, 7 बॉल में 1 रन, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नताया। नताया का जो करियर है वो 7 बॉल में 2 रन, 9 बॉल में 2 रन, 29 बॉलों में 21 रन, 17 बॉल में 7 रन, 30 बॉल में 3 रन, और ये है एक ऑलराउंडर। तो इस तरीके का इनका है रीसेंट फॉर्म। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर का जो करियर स्टैट है वो है ओनिचा। तो ओनिचा का जो करियर स्टैट है वो ये एक ऑलराउंडर है, और जो इनका रीसेंट फॉर्म रहा है वो 7 बॉल पर 3 रन, 4 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं।
हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी रोजनन। तो रोजनन का जो करियर स्टैट्स देखें तो यहाँ पे 70 रन बनाए हैं इन्होंने 3 इनिंग में, 88.61 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है, एवरेज स्कोर है 23.33। नेक्स्ट प्लेयर है हमारी, नेक्स्ट प्लेयर की तरफ देखें तो यहाँ पे टिपोच। टिपोच का जो रीसेंट फॉर्म है वो 6 पर 1 भी रन नहीं, 16 पर 9 रन, 32 पर 19 रन, 11 बॉल्स में 8 रन, 10 बॉल में 5 रन, ये एक ऑलराउंडर हैं और इस तरीके का ये है इनका रीसेंट फॉर्म। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी नानापत। नानापत जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म 22 बॉल पे 30 रन, 11 बॉल पे 9 रन, 40 बॉल पे 29 रन, 28 बॉल में 14 रन, 10 बॉल में 5 रन, 19 बॉलों में 12 रन, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हमारी नेक्स्ट प्लेयर आती है ख्याटो। तो ख्याटो का जो 20 हम आपको बैटिंग करियर बता रहे हैं, ये राइट हैंड बैट्समैन है, एक मैच इन्होंने खेला है, उसमें भी कुछ खास रन नहीं बना पाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी बुंद सुखम, जिनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है ये एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है और इनके रीसेंट फॉर्म देखें तो 26 पे 4 विकेट लिए हैं इन्होंने, 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 11 पर 1 विकेट, 12 पर 1 भी विकेट नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर का जो रीसेंट फॉर्म है वो हम देख लेते हैं, माया जो यहाँ पर राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो है 27 पर 1 विकेट, 6 पर 1 भी विकेट नहीं, फिर से 6 पर 1 भी विकेट नहीं, 12 पर 1 विकेट, 2 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पर नज़र डाल लेते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी यहाँ पर सुलिपॉन। तो सुलिपॉन का अगर हम मैचेस में जाकर देखें तो यहाँ पर सुलिपॉन का जो रीसेंट T20 करियर रहा है वो मैं आपको बता दूं, मैचेस पर अगर हम जाकर देखें तो 39 रन 3 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका रहता है 54.17 और 13 इनका एवरेज स्कोर रहता है। इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो यहाँ पे तिपाचा जो है वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है 29 पर 1, 18 पर 1 भी विकेट नहीं, 39 पर 1 विकेट, 25 पर 2 विकेट, 24 पर 1 विकेट, 25 पर 1 भी विकेट नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पर हमारी, तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन की हर प्लेयर की डिटेल, क्या उनका रीसेंट फॉर्म रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच में किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है ये प्लेयर। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड विमेन के स्क्वाड के बारे में और यहाँ पर हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूजीलैंड विमेन के प्लेयर की, तो यहाँ पे थॉमसन का रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर हैं और अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 16 पर 6 रन, 3 पर 1 रन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्लेयर नीदरलैंड वुमेन का देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर हैं रॉबिन, जिनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 36 पर 23 रन, 36 पर 12 रन, 2 पर 1 भी रन नहीं, 4 पर 1 रन, 8 पर 1 रन, 23 पर 21 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारी रॉबिन वैन, जिनका रीसेंट फॉर्म रहा है 3 पर 1 भी रन नहीं, 4 पर भी 1 भी रन नहीं और 23 बॉल में 14 रन इन्होंने बनाए हैं और ये एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो हमारे होने वाली हैं कैलिस। तो यहाँ पे कैलिस जो है वो एक राइट हैंडेड बैटर है और इनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है वो 26 पे 10, 50 पे 19, 90 बॉलों में 55, 42 बॉल्स में 12 रन, 1 पर 1 भी रन नहीं बनाया है इन्होंने। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ओवरडिच। तो यहाँ पे ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 28 पर 1 भी विकेट नहीं, 4 पर 1 भी विकेट नहीं, 25 पर 1 विकेट, 40 पर 3 विकेट, 24 पर 1 विकेट और 55 पे 2 विकेट इन्होंने लिए हैं, इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे ब्लोमैन। तो यहाँ पर ब्लोमैन जो है वो एक ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म 25 पर 20 रन, 5 पर 5 रन,
पांच पर दो रन, छह पर एक रन इन्होंने बनाया है। इस तरीके का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कैश करले है जहां पर आपको लाइव प्रिडिक्शन करने के मौके मिलते हैं, और यहां पर आप लाइव प्रिडिक्शन करके जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। यानी कि ना आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ प्रिडिक्शन करना है और जीतने हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं हेदर सिजर्स, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। और इनका अगर हम करियर स्टैट रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 33 पर 32 रन, 13 बॉल में 5 रन, 35 बॉल्स में 28 रन, 42 बॉल्स में 39 रन, 39 बॉल्स में 41 रन, 10 बॉलों में 9 रन। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारे बैबिट। तो ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 75 पर 59 रन, 34 पर 30 रन, 68 पर 37 रन, 62 पर 33 रन, 98 पर 76 रन और 4 पर 6 रन। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारे जोलन वैन, और ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है। और इनके रिसेंट फॉर्म पे देख लेते हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म है 7 पर 1, 36 पर 12, 29 पर 20, 11 पर 2, 1 पर 2 रन। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, हम आपको हर प्लेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे कैरोलिन जो है वो एक लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 28 पर 1 विकेट, 48 पर 1 भी विकेट नहीं, 30 पर 2 विकेट, 36 पर 1 विकेट, 28 पर 1 विकेट, 56 पर 1 भी विकेट नहीं। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है हमारे ईवा। तो ईवा जो है वो एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 11 पर 1 भी विकेट नहीं, 40 पर 1 भी विकेट नहीं, 33 पर 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। इसी की तरह बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लेयर पर। तो नेक्स्ट प्लेयर जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है हमारे हैना। तो हैना जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो 22 पर 1 भी विकेट नहीं, 43 पर 4 विकेट्स, 17 पर 1 भी विकेट नहीं, 22 पर 1 विकेट, 26 पर 2 विकेट, 11 पर 1 विकेट। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे आयरिस ज्विलिंग। तो आयरिस ज्विलिंग जो है वो राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो रिसेंट फॉर्म जो है वो 24 पर 2 विकेट, 25 पर 5 विकेट, 33 पर 2 विकेट, 40 पर 1 विकेट, 27 पर 1 भी विकेट नहीं। इस तरीके का इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन और नीदरलैंड विमेन की हर डिटेल, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब जब आपको इस मैच की सारी डिटेल पता चल गई है तो मुझे लगता है कि ये मैच आप सभी के लिए देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बिल्कुल कैश करले के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कैश करले के साथ। हेलो दोस्तों, मैं कशिश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैश करले में। आज हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको कैश करले पर ही मिलती है, जैसे कि 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड विमेन वर्सेस थाईलैंड विमेन के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, और अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और ये जो मैच है थाईलैंड विमेन वर्सेस नीदरलैंड विमेन, ये होने जा रहा है 29 नवंबर ठीक 12 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा। और अगर हम स्क्वाड की बात करें तो थाईलैंड विमेन का स्क्वाड पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो थाईलैंड विमेन के स्क्वाड कहता है अपिसरा, बंथडा, चायवाय, चंथम, चानडा, नत्या, उनीचा, रोजनन, तिपोच, नानापत, ख्याटो, ननिथा,
फनीटा, लाओमी, टिपाचा। और अब हम नजर डाल लेते हैं नीदरलैंड वुमेन स्क्वाड पर। तो यहाँ पर थॉमसन रॉबिन, रॉबिन वैन, स्ट्रेर कैलिस, फ्रेडरिक ओवरडिच, ब्लूमैन, हिदर सिजर्स, बैबेट डी लेडर, जोलिन वैन विलेट, एमेजन एस वैन, डी लैंग, सिल्वर सीजर्स, हैना लैंडेर, आयरस ज्वेलिंग। इस तरीके का नीदरलैंड का स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स में। तो यहाँ पर अगर हम थाईलैंड वुमेन का टीम फॉर्म देखें तो 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। और वहीं नीदरलैंड वुमेन के टीम फॉर्म की बात करें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं थाईलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है, इसमें ये मैच हुआ इंडियन वुमेन के साथ थाईलैंड वुमेन का, जिसमें थाईलैंड वुमेन जो थी वो हार गई थी। फर्स्ट सेमीफाइनल था ये। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े तो ये थाईलैंड वुमेन का इंडिया वुमेन के साथ हुआ, इसमें भी थाईलैंड वुमेन हार गई थी। और अगर हम थर्ड मैच की बात करें तो थाईलैंड वुमेन वर्सेज MW का था ये मैच, जिसमें थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। और उसी के साथ अब हम यहाँ पर टीम फॉर्म पे अगर हम देखें न्यूजीलैंड वुमेन का, तो न्यूजीलैंड वुमेन का जो टीम फॉर्म है उसमें से 3 मैच जीते हैं, जिसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो नीदरलैंड वुमेन वर्सेस NAM वुमेन का हुआ, जिसमें नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की और उसके बाद फिर से जीत हासिल की है यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन ने। और जो थर्ड मैच हुआ उसमें नीदरलैंड वुमेन हार गई थी, फोर्थ मैच में फिर से नीदरलैंड वुमेन ने जीत हासिल की थी। तो ये थे दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है टीम कंपैरिजन। तो यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो थाईलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 40% थाईलैंड वुमेन ने जीत हासिल की है और 94 यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, 117 हाईएस्ट स्कोर रहा है। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो थाईलैंड वुमेन का 37 रहा है। उसी के साथ अगर हम न्यूजीलैंड वुमेन की बात करें यहाँ पे टीम कंपैरिजन की, तो टीम कंपैरिजन में न्यूजीलैंड वुमेन जो है, न्यूजीलैंड वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 60% मैचेस में जीत हासिल की है और एवरेज स्कोर यहां पे 84 बनाया है नीदरलैंड टीम ने। और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 119 का रहा है, लोएस्ट स्कोर रहा है यहां पे 34 का। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नीदरलैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन के टॉप फैंटेसी पिक्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले फैंटेसी टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो आयरिस ज्वेलिंग जो है वो सबसे पहले आती हैं, जो जिनको आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, जो है फैंटेसी टॉप पिक्स। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करें तो नाना पत को आप एज अ विकेट कीपर ले सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बैबिट को हम यहाँ पे विकेट कीपर ले सकते हैं, जो नीदरलैंड वुमेन की हैं। और उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर बैटर्स में से हिदर सिजर्स को आप ले सकते हैं, स्टेर कैलिस को ले सकते हैं आप। और अगर हम थर्ड बैटर की बात करें तो चायवाई को आप बैटर ले सकते हैं। ये हमने आपको बताया विकेट कीपर और बैटर्स। और अब हम बात करते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की। तो यहां पर ऑलराउंडर्स में एरिस ज्वेलिंग को आप ले सकते हैं और ओवरडिच हैं। और उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े टिपोच को भी आप एज अ ऑलराउंडर ले सकते हैं अपनी टीम में। बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स में कैरोलिन डी लैंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं, इवान नाइट लिंच को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। और उसी के साथ जो हमारी थर्ड है पैनिटा माया को आप एज अ बॉलर ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया फैंटेसी टॉप पिक्स। और अब हम इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं तो यहां पर टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका कैश करले में। आज मैं फिर से जुड़ चुका हूँ एक मैच के दौरान, जो होने वाला है नीदरलैंड वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन के मैच में। और नीदरलैंड ने टॉस जीत लिया है और कहीं ना कहीं बैटिंग करने का फैसला लिया है, तो थाईलैंड वुमेन को ये चेज करना पड़ेगा ये स्कोर। नीदरलैंड की जो प्लेइंग 11 है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करूंगा, थाईलैंड वुमेन की भी अपडेट करूंगा, इनकी जो कप्तान है चाय वाई, और यहाँ पर ये बिल्कुल, और उनकी जो कप्तान है वो है
स्ट्रे कालिस। तो यहाँ पर ये जो मैंने दोनों कप्ताने बताई है, कहीं ना कहीं थाईलैंड जो एक टीम है उसको पाकिस्तान को हराने का एक्सपीरियंस है एशिया कप में। तो बिल्कुल यहाँ पर टोटल स्कोर और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम अपडेट करने वाले हैं आपको, और टोटल स्कोर से लेकर आपको ये मैच कौन जीतने वाली है। लेकिन अभी की जो अपडेट ये है कि नीदरलैंड ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग करने का फैसला लिया है। कुछ ही देर में, अगले मिनट में ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और हम आपको अपडेट करेंगे कि इस मैच में क्या होने वाला है और क्या नहीं, क्योंकि नीदरलैंड ने टॉस जीत लिया है, बैटिंग करने का फैसला लिया है। नीदरलैंड की अगर मैं टीम की बात करूं तो देखिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कम है, बट लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे यहाँ पर, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको टीम की, नीदरलैंड वुमेन की जो टीम है वो एस्ट्रे कालेस एंड डी लेंडे एंड सिल्वर रॉबिने एंड थॉमसन लियांच और ओडेजेके एंड लेंदर ज्वेलेग एंड कोलिन डी लेंगे एंड ओस्ट्रोम। ये रही नीदरलैंड की टीम। और उसके बाद थाईलैंड वुमेन बेंचिंडा और यहाँ पर चैनिडा एंड ननापत एंड चायवाय एंड यहाँ पर बुस्टेम एंड चेंटम और यहाँ पर कंपचो माया और यहाँ पर लूमी एंड पुचवोंग। ये रहेगी यहाँ की टीम। और बिल्कुल मैं आपको पर बॉल का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। जैसे कि हमारे लाइव चैट देख रहे हैं कि थाईलैंड को यहाँ पर बिल्कुल देख लिए, थाईलैंड इस मैच को टॉस का क्या हुआ, टॉस के बारे में मैंने अपडेट कर दिया आपको, नीदरलैंड वीमेन ने टॉस जीत लिया है। और बिल्कुल आपको हर चीज़ के बारे में मैं अपडेट दूंगा थोड़ी देर बाद। ये मैच स्टार्ट होने की कगार पर है और मैच यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पहली बॉल यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है इस मैच की और स्ट्राइक पर होंगी यहाँ पर। बिल्कुल सेशन के बारे में मैं भी अपडेट करूँगा, सेशन हुआ या प्योर मैच हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो फिर से हम चलते हैं इस मैच की तरफ, जहाँ पर जो थाईलैंड है और थाईलैंड बॉलिंग करेगी और नीदरलैंड पहले बैटिंग करेगी। और नीदरलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर मैदान पर और थोड़ी देर में ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको बॉल बॉल की, पल पल की अपडेट दे दी जाएगी यहाँ पर। और जैसे कि नीदरलैंड ने टॉस जीता है, बैटिंग करने का फैसला किया है, इसकी अपडेट मैंने आपको दे दी है। और बिल्कुल ये थोड़ी देर में हम आपके सामने बिल्कुल इस मैच की पर बॉल टू बॉल जुड़ जाएंगे और इस मैच के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर ओपनर्स के लिए तो आ गई है यहाँ पर डी लेंडे एंड कालेस, और देखते हैं यहाँ पर बैटिंग के लिए दोनों बैट्समैन आ चुके हैं स्ट्रे कालिस, और प्लेयर्स ने एंट्री कर ली है ग्राउंड में। थोड़ी देर में ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और देखते हैं यहाँ पर कि जो बॉलिंग है वो कराएंगे। यहाँ पर पहली बॉल हो चुकी है डॉट, दूसरी बॉल भी हो चुकी है डॉट, और तीसरी बॉल भी हो चुकी है डॉट, और चौथी बॉल भी हो चुकी है डॉट। तो लगातार चार बॉलें हो चुकी है डॉट और पांचवी बॉल भी डॉट हो चुकी है। तो पहला ओवर मैडन होने जा रहा है, आखिरी बॉल यहाँ के इस ओवर की शेष है। लगातार पांच बॉल है यहाँ पर बुचाम की, और बुचाथाम ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है, अभी तक पांच बॉलें उन्होंने कराई है, पांचों के पांचों बॉल डॉट आ चुकी है यहाँ पर। सिर्फ इस ओवर की आखिरी बॉल है और यहाँ पर मैडन ओवर खेल गई है यहाँ पर। जैसे कि डी लेंडे जिन्होंने छह बॉलों का अभी तक बिल्कुल छह बॉल अब तक खेली है और छह के छह निकल चुकी है डॉट, और पहला ओवर हो चुका है मैडन। और दूसरा ओवर करने के लिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्लेयर है। यहाँ पर मैडन ओवर का शानदार शुरुआत कर दी है यहाँ पर थाईलैंड वुमेन्स ने, और बिल्कुल थाईलैंड ने पहला ओवर डाल दिया है मैडन। और फिर चलते हैं हम यहाँ पर दूसरे ओवर की तरफ, तो दूसरा ओवर देखते हैं कौन कराते हैं, क्योंकि इनके पास मीडियम पेसर्स है जिनके पास अर्ली ऑन स्विंग है, तो वो देखते हैं यहाँ पर कि बॉल किस हिसाब से होती है या किस हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए देखते हैं कौन आ रही है यहाँ पर। तो बिल्कुल ना बॉलिंग बिल्कुल यहाँ पर जैसे ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि दूसरा ओवर कौन करा रहा है या दूसरा
और पहला ओवर तो देखिए कहीं ना कहीं मेडन हो चुका है, तो देखते हैं दूसरा ओवर के लिए कौन आते हैं, क्योंकि दूसरा ओवर यहाँ पर पहले ओवर में तो खाता ही नहीं खुल पाया और दूसरे ओवर के लिए शुरुआत कर दी है। और एक ओवर जो पहला ओवर मेडन गया था, फिर उसके बाद दूसरा ओवर कराने के लिए देखते हैं कौन आती है थाईलैंड की तरफ से और नीदरलैंड कब खाता खोल पाती है, क्योंकि T20 में हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है। और देखिए जैसे कि ये आ चुकी है यहाँ पर चैनीडा और पहली बॉल हो चुकी है डॉट 1.1 में, अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। 7 बॉलें हो चुकी है और 7 बॉलों में और फिर से एक और बॉल और एक और सिंगल आ चुका है, तो टीम का खाता खुल चुका है। अतिरिक्त पर लेग बाई का सिंगल मिला है यहाँ पर पहली बॉल पे, तो 1.1 में एक रन बिना किसी नुकसान के, तो पहला खाता तो खुला लेकिन खुला है लेग बाई का सिंगल। तो दूसरी बॉल फिर से एक और बॉल डॉट हो चुकी है यहाँ पर, तो 2 बॉल डॉट 1.2 में 1 रन। और अभी तक देखिए जो अब तक कहीं ना कहीं जो लिन्ने हैं, लिन्ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अब तक 7 बॉलें खेल चुकी हैं, खाता भी खोल नहीं पाई, अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पर और देखते हैं फिर से बॉल गेंदबाजी कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पर चैनीडा और स्ट्राइक पर है और फिर से एक और डॉट बॉल। तो अब तक लिन्ने ने 8 बॉलें खेल चुके हैं और अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। और यहाँ पर स्वीकालिस जो स्ट्राइक पर नहीं है, जिन्होंने पहली बॉल पर लेग बाई का सिंगल दे दिया, तो अब तक 9 बॉल हो चुकी है पावर प्ले की और 9 बॉल में बना है सिर्फ एक ही रन, तो 1.3 में ये स्कोर हो चुका है 9 रन और यहाँ पर बिना किसी नुकसान के और फिर से अगली बॉल कराने के लिए तैयार। 1.3 में 9 रन हो चुके हैं यहाँ पर अगली बॉल, फिर से एक और सिंगल, तो यहाँ पर डी लेंडे ने यहाँ पर 9 बॉलों में खोल चुके हैं खाता और अभी तक जो 10 बॉलें हो चुकी हैं जिनमें सिर्फ 2 रन ही बने हैं, जिनका एक अतिरिक्त का और एक खाता खोल लिया है यहाँ पर डी लेंडे ने और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर फिर से एक और डॉट बॉल, तो 1.5 में 2 रन और अभी तक यहाँ पर टीम का स्कोर 2 ओवर होने की समाप्ति है, लेकिन जो कहीं ना कहीं स्कोर है वो सिर्फ जा पहुंचा है मात्र और 2 रन। तो यहाँ पर फिर से अगली बॉल और एक और डॉट बॉल, तो 1.5 हो चुका है स्कोर और 1.5 में 2 रन बिना किसी नुकसान के और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर चैनीडा सटलिंग, तो लास्ट बॉल कराने के लिए तैयार और एक और सिंगल, तो 2 बॉलों पर हो चुके हैं 3 रन और बिना किसी नुकसान के 2 ओवर 3 रन। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ओवर जो मेडन गया था उसके बाद यहाँ पर क्या कर पाते हैं या क्या नहीं, क्योंकि अब तक जो बॉलिंग मैं कहूँगा कि जो हुई है वो अभी तक शानदार हुई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिल्कुल यहाँ पर जो अभी तक जो गेंदबाजी हुई है वो 2 ओवर में 3 रन की हो चुकी है और अब तक देखिए कहीं ना कहीं अगली बॉल कराने के लिए तैयार, लेकिन देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस तो देखते हैं इधर से अब गेंदबाजी कराने के लिए कौन आता है या कौन नहीं, क्योंकि अब तक जो शानदार गेंदबाजी हुई है यहाँ पर 2.1 में फिर से, और जो नाटिया जिन्होंने एक बॉल भी पिछले ओवर में एक भी रन नहीं दिए थे उन्होंने दे दिया है पहली बॉल पे सिंगल, तो 2.1 में 4 रन बिना किसी नुकसान के और अगली बॉल कराने के लिए तैयार। 2.1 में ये हो चुका है स्कोर कहीं ना कहीं जैसे कि 4 रन हो चुका है, तो 4 रन बिना किसी नुकसान के और नाट्य भूषताम गेंदबाजी करा रही है जिन्होंने पहला ओवर तो काफ़ी शानदार डाला, तो अब देखते हैं यहाँ से कैसी गेंदबाजी कराती हैं या कैसी नहीं। तो बिल्कुल अगली बॉल फिर से कराई है और उन्होंने फिर से एक और डॉट बॉल, तो एक और डॉट बॉल और यहाँ पर अब तक 1.3 में जो कहीं ना कहीं गेंदबाजी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है, 1.3 में ये स्कोर हो चुका है यहाँ पर। दो रन और आ चुके हैं यहाँ पर और 2 रन 2.4 में शानदार पहला चौका लगा दिया है यहाँ पर डी लेंडे ने और यहाँ पर पहला चौका 12 बॉलों में
पांच रन हो चुके हैं यहाँ पर स्कोर, और देखते हैं यहाँ पर इस गेम को आगे कहाँ तक लेके जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हमारी जो बैक टीम है या फिर जो हमारे पास जो ये है कि कहीं ना कहीं ये मैच थाईलैंड जीतने वाली है, लेकिन थाईलैंड कितनी देर में इस मैच को ख़त्म कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल थाईलैंड वुमेन विन होने वाली है इस मैच में, और बिल्कुल हम थाईलैंड के साथ ही हैं और थाईलैंड के साथ ही बने रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर जो स्कोर है ये हो चुका है 2.5 में, 9 रन बन चुके हैं यहाँ पर, सिर्फ आखिरी बॉल शेष है तीसरे ओवर की। तो बिल्कुल देखिए, आप इतने सारे मैसेजेस ना करें, आप एक एक मैसेज ही कर दीजिए, और यहाँ पर आखिरी बॉल इस ओवर की, और देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। 2.5 में 9 रन और तीसरी बॉल भी डॉट हो जाएगी, तो 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 3 ओवर में ये स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान के। तो 3 ओवर अभी तक जो पावर प्ले के हैं वो अच्छे डाल दिए हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं थाईलैंड वुमेन ने, और 9 रन का हो चुका है स्कोर, 3 ओवर 9 रन। तो देखते हैं चौथा ओवर कराने कौन आता है या कौन नहीं। तो चौथा ओवर हो चुकी है, चौथे ओवर की शुरुआत, तो देखते हैं गेंदबाजी पे कौन आता है। और यहाँ पर जो पिछला ओवर अभी तक नाट्या वेस्टहाम ने जो गेंदबाजी करी है वो अभी तक सिर्फ 2 ओवर में 6 रन ही दिए हैं, और 3 ओवर में ये हो चुका है स्कोर 9 रन का। और यहाँ पर 3 ओवर 9 रन, और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है, यहाँ पर पहली बॉल पर आ चुका है सिंगल, तो ये स्कोर हो चुका है 10 रन। मिस फील्डिंग हुई है कहीं ना कहीं, और शानदार एक और 4 रन मिल गया है, तो 3.1 में ये स्कोर हो चुका है 14। और यहाँ पर कहीं ना कहीं थाईलैंड के प्लेयर से यहाँ पर मिस फील्डिंग मिली है देखने को, और 3.1 में ये स्कोर हो चुका है 13 रन। और यहाँ पर देखते हैं अगली बॉल कौन कराता है या कौन नहीं। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है चेनिडा, 1.1 में ये स्कोर हो चुका है 6 रन, और बिना किसी नुकसान के। तो यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है, यहाँ पर फिर से एक और सिंगल मिल जाएगा, 3.2 में ये स्कोर जा पहुँचा 14 रन बिना किसी नुकसान के। 3.2 हो चुके हैं इस ओवर और 14 रन, और डी लैंडे पहुँच चुकी है 11 पर, जिन्होंने 7 बॉल पर खाता भी नहीं खोला था वो पहुंच चुकी हैं 15 बॉलों पे 11 रन पे। और यहाँ पर कालिस पहुंच चुकी हैं 2 रन पे 5 बॉलों पर, और यहाँ पर 1.2 वाइड बॉल का इशारा, तो अतिरिक्त का एक और रन जुड़ता हुआ 3.2 में ये स्कोर हो चुका है 15 रन बिना किसी नुकसान के। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट बॉलों की अगर मैं बात करूँ 6 बॉलों पर, तो 6 बॉलों पर अब तक आ चुके हैं 11 रन और 3.2, और अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पर इस ओवर में अब तक 2 बॉलों पे आ चुके हैं 6 रन। पहली बॉल पे चौका आया, दूसरी बॉल पर सिंगल, और तीसरी बॉल वाइड हो गई थी, तो 3.2 में ये स्कोर जा पहुँचा 15 रन बिना किसी नुकसान के। तो अगली बॉल फिर से कराने के लिए तैयार है यहाँ पर चेनिडा, और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इस बॉल के, और 1 रन और बढ़ गया है स्कोर बोर्ड पे 3.3 में 16 रन। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर डी लैंडे, यहाँ पर 11 रन पहुंच चुकी हैं, और अगली बॉल फिर से डॉट हो जाएगा 3.4 में 16 रन बिना किसी नुकसान के, और यहाँ पर 1.4 में 9 रन। और देखते हैं यहाँ पर चेनिडा किस हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग करती है, क्योंकि अब तक तो शानदार बॉल डाली है, 1.4 में सिर्फ 9 रन ही दिए हैं, और अब तक 1.4 में 9 रन बिना किसी नुकसान के। और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर डॉट बॉल, और 3.5 में ये स्कोर है जो हो चुका है 16 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की हो चुकी है आखिरी बॉल शुरू, बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर चानिदा, और यहाँ पर ए लास्ट बॉल पे भी आ जाएगा सिंगल, तो 1 रन और हो चुका है, 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त, और 4 ओवर 17 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पर चेनिडा का भी ओवर हो चुका है, 2 ओवर में 10 रन बिना किसी नुकसान के।
तो 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 4 ओवर में 17 रन और डी लैंडेज जो पहुंच चुकी हैं 12 रन पर और 3 रन पर, ये हो 3 रन पे पहुंच चुकी हैं यहाँ पर कालिस। और देखते हैं यहाँ पर 2 ओवर, अगला ओवर कौन आता है। पावर प्ले कहीं ना कहीं फेवर में जाता हुआ थाईलैंड के, सिर्फ 2 ओवर शेष है। आखिरी 12 बॉलें बची हैं यहाँ पर, तो देखते हैं 12 बॉलों पर क्या कर पाती है ये टीम, क्योंकि नीदरलैंड ने अब तक जो पावर प्ले डाला है वो तो सिर्फ 4 ओवर में 17 रन ही दिए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि पावर प्ले के जो आखिरी 2 ओवर हैं उनका क्या होता है या क्या नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है T20 में। यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि T20 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पावर प्ले। तो पहली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, बॉलिंग में चेंज किया है, पुट रॉन्ग और यहाँ पर पहला विकेट गिर गया है और यहाँ पर 17 रन पर पहला विकेट LPW आउट हो गई है। और यहाँ पर आते ही पहली बॉल पर मिल चुकी है सफलता। तो यहाँ पर 4.1 में जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी वो गिर चुकी है, 17 रन पर गिर चुका है पहला विकेट। और यहाँ पर 4.1 में 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखते हैं यार, डी लैंडे जो अच्छा खेल रही थी वो आउट हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखते हैं कौन आता है अगला प्लेयर, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं सोच रही होगी टीम भी कि जल्दी से जल्दी इसको आउट किया जाए, या फिर मैं कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसको इस टीम को आउट किया जाए। और ये थाईलैंड यही सोच रही होगी फटाफट इस टीम को आउट कर अगली बॉल। देखते हैं यहाँ पर बैटिंग के लिए कौन आता है। पहली बॉल पे तो मिल गया है विकेट, लेकिन बिल्कुल गेंदबाजी के लिए कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। तो अब तक कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी हुई है थाईलैंड की तरफ से। और यहाँ पर अगली बैटिंग करने के लिए देखने वाली 4.1 में 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर LPW आउट हुई है। अब आ चुकी है रॉबिना राज के, 0.1 में रॉबिना राज के आ चुकी हैं। तो देखते हैं रॉबिना राज के क्या करती हैं अब तक, क्योंकि अब तक 4.1 में ये हो चुका है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर में 29 रन 4 नेक्स्ट बॉल। और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है या क्या नहीं। और स्ट्राइक पे जो पहली बॉल फिर से कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, और 4.1 में जो 17 हो चुका है स्कोर, तो देखते हैं कितना बन पाता है ये स्कोर। तो 4.1 में 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर बॉल हो चुकी है चालू पुटरोंग, जिन्होंने पहली बॉल पे ले लिया था विकेट। और अब देखते हैं यहाँ पर लेग बाई का, आते ही ले लिया है सिंगल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शानदार बॉलिंग, तो देखते हैं कितनी जल्दी इस टीम को यहाँ पर। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, 4.2 में ये हो चुका है 18 रन और 1 विकेट के नुकसान पर, और फिर से आ चुकी है एक और डॉट। तो 4.3 में 18 रन और यहाँ पर जो इस ओवर की जो शुरुआत थी वो विकेट से हुई। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है पुटरोंग और स्ट्राइक पर है श्रीवेग कालिस, और यहाँ पर एक और सिंगल। 4.4 में 19 रन हो चुके हैं और एक सफलता मिल चुकी है। तो देखते हैं इस ओवर में कंफर्मिंग, माफ कीजिएगा डॉट बॉल हो चुकी है। सुपर चैट आपका ऑन नहीं है क्या, मुझे देना था। बिल्कुल सुपर चैट ऑन ही है बिल्कुल। और यहाँ पर 4.5 में 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है पुच रॉन्ग, जिन्होंने पिछली बॉल फिर से बॉल शुरू हो चुकी है। 19 रन हो चुका है स्कोर और यहाँ पर 5 ओवर हो चुके हैं समाप्त, और 5 ओवर में 19 रन बिना किसी नुकसान के। तो 5 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं समाप्त और 5 ओवर में ये स्कोर है जो पहुंच चुका है 19 रन। तो देखते हैं यहाँ पर अभी तक तो 5 ओवर नीदरलैंड वुमेन ने काफी शानदार कराए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अगला ओवर कौन कराता है या कौन नहीं, क्योंकि अब तक बिल्कुल पहले ओवर में कहीं ना कहीं पुटरोंग ने 1 रन देके 1 विकेट लिया, और स्ट्रे कालिस जो 8 बॉलों पे 4 रन, और रॉबी ने जिन्होंने अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं 3 बॉलों पर 0 रन का स्कोर दे दिया है।
और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है। यहाँ पर पहली बॉल फिर से हो डॉट हो चुकी है 5.1 में, 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। और पहला विकेट यहाँ पर जो अभी तक जो करंट रन रेट है वो पहुँच चुकी है 3.68 की। और थाईलैंड के जो मुझे ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड आज हमारी जो टीम थी वो कहीं ना कहीं फेवरेट होगी। और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर चानिडा। चानिडा ने 2.1 में सिर्फ दे चुकी हैं 10 रन, तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर 5.2 में, ये हो चुका है 20 रन का स्कोर और एक विकेट के नुकसान पर। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर चैनीडा, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और फिर से 5.2 में 20 रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरी बॉल पर आ चुका है सिंगल। तो 5.2 में कशिश हो चुका है 20 रन ये स्कोर। बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर जिस तरीके से नीदरलैंड बैटिंग कर रही है, तो मनोज सिर्फ इतने ही रन बनाए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए आपने अभी T10 क्रिकेट देखी है, फास्ट क्रिकेट, तो आपको आदत नहीं होगी इन स्कोर देखने की। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कैश करले पर आपको लाइव प्रेडिक्शन के मौके मिलते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हम प्रेडिक्शन के वीडियोस भी देते हैं जो आपके लिए ड्रीम इलेवन फैंटेसी टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लाइव चैट में पोल स्टार्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे पोलिंग भी शुरू हो गई है। आप हमें पोलिंग में बता सकते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, थाईलैंड विमेन या फिर नीदरलैंड्स विमेन। फटाफट से पोलिंग कीजिए, हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर साथ ही कैश करले पर आपको लाइव प्रेडिक्शन का मौका मिलता है, जैसे कि आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो स्कोर है वो 10 ओवर में कितने का बनेगा। जी बिल्कुल, और यहाँ की जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक 5.5 में ये स्कोर हो चुका है 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। और जैसे कि लोग संदीप जी पूछ रहे हैं, और इससे पहले टेक्निकल ऑलराउंडर्स का कुछ सवाल है कशिश, तो आप पढ़ेंगी तो बिल्कुल आप मुझे बताइए कि उनका जवाब क्या है कशिश। यहाँ पर संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं क्या टोटल लगता है नीदरलैंड का, नीदरलैंड का क्या टोटल लगता है आपको। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 35 10 में 35 आगे जाते नहीं लगता। देखिए बिल्कुल आपकी बिल्कुल बन जाएगा मुझे ऐसा लगता है 35 रन तो, लेकिन ये जो स्कोर है ये बिल्कुल 90 या 100 तक ही ये रह पाएगा, क्योंकि नीदरलैंड को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है थाईलैंड वुमेन को। तो 6 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 6 ओवर में 21 का स्कोर यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन ने बना लिया है। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट में जुड़ जाइए और हमें बताइए कि 10 ओवर में कितने रन यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन बना सकती है। और यहाँ पर सिर्फ आप ये 8 ओवर तक ही हमें बता सकते हैं और उसके बाद नहीं बताना है। जी बिल्कुल, 6 ओवर हो चुके हैं समाप्त, बताओगे सुपर चैट कहाँ दूं। और यहां पर 6 ओवर हो चुके हैं समाप्त, और 6 ओवर में हो चुके हैं 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। राकेश शर्मा ले लो भैया, 8 for 0, नाइस वॉइस गर्ल, 10 ओवर में 37 रन, तो 6.2 में हो चुके हैं यहाँ पर फिर से 21 रन अभी तक दोनों बॉले आ चुके हैं डॉट। अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं रॉबिन और राजके को यहाँ पर पुट रॉन्ग, तो देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। और यहाँ पर फिर से आ चुका है सिंगल, तो 6.3 में 22 रन, 50 और 55 रन के बीच में बनेंगे कशिश स्कोर यहाँ से 14 ओवर में। इट इज नॉट शर्मा ब्रो, सहारन, वाइड बॉल हो चुका है 6.3 में 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं 2 रन, तो टेक्निकल ऑलराउंडर्स का जो सवाल है वो बिल्कुल आपको जवाब देंगी कशिश। क्या क्या पूछ रहे हैं ये? वो ये पूछ रहे हैं कि सुपर चैट 6.3 में 23 रन एक विकेट के नुकसान पर,
और यहाँ पर अभी तक जो 23 रन है वो हो चुका है अगली बॉल कराने के लिए तैयार। तो अगली बॉल पर आ चुका है सिंगल। बिल्कुल। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर लाइव चैट में भी जुड़ जाइए हमारे साथ। बताइए हमें कि आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं कि यहाँ पर 10 ओवर में नीदरलैंड वुमेन कितने का स्कोर बना लेगी। 6.5 में जो स्कोर है वो 25 रन बना लिया है, एक विकेट यहाँ पर जा चुका है। और उसी के साथ मनोज, यहाँ पर अगली बॉल तो आपको क्या लगता है कि 8 ओवर में कितने रन बन जाएंगे यहाँ पर? कैसे 8 ओवर में 30 रन? तो मतलब इस ओवर में 4 रन आएंगे सिर्फ। जी ये तो कशिश मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा के बता दिया। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा रन नहीं बनाए तो फिर मुझे लगता नहीं कि ये भी बन पाएंगे। क्यों? तो देख लेते हैं कि इस ओवर में कितने रन आते हैं। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 7 ओवर में 26 का स्कोर नीदरलैंड वुमेन ने बनाया है। और यहाँ पे राकेश जी का कहना है कि 10 ओवर में 38 बन जाएगा। देखते हैं राकेश जी, और भी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग भी बताइए, प्रेडिक्शन के दरवाजे अपने ऑन कीजिए, बताइए हमें क्या लगता है। और यहाँ पर संदीप कुमार, मैंने 37 ओवर किया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। टेक्निकल ऑलराउंडर 7 ओवर में 26 रन। और यहाँ पे मकवाना का प्रेडिक्शन है कि 10 ओवर में 45 बन जाएगा। 10 ओवर में 45 बन जाएगा, मुश्किल है कशिश, मुझे लगता नहीं है बन पाएगा। बट देखते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी टीमें हैं तो यहाँ पर देखिए आसान नहीं होता है प्रेडिक्ट करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सेशंस कहीं ना कहीं नॉट होंगे तो शायद उसमें ज्यादा फेवरेटिज्म। ओवर का मतलब है मैंने अच्छा ओवर, ओके ओके ओके, ठीक है संदीप जी, हम समझ गए। ओके तो यहाँ पर 7.1 में स्कोर जो है वो 26 रन पहुँच गया है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग प्रिडिक्ट कर दीजिए। यहाँ पे फैन अरविंद अरोरा जी, इस ओवर में 7 रन आएंगे। और मनोज का तो कहना है कि इस ओवर में सिर्फ 4 रन आएंगे। संदीप जी, ओवर मीन्स यस। ओके संदीप जी, तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहां पर माया, और 2 रन आ चुके हैं। तो ये स्कोर हो चुका है 7.2 में 28 रन। बिल्कुल बोरिंग मैच यूडी मखवाना, बोरिंग मैच यूवी राजपूत। 10 ओवर में 37 रन बनेगा। क्या लगता है कशिश आपको, 10 ओवर में कितने रन बनेंगे? मुझे लगता है कि यहां पे 10 ओवर में 7.2 में हो चुके हैं 28 रन। और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस ओवर में। इस बॉल फिर से हवा में है और शानदार चौका। तो 7.3 में ये स्कोर हो चुका है 32 रन। मैंने गलत बोल दिया यार। तो फैंटेसी स्किल 5 रन। तो फिर आप लोग भी हमें बताइए कि क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शंस आपको लगते हैं कि क्या स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पर राकेश जी हंस रहे हैं। 7.3 में 32 रन, और फिर से आ चुके हैं 33 रन, और एक विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर देखते हैं 7.4 में हो चुका है यहाँ पर बिल स्कोर हो चुका है 33 रन। रन सोच रहा था मैं तो, 7.5 में ये हो चुके हैं 33 रन, और इस ओवर में आ चुके हैं 7 रन। और यहाँ पर और यहाँ पे टेक्निकल ऑलराउंडर का कहना है कि नीदरलैंड जीत सकती है अगर वो 110 बना देती है। संदीप तो कुमार, मेरे ₹1,000 का सेशन आ गया है, 10 ओवर में 37 ओवर किया हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल यार, कौन सी आईडी पे आ रहा है ये मैच, मुझे तो पता ही नहीं है कि बिल्कुल ये नीदरलैंड जीत सकती है अगर 110 रन बना दी तो। 110 कैसे बनाएगी?
बिल्कुल 8 ओवर में हो चुके हैं, 33 रन, और देखते हैं आपके शायद जो 37 हैं वो तो शायद बन जाएंगे। और यहाँ पर अगली और यहाँ बॉल, पे फैन अरविंद अरोड़ा 10 ओवर में 43, मकवाना का प्रेडिक्शन ये है 10 बिल्कुल ओवर में कशिश, आज 45। तो हम भी प्रेडिक्शन ये क्या बैट वे पर खेल रहा हूँ ब्रदर। ओके, बैट वे पर खेल रहे हैं क्या, 8.1 में 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और ये हो चुके हैं 33 रन। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है या क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं, और 8.1 में 33 रन, और देखते हैं अगले 2 ओवर में कितने बन पाते हैं यहाँ पर और कितने नहीं, क्योंकि अभी तक 8.1 में यहाँ पर श्रेयन कॉलेज जो ओपनिंग से खेल रही हैं 14 19 बॉलों पर ये बना चुके हैं 14 रन। और अब नई गेंदबाजी, यहाँ पर नई गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अगली गेंदबाजी कौन करा रही है, ये ओमीचा करा रही है, और देखते हैं कैसे होता है। आठ पॉइंट दो में ये स्कोर हो चुका है 34 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखते हैं यहाँ पर जो नई बैट्स बॉल्स में बैट्समैन है वो क्या करती है, क्योंकि 8.2 में स्कोर हो चुका है, एक और लेग बाई का सिंगल, और यहाँ पर ये हो चुके हैं 8.3 में 35 रन और 1 विकेट के नुकसान पर लेग बाई का सिंगल आ चुका है। और यहां पर देखते हैं 8.3 में 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, वाइड बॉल आ चुका है यहां पर, वाइड बॉल का इशारा दे दिया है एम्पायर ने, और 8.3 में ये हो चुका है स्कोर 16 रन। और यहाँ पर दूसरी विकेट भी लग गई है यहाँ पर, जैसे कि हम बता रहे थे कि दूसरी विकेट 8.4 में 36 रन का ये हो चुका है स्कोर। और और यहाँ पे लीला जी पूछ रहे हैं कि कौन जीत सकता है भाई, बता दो। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीधी शायद थाईलैंड वुमेन जीत जाएगी, मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कहीं ज्यादा मौका है। तो 8.4 में स्कोर जो है वो 36 का पहुंच गया है, और देखते हैं 10 ओवर के लिए जो आप सभी के प्रेडिक्शंस थे कितने एक्यूरेट रहते हैं, 10 ओवर में कहाँ पर पहुंच पाता है ये स्कोर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लाइव मैच के स्कोर से तो अपडेट कराते ही हैं, साथ ही आपको हमारे चैनल पर लाइव प्रेडिक्शन वीडियोस भी मिलती हैं जिसमें आपके
जिसमें मैं आपको हर प्लेयर की ए टू जेड डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है। तो ज़रूर उन प्रेडिक्शन के वीडियोस को आप देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो 8.5 में ये स्कोर हो चुका है 37 रन एक विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में भी यहाँ पर एक विकेट आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर एक विकेट पर क्या होता है या क्या नहीं। और यहाँ पर 9 ओवर अगले ओवर कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर 9.1 में ये हो चुका है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये बिल्कुल यहाँ से बनते हैं या नहीं, और देखते हैं इस मैच में अगली बॉल कराने के लिए बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए आ चुकी है ओमी चे आ चुकी है यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 9.1 में 37 रन हो चुका है ये स्कोर, और अगली बॉल कराने के लिए आ चुकी है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए ओमीचा। क्या लगता है कशिश, यहाँ पर ओमीचा आ गई है तो ओमीचा क्या करेंगी? कुछ तो करके ही जाएंगी मनोज। बिल्कुल मुझे भी लगता है बॉलिंग तो करके ही जाएंगी कशिश अगर गेंदबाजी के लिए आई है तो। और यहाँ पर हमारे साथ रजत जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्ते रजत जी। और यहाँ पर फैन अरविंद अरोरा जी, संदीप ये तो एक्स्ट्रा होंगे रन। नमस्ते मैम, 8 बॉल में 2 रन चाहिए, 38 बनेंगे, 10 ओवर में 41 रन, संदीप ये एक्स्ट्रा लोगे रन। रजत यहाँ पे भी है भाई, ये क्या है भाई, मिलान बच्चन को 4 और दिला दो बस। तो 9.1 में हो चुके हैं 37 रन, और अभी तक 2 विकेट गिर चुके हैं। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है माया, और सिंगल आ चुका है, और 9.2 में ये हो चुके हैं 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो देखते हैं माया कैसी गेंदबाजी करती है, क्योंकि 9.2 में अभी तक स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, इस ओवर में भी आ चुके हैं 1 रन। और एक और सिंगल 9.2 में 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 9.3 में ये स्कोर हो चुका है 39 रन, और देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से गेंदबाजी कराने के लिए तैयार है यहाँ पर 9.4 में 40 रन। अभी ऋतुराज गायकवाड़ आएगा और 7 छक्के मारेगा। देखो ऋतुराज गायकवाड़ तो मुझे लगता नहीं है कि इस मैच में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो मैं मैच देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं देखिए ज़्यादा रन बनने वाले हैं नहीं। 9.5 में ये स्कोर हो चुका है 40 रन का, और 2 विकेट के 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 10 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 10 ओवर भी हो चुके हैं 41, और यहाँ पर हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक। तो ड्रिंक्स ब्रेक 10 ओवर में 41 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। तो देखते हैं पर जो थाईलैंड वुमेन कितने रन पर रोक पाती है ये जोड़ी। बिल्कुल आप जोड़ियों पर बिल्कुल आप बने रहिए, और आ ही नहीं रहा है किसी पर भी फुल मैच। तो कशिश ड्रिंक्स का हो गया समय, 10 ओवर में 41 रन।
तो देखते हैं यहाँ पर 10 ओवर में 41 रन बन चुके हैं और यहाँ रोबिना खेल रही है 5 पर और यहाँ पर दूसरी बैट्समैन जो खेल रही है 3 बॉलों पर 4 रन पर। तो 10 ओवर स्कोर हो चुका है 41 रन। जैसे कि मैंने बताया ड्रिंक्स का हो चुका है समय, थोड़ी देर बाद ये जो मैच है ये फिर से वापस रीस्टार्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है या क्या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर अभी तक जो 10 ओवर हुए हैं वो तो स्कोर हो चुका है इनका 140 रन। तो यहाँ पे 10 ओवर में 41 का स्कोर नीदरलैंड विमेन ने बना लिया है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिर्फ कैश करले। और यहाँ पर आप सभी लोग प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है 10 ओवर में 41 रन बन गए हैं। तो अब आप लोग ड्रिंक ब्रेक के बाद 15 ओवर के लिए भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि क्या लगता है 15 ओवर में स्कोर जो है वो नीदरलैंड विमेन कहां तक बना पाएगी। जी कशिश, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्कोर है ये पहुंच जाएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्या लगता कशिश है मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोर ना अंडर 90 ही रह जाएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है, तो देखते हैं लेकिन क्या हो पाता है या क्या नहीं। और यहाँ पर 10 ओवर में ये हो चुका है 41 रन का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे अगली बॉल कराने के लिए तैयार और पहली बॉल पे आ चुका है सिंगल। और यहाँ पर देखते हैं 10.1 में जो स्कोर है ये हो चुका है 41 रन और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर 10.1 41 रन, 10.1 में 42 रन हो चुका है ये स्कोर और फिर से अगली बॉल पे आ चुका है सिंगल और ये स्कोर हो चुका है 43 रन का। और यहाँ पर 15 ओवर में 60 रन, 10 ओवर में 42 रन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितने रन बनते हैं ड्रिंक्स के बाद। जैसे कि 10.3 में ये स्कोर हो चुका है यहाँ पर, ये स्कोर और अगली बॉल पे भी आ चुका है सिंगल 10.3 में 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और तो फिर से एक और यहाँ पर आ चुका है 10.3 में 44 रन और अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर ओमिचा फिर से। और ओमिचा देखते हैं यहाँ पर कैसे 10.4 में एक और सिंगल आ चुका है यहाँ पर, 44 रन हो चुका है स्कोर 10.4 में 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और रोबिनर आज के खेल रही है 7 पर और वहीं खेल रही है ओवर डीज के 4 रन पर। दूसरी बॉल पे भी आ चुका है 2 रन 46.2 में 10.5 में 46 रन और हो चुके हैं स्कोर यहाँ पर 10.5 में 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तो कशिश यहाँ से ये स्कोर आपको ये क्या कह रहे हैं, ये जोड़ी 47 रन तक जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है, ये जोड़ी 47 रन तक तो नहीं जाएगी, इससे पहले आउट हो जाएगी। और ये क्या है, ये कमेंट्री भी अच्छी जा रही है। आप मैम आप भी बोलते रहो, बिल्कुल मैं तो बोल ही रही हूँ। और क्या करें यहाँ पर ये 11 पॉइंट में 46 रन हो चुके हैं। मैम आप बोलिए यार, ये कमेंट्री भी अच्छी जा रही है आपकी थाईलैंड की बॉलिंग के जैसे। पेटीएम मार दो, पेटीएम मार दो, कैश कर लेंगे। सही कह रहे हैं आप टेक्निकल ऑलराउंडर जी। तो यहाँ पर 15 ओवर के प्रेडिक्शंस हमारे पास आ चुके हैं, 15 ओवर के लिए भी आप लोग प्रेडिक्ट कर दीजिए कि 15 ओवर में नीदरलैंड वुमेन ये स्कोर कहाँ तक पहुँचा देगी। और
11 ओवर में 46 आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कशिश जी संदीप जी बहुत जीत रहे हैं, बस एक रन और बताओ किससे रन बनवाना है संदीप जी, एक रन रॉबी से या फिर डेस, ये क्या है डेस्को मिलन पच्छदम को चार विकेट बिल्कुल ये लड़कियां हैं यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जी बिल्कुल देखिए आपके यहाँ पर वीआईपी मोहित गेमिंग हेलो सर कैसे हैं आप, और संदीप जी कह रहे हैं कोई भी बना दे बस एक रन आ जाए, बस बिल्कुल आने वाला है आपका एक रन, मुझे ऐसा लगता है कि एक रन तो बना ही लेंगे और बुच्छतम तो चार विकेट नहीं ले पाएगी मुझे ऐसा लगता है कशिश, क्योंकि उनके दो ओवर हो चुके हैं यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, और एक और डॉट बॉल कोई भी रन बना दे बस बन जाए और एक रन बन गया है 11.3 में 47 रन, खुश हो जाइए संदीप जी एक रन यहाँ पे बन गया है, बहुत बड़ी कामयाबी नीदरलैंड वुमेन ने बना ली है और यहाँ पर 11.3 में 47 रन और इस पे लोमी ने दे दिया है एक रन, तो बिल्कुल देखिए आप बताते जाइए कि हम इतने जीत चुके हैं क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता है जब आप लोग जीतते हैं बस आपको देखते हैं। दीपक का नाम ले लीजिए मैम, कौन है दीपक पहले बोलो दीपक दीपक जी बिल्कुल देखा हो आप बिल्कुल आप फरमाइए ओ आ गया साथ में 1000 का सेशन भी यार बिल्कुल कशिश कैश कर लो तो 11.4 पे फिर से एक और डॉट बॉल हो गई है यहाँ पर, तो लेकिन उनका तो काम हो चुका है कशिश, उन्होंने तो जो किया था वो हो चुके हैं, देखिए संदीप कुमार जी आज माला माल हो चुके हैं कशिश बिल्कुल, और यहाँ पर अगली बॉल और फिर से डॉट बॉल है ये, और 11.5 पे 47 का स्कोर। तो आप कहाँ से हो मैम, मैं कहाँ से लगती हूँ आप लोगों को? कैश कर ले की स्टूडियो में, और इनका जो होम टाउन है वो बिहार है, और मनोज अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर 11.5 में स्कोर और एक और कशिश बॉल। और इसी के बीच मनोज से एक सबसे जरूरी क्वेश्चन, मनोज आपको इतना बिहार पसंद क्यों है, मतलब बिहार की लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं, आपके उनमें से एक आध गर्लफ्रेंड है? जी कशिश मेरे आसपास लोग ऐसे जब बिहार के इतने बढ़िया लोग बैठते हैं तो बिल्कुल बिहार, मैं बिहार की नहीं हूँ मैं आपको बता दूँ, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। और यहाँ पर वीआईपी मोहित गेमिंग ओके, ये राकेश औरान मैं प्लस 2700 बस बिल्कुल आप मुझे बताते रहो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप सारे लोग जीतते हो, तो देखिए मैं इसमें तो ज़्यादा प्रेडिक्शन कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं बाकी और इंटरनेशनल मैचेस में या फिर कोई भी हो उन चीज़ में आपको बिल्कुल बताता रहूँगा चाहे प्लेइंग 11 हो, लेकिन जो हमने अभी आई एम फ्रॉम मुंबई मैम, बहुत बहुत वेलकम है आपका मुंबई से, और मैं यहाँ पर ये 3000 प्लस संदीप जी आप बिल्कुल, और संदीप जी मैं भी आपकी हार गया, यहाँ पे संदीप जी कह रहे हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लक्की चैनल है मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच संदीप जी। और यहाँ पर माही लवर कह रहे हैं हार गया, सबके अलग अलग क्यों 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 हमारे चैनल में एक ही माही हारे, माही बताओ कैसे कैसे क्या वजह से आप हार गए, लेकिन संदीप जी मैं आपकी शायद इस मैच में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया था बट मैंने टीम वैसे भी दे दी है कि कहीं राकेश जी हमें हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मनोज आप कहाँ से हैं? मैं तो कशिश पिंक सिटी जयपुर से ओके तो थैंक गॉड आपने ये नहीं बोला कि मैं बिहार से हूँ। बिल्कुल 12.1 में ये हो चुका है स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 4 बॉलें शेष हैं इस ओवर की, और यहाँ पर बिल्कुल आप लाइव चैट पर ये कौन है भाई, शायद नीदरलैंड वुमेन हार जाएगी। हाँ बिल्कुल ये तो हमने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। प्रांशु मिश्रा यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ प्रांशु मिश्रा बताइए यूपी में कहाँ से हैं आप? और आई एम फ्रॉम टोंक राजस्थान से कशिश, टोंक राज अच्छा एक बिहारी
सौ बीमारी ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। मैं बिहार से नहीं हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए अब हम आपके सामने दोनों जुड़े हुए हैं, आपको देख सकते हैं आप किसकी शक्ल आपको बिहारी की नजर आ रही है और किसकी आपको राजस्थानी की नजर आ रही है। तो यहाँ पर फिर से प्रभु मिश्रा यहाँ पर, और यहाँ पे प्रांशु मिश्रा प्रयागराज से है। ओके, यूपी में माऊ से हूँ। ये जानती नहीं है, यूपी की है ही नहीं है। तो 12.4 में 50 छोटा नहीं है, ठीक है ना? बोल पंजाब से नहीं है क्या? यूवी जी है हमारे पंजाब से। यहाँ पर मैम 4 रन क्या लिख रहे हैं? भी है आ जाएगा मैम 50 लगाया, 50 लगाया है आ जाएगा। बिल्कुल, बस कुछ भी आओ, बस आने चाहिए, किसी के माइनस नहीं होने चाहिए। देखिए कैश करले पे आपको ओ कशिश छक्का, और यहाँ पे 12.5 में 56 रन। और देखिए जो रॉबिन राज के थी, इतनी देर से बैटिंग कर रही थी, उसने जबरदस्त मार दिया है छक्का। और यहाँ पर मैम के क्या कह रहे हैं, वुमेन के मैच में 1 करोड़ का प्राइस क्यों नहीं रखते हैं ड्रीम इलेवन वाले? और यहाँ पर एक क्योंकि और उनको भी भरोसा नहीं है लड़कियों पर। कोई भी जीत जाए, सही है। 12.5 में 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो देखिए चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी हो, थाईलैंड की लड़कियों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना है आपको। आपको कैसे पता मनोज? बिल्कुल कशिश, मैं मैच फिक्सर T10 में भी लाइव करना। हाँ बिल्कुल, 5:30 बजे से मैच है, उसमें हम आपको लाइव मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए मैच फिक्सर जी। और पक्की बात है सर, क्या कौन सी वाली पक्की बात लगी है ना कि थाईलैंड वेमेन थाईलैंड की लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नीदरलैंड हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है थाईलैंड की, बिल्कुल थाईलैंड की है। थाईलैंड ने थोड़ा एशिया कप में मैचेस खेले हैं, तो बिल्कुल एशिया की जो मैं कहूंगा कि जो थाईलैंड है वो शायद अच्छी टीम है। वीआईपी लाइक कर दिया है मैम, सब्सक्राइब किया है या नहीं? सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा, कल आओगे लाइव सुबह से जी। देखिए मैं तो हर चीज के लिए रेडी रहता हूँ, लेकिन मैं तो T10 के लिए भी रेडी था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कशिश मैम 13 पॉइंट लाइव आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच है कल 7 बजे से, तो उसका प्रेडिक्शन वीडियो जो है वो शूट हो गया है, पोस्ट हो गया है, और वो मैंने किया था, तो वीडियो पे जरूर जाना और देखना कि कैसा लगा है। यहाँ पर मैं अपने साथ साथ कैश कर लेके वीडियो का भी प्रमोशन कर रही हूँ, तो उस वीडियो को, प्रेडिक्शन वीडियो को जरूर देखना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, और उसके बाद सोचेंगे हम लाइव यहाँ से नीदरलैंड कितना स्कोर बना सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोर कहीं ना कहीं 100 और 100 तक ही बन पाएगा, क्योंकि अवधेश जी, क्योंकि जो ये बैटिंग कर रही है, अगर इनमें से कोई भी आउट हो गया तो फिर आगे रन बनाना आसान होगा नहीं। 13 पॉइंट देखिए यहाँ से 36 बॉले शेष हैं, तो अंडर 100 ही रहने वाला है ये स्कोर, या 100 तक ही बन पाएगा। VIP मोहित जी कर दिया मैम, ओके थैंक यू सो मच मोहित जी। और यहाँ पर और भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग भी हमारे साथ लाइव चैट में जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का कल 3rd ODI होने जा रहा है, और उसका प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, बताइएगा कैसा है, और उसके बाद कल का मैच जो है उसमें हम लाइव मिलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कशिश अपनी वीडियो को लाइक करवाना चाहती है और उन पे कमेंट्स भी चाहती है, ऐसा बिल्कुल कशिश? मैं ऐसा चाहती हूँ कि वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा मनोज, मेरा कहना ये है हमारे व्यूअर्स से। तो बिल्कुल अगर आप सभी लोग बताएंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि क्या कमी रही है हमारी साइड से। अवधेश जी पूछ रहे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में कौन, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कल कोई ज़्यादा चेंजेस हो जाए, न्यूजीलैंड वैसे करती नहीं है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड में कुछ ना कुछ चेंजेस करे तो देखता हूँ। बाकी विकेट लग गया है मनोज यहाँ पर, न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग है, और कल टॉस के बाद और प्लेयर्स को कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड अगर चेंज करती तो फिर दिक्कत आएगी। किसको, लॉमी को 2 विकेट दिला दो, देखिए 1 विकेट तो दिला दिया है, और देखते हैं दूसरा भी दिला देते हैं। तो यहाँ पर कॉट आउट हो गए हैं, तो नीदरलैंड वुमेन का 13.5 में स्कोर जो है वो 63 रन्स बन चुका है। और यहाँ पर
मनोज, अब क्या लगता है 15 ओवर में कितने का स्कोर यहाँ पे पहुंच जाएगा? लव यू टू रवि यादव जी, मैं जयपुर से। मैं यूपी से। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा था कि देखिए कशिश यहाँ से ही अंडर 100 ही रह जाएगा ये स्कोर, या 100 तक नहीं, 15 ओवर में बताइए। रजत सिंह, कशिश के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आप सभी की। बट कशिश से एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने इंस्टा को यहाँ पर, जैसे कि ये लड़कियां स्कोर बड़ा कम बनाती हैं भाई, बिल्कुल। देखिए मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया की लड़कियों को छोड़ दे तो बिल्कुल देखिए कम ही स्कोर बना पाती हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं है नीदरलैंड की लड़कियों को और थाईलैंड की लड़कियों को। तो 13.5 में 63 का स्कोर। मनोज फटाफट से बताइए 15 ओवर में कितने का स्कोर? 14 ओवर पूरे हो चुके हैं, एक ओवर में कितने बन जाएंगे? कशिश 5 रन, 5 या 4 रन, 5 या 4 रन। आप सब लोग भी हमें बताइए 15 ओवर में, ये एक ओवर रह गया है सिर्फ, और एक ओवर में ये स्कोर जो है वो नीदरलैंड वुमेन का कितना बनेगा? तो 14 ओवर में 64 का स्कोर पहुंच गया है, 3 विकेट यहाँ तो पर। कशिश मैम ही बात पूरी कर सकती हैं इंस्टा वाली, क्योंकि देखिए मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ यहाँ पर। रवि यादव 1 में 3, सर को भी कोई आंसर पूछो यार। अरे नहीं नहीं मेरे को बिल्कुल, देखिए आज के मैच में मैं थोड़ा रिलैक्स बैठा हूँ, बाकी जो सारे मैचेस होते हैं उसमें सिर्फ सवाल जवाब ही होते रहते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल आज तो हम अपने, मैं कहूँगा कि व्यूअर्स से सिर्फ इंटरेक्ट होने के लिए जुड़े हैं और इस मैच के साथ की थोड़ी बहुत आपको अपडेट देते रहेंगे। मैच की 14 पॉइंट में 64 रन हो चुके हैं, 3 विकेट की, बिल्कुल फिर तो नहीं होती। ये जो मैं कह रहा था कि मनोज आप कुछ भी बोलते हैं, सर को भी कोई आंसर पूछो यारों, पूछो, इन्हें बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं इतनी देर से। 15 ओवर में 68 बनेंगे, 15 ओवर में 68 बनेंगे। कशिश आपको क्या लगता है 15 ओवर में कितने बनेंगे? जी कशिश एक बड़ा सवाल, मुझे लगता है कि यहाँ 15 ओवर में 2 रन देखने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? 14.1 में 66 रन तो हो चुके हैं, मुझे लगता है कि ये 15 ओवर में कशिश बैट्समैनों को परख रही है, और यहाँ पर जिन्होंने 3 रन बना लिए, एक ने 18 बना ही रही है, और देखिए मैं चाहता हूँ कि ओमी चाहे ना जो एक विकेट और ले ले, क्योंकि हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि उनको 2 विकेट दिला दो, एक तो दिला दिया है तो एक और विकेट दिलाते हैं हम कहीं ना कहीं। 67 रन हो चुके हैं, 14 पॉइंट सिर्फ 2 बॉलें हुई हैं, और इस ओवर की 4 बॉल और रह गई हैं, और जिस तरीके से मनोज 3 रन तो बन गए, आपने कहा था 4 या 5 रन आएंगे। तो देखिए तो आप बिल्कुल देखिए डॉट लीजिए अगली बॉल, आप ऐसे क्यों बिल्कुल परेशान हो रहे हैं 14.2 में 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल देखिए चैट में जुड़े रहिए आप आजकल, बिल्कुल मैं सिर्फ आज चैट में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कशिश हमारे साथ जुड़ी अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। 1 रन और आ चुका है, कशिश कमेंट रुक गए, वही मैं कह रहा था कि माही लवर 7781 बिल्कुल कमेंट रुकने मत दीजिए, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आज थोड़ा बहुत आज कशिश इस मैच को एनालाइज कर रही है, आज मैं थोड़ा रिलैक्स बैठा हूँ क्योंकि आज मैं तो आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर 2 रवि यादव 15 ओवर में कहते हैं, रजत सर, सर कशिश ने मुझे ब्लॉक कर दिया। You blocked her, कशिश? मैं ये ब्लॉक और अनब्लॉक वाला गेम खेलती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी। तो यू आर मतलब कशिश आप इंस्टाग्राम पे हो? 14.4 में स्कोर जो है वो 69 पहुंच गया है मनोज, और यहाँ पर अगली बॉल, और ये बॉल हवा में, 1 रन फिर से मिल जाएगा, 1 बॉल और रह गई है, तो 14.5 में स्कोर जो है वो 70। तो कशिश मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि मतलब आप इंस्टाग्राम पे हैं? नहीं। ओके तो देखिए मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ करता ही नहीं हूँ, और अभी मैंने कशिश से पूछा तो कशिश अगर इंस्टाग्राम पे है नहीं तो ब्लॉक कैसे कर सकती है? तो 14.5 में ये स्कोर हो चुका है 70 रन, 15 रन 15 ओवर में 70 रन हो तो गया, 15 ओवर हो चुके हैं समाप्त 70 रन। तो यहाँ से देखते हैं अगले 6 बॉल 5 ओवरों में कितने रन बन पाते हैं, यहाँ पे बनता है। और मनोज जैसा कि आपने कहा था कि 100 से अंदर ही रहेगा, तो मुझे लगता है कि 90 तो पहुंच सकता है, 100 ही रहेगा यार, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। 30 बॉलों पे 30 रन, जिस तरीके से ये हर बॉल पे डॉट
फिर से देखिए कमेंट्स रुक गए हैं, और यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ आप कहीं ना कहीं हर चीज के बारे में अपडेट देते रहे, चाहे मैच हो चाहे आगे कोई भी मैच हो उसके बारे में। तो 15 ओवर में 70 रन यहाँ पर बना लिए हैं, और राकेश का यहाँ पे प्रेडिक्शन है 97 रन्स। रजत सिंह, मेरी कोई बहन नहीं है तो 15 ओवर में 70 रन और यहाँ पर अगली बॉल, और इस बॉल पर देखते हैं कितने रन आते हैं, और फिर से डॉट बॉल। तो 15.1 में 70 का स्कोर, 3 विकेट यहाँ पर लग चुके हैं, और 15.1 में जिस तरीके से यहाँ पे 70 का स्कोर पहुँच गया है, और अब यहाँ से नीदरलैंड विमेन के जो चांसेस हैं जीतने के वो 93% चांसेस हो चुके हैं, और 100 से पार पहुंचेगा, 105 या 110 अवदेश जी ऐसा कह रहे हैं, तो देख लेते हैं बिल्कुल अवदेश जी पहुंच पाता है यहाँ पर। और जैसे कि मैं बता देता हूँ कि अभी तक तो देखिए क्या खूबसूरत 15.2 में 71 रन हो चुके हैं, और यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर, और बिल्कुल शानदार मैच चल रहा है मेरी यहाँ पर 15.2 में 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर जी बिल्कुल। और ओहो यहाँ पर बिल्कुल कशिश, मुझे तो बिल्कुल थोड़ी बहुत अगर ऐसा लाइव के दौरान, अगर देखिए ठंड इतनी हो गई, अगर लाइव के दौरान अगर कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए तो बिल्कुल कशिश कैश कर ले कि मैन ऑनर है यहाँ पर 15.3 में 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रियांशु मिश्रा कह रहे हैं ऑल आउट हो जाएंगे, तो देखते हैं 15.4 में 71 का स्कोर और 3 विकेट यहां पर जा चुके हैं ऑलरेडी नीदरलैंड विमेन के मनोज जी मैम बिल्कुल, और यहां पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार, और एक और बॉल डॉट आ गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं इंस्टा पर कशिश जी आपको फॉलो कर लिया है, ये तो बता रही है कि वो नहीं है, और क्या मुझे फॉलो कर लिया है, और यहाँ पर 15.5 में ये स्कोर हो चुका है 72 रन और 3 विकेट के नुकसान पे, आखिरी बॉल पे भी आ चुका है सिंगल, तो 16 ओवर हो चुके हैं समाप्त, और यहाँ पर 73 रन यहाँ पर नीदरलैंड विमेन ने बना लिए हैं, और यहाँ पर 16 ओवर पूरे हो चुके हैं, और अब देखते हैं 4 ओवर में स्कोर जो है वो कहाँ तक हो पाता है। तो कशिश आपको क्या लगता है, मुझे तो कशिश इसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 81 करवा दो आउट हुए, 81 करवा दो आउट हुए, कैसे भी करके मतलब 81 से 81 रन बनवाने या फिर 81 के अंदर अंदर आउट करवाना है, और यहाँ पे माई जी कह रहे हैं 90 ही बनेगा, देख लेते हैं यहाँ जी पर। मुझे तो देखिए 100 लग रहा है यहाँ से तो, और यहाँ पर बिल्कुल कशिश मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रन बनेंगे बहुत सारे अभी, तो 16 ओवर में 70 आई नीड ओनली 8 रन, तो कशिश आप उनके 8 रन बनवा रहे हैं, कशिश बनवा देंगे ये देखिए कशिश हमारी दिल की बहुत साफ है, कल मेरे भी T10 में बहुत सारे, और यहाँ पे अगली बॉल और इस बॉल पे 2 रन, तो 16.1 में कशिश आप व्यूअर्स के तो बहुत बनवाते हैं आपने, मैंने भी T10 में प्रिडिक्ट किया था, आपने मेरे तो नहीं बनवाए, आप व्यूअर नहीं है हमारे संदीप जी बिना आउट हुए 81 चाहिए, तो देखिए 75 हो चुके हैं सिर्फ 6 रन, कशिश लव यू 95 रन टोटल देखते हैं 75 रन हो चुके हैं, और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार, और एक और सिंगल, सिर्फ देखिए आपके 5 रन लेफ्ट है संदीप जी, बस मुझे ये बता दो कि बैट कितने की है, तो 16 तो रवि कुमार का मैं फिर से जो कमेंट है वो काफी शानदार है, और शानदार है बिल्कुल, वो कहना चाह रहे हैं कि टोटल जो है वो 95 रन बनेगा मनोज, तो देख लेते हैं, और ये कैश कर ले को लव यू भी कह रहे हैं, और यहाँ पर बॉल हवा में है, और देखते हैं कहाँ तक ये बॉल जाती है, और ओ संजय जी यार शिट, देखिए अब तो विकेट जाने ही थे ना यार, अब तो कहीं ना कहीं देखिए वो रन बनाने जाएंगे, तो विकेट के लिए तो आपको देखना था ना कि देखिए कहीं ना कहीं विकेट जाने वाला है, क्या यार संदीप जी पहले मुझसे पूछ तो लेते, बैट लगा लगा के आ रहे हैं और बस मेरे को बता रहे हैं शिट, क्या यार आपको पता नहीं था कि रन कितनी सारी, तो यहां से है ही 21 बॉल शेष और इतने सारे विकेट थे कि कोई ना कोई मारती तो विकेट तो लगता ही ना यार,
तो आप मुझसे एक बार पूछ लेते तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता था 16.3 में 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो कशिश मेरे को तो बहुत बुरा लगा, संदीप जी हार गए। कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। तो 16.3 में सॉरी ब्रदर। ओके लोमनी को ओवर दिला दो जी, लोमनी को अभी ओवर दिला देते हैं। मैं देख लेता हूँ कि लोमनी के कितने ओवर बाकी हैं और कितने नहीं। यहाँ पर लोमी ने विकेट ले लिया ना यार, 2.3 में 11 रन देके 2 विकेट। आपके लोमनी को विकेट मिल गया है, आपने कहा था कि उनको 2 विकेट चाहिए तो 2 विकेट मिल गए। संदीप जी अब सेकंड इनिंग में मिलता हूँ जी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आप सेकंड इनिंग में मिलिए, फर्स्ट इनिंग में मिलिए, हम हमेशा आपके साथ तैयार खड़े हैं। जब भी आपको कुछ भी पूछना है, बराबर इस पूरे मैच पर हमारी भी नज़र बनी हुई है, अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। डॉट बॉल कशिश, एक और डॉट बॉल। बिल्कुल मनोज, डॉट बॉल हो गई है। तो 16.4 में 76 का स्कोर यहाँ पर हो चुका है, 4 विकेट यहाँ जा चुके हैं। और अनिकेत जी का कहना है कि यहाँ पर कौन जीतेगा मनोज? बिल्कुल देखिए, मैंने जैसे बताया था कि थाईलैंड वुमेन जीतेगी कशिश यहाँ से। तो 16.5 में 76 का स्कोर, 4 विकेट जा चुके हैं। इसी के साथ विकेट विकेट खेल रही हैं ये लड़कियां। अगली बॉल एक और सिंगल। तो राकेश जी का कहना है कि 97 और 98 लास्ट। राकेश जी सारन वही है ना जो 105 110 बना रहे थे, पता नहीं मुझे। तो 17 ओवर में 77 रन्स। और आप सब लोग हमें बताइए कि क्या लगता है आपको 20 ओवर में कितने का स्कोर यहां पे बन जाएगा, 20 ओवर में आप हमें बताइए। अच्छा ये कौन कह रहा था कि अवधेश जी, अच्छा अवधेश जी कह रहे थे, ओके ओके। अनिकेत वर्मा आज नीदरलैंड जीतेगी कुछ भी कर लो। स्कोर 100 प्लस होगा। नो ब्रो, मैं शुरू से 97-98 बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो किसी और ने बोला था। और बिल्कुल देखिए, मैच है अंकित जी, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमें तो यही लगता है कि थाईलैंड वुमेन्स ही जीत पाएगी। तो कशिश आपको क्या लगता है कि थाईलैंड चाहिए या नीदरलैंड? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ आज। तो 17 ओवर में 77 रन्स, 4 विकेट, एक और विकेट लग गई है मनोज यहाँ पर। जैसे कि कहा था, ये लड़कियां विकेट विकेट ही खेल रही हैं कशिश। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और विकेट, 5 विकेट यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन के जा अब चुके। ये अंकित जी ने जो कमेंट किया था कि आज नीदरलैंड जीतेगी कुछ भी कर लो, तो फिर क्या करा जाए इनके साथ? तो बिल्कुल इनको पता होगा ना, अभी तो 3 ओवर और रह गए, देख लेते हैं क्या होता है। तो कशिश 3 ओवर में 30 रन और बनवा रहे हैं। कह तो ऐसी रहे ये। ओके तो बिल्कुल देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल आप रोकिए मत, क्योंकि देखिए बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बातें करने में। जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपकी सोच है, आप रख सकते हैं। बिल्कुल हम इस मैच के दौरान बने हुए हैं आपके साथ। 17.1 में जो स्कोर है ये हो चुका है 77 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और कशिश कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है थाईलैंड को सपोर्ट कर रही है। रवि यादव जी, थाईलैंड जीतेगा आज। ओके, और यहाँ पर माही लवर 90 ही बनेगा। और यहाँ पे अंसारी वाइन्स कह रहे हैं कौन विकेट, ओमी चा ने विकेट लिया है ये और बोल्ड आउट किया है और 90 रन ही बनेंगे। मावी जी ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कशिश यहाँ से 90 रन भी मिलना देखिए मुश्किल लग रहा है कशिश। बिल्कुल, और मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर लाइव मैच के प्रेडिक्शन देते हैं, लाइव मैचेस में भी मिलते हैं। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। अनिकेत वर्मा जी 100 से प्लस कह रहे थे और अब कह रहे हैं कि 100 बनेंगे। अब आप और 100 से माइनस में तो नहीं आएंगे ना? तो 17.3 में स्कोर जो है 78 रन्स, 5 विकेट यहां पर जा चुके हैं। तो कशिश मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकित जी को है ना ये रॉबिन, हाँ बिल्कुल अनिकेत जी, जो रॉबिन रितिके जी खेल रही है ना इनके ऊपर, ये देखिए 26 साल की है और ये देखिए कशिश बैटिंग तो वो अच्छी खासी कर लेती है, क्योंकि 25 रन बनाए थे, 23 बनाए थे, 12 बनाए थे, 0 बनाए थे, 1 बनाया था, तो बैटिंग तो कर सकती हैं यहाँ पर। लेकिन देखते हैं क्या करती हैं ये जो उनका
दो रन आ चुके हैं, 80 रन का स्कोर हो चुका है 17.4 में इस ओवर की दो बॉल और अगली बॉल और यहाँ पर रोहित शाह जिन्होंने दो विकेट ले लिए हैं, अगली बॉल पे भी आ चुका है सिंगल, तो 81 रन पे 5 विकेट के नुकसान पे और कशिश सिर्फ 13 बॉलें शेष हैं यहाँ पर, तो 13 बॉलों पे कितने रन बनाती है आपकी टीम? तो मनोज देखते हैं अभी क्योंकि 17.5 हो चुके हैं, 17.5 पे 81 का स्कोर हो गया है, 5 विकेट यहाँ पर ऑलरेडी लग चुके हैं और एक और विकेट लग गया है मनोज। तो बिल्कुल जैसे कि कशिश ने बताया कि एक और विकेट लग चुका है, तो जैसे कि बहुत 100+ होगा मैम। ठीक है बिल्कुल अनिकेत जी, हम भी आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं ये स्कोर कहाँ पे पहुँचता है। तो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर ओमी चाह ने तो ले लिए हैं 4 ओवर में 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इवा नाइक लाइट जो 1 रन पे आउट हो गए, रॉबी ने खेल रही हैं 28 रन पर, मुझे ऐसा लगता है ये कौन है, चैट मी जी बिल्कुल, आई चैट यू, यू मैसेज मी, आई विल चैट यू बिल्कुल। यहाँ पर 18 ओवर में 81 रन और देखिए प्रिडिक्शंस जो यहाँ पर जो विनिंग प्रेडिक्शंस चल रही हैं वो तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम के साथ ही हैं, थाईलैंड वेमेन के ज़्यादा चांसेस हैं आज का मैच ये जीतने के, और इसी के साथ 18 ओवर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, 18 ओवर में 81 रन्स नीदरलैंड वेमेन ने बना लिए हैं। Who will get विकेट? बिल्कुल ओमी चाह ने ही लिया है ये विकेट, तीसरा विकेट ले लिया है उन्होंने और देखिए सिर्फ इसकी 12 बॉलें शेष हैं, तो 12 बॉलें बाद देखते हैं कितने रन बना पाती है नीदरलैंड की टीम, क्योंकि नीदरलैंड की टीम ने अब तक देखी है तो पहली बॉल कशिश हो चुकी है डॉट, तो रॉबी ने राज के जो इतनी देर से खेल रही है, जब कशिश जब कोई सैड बैट्समैन डॉट करता है तो आपको कैसा लगता है? और यहाँ पर अगली बॉल और इस पर फिर से एक रन यहाँ पर बना लिया है, तो 18.1 में स्कोर जो है वो 82 रन का पहुंच गया है, 6 विकेट यहाँ पर लग चुके हैं और यहाँ पर नब्बे ही बन पाएंगे। और कशिश मैम से हम प्रिडिक्शन करवा लेते हैं, कशिश मैम 20 ओवर में कितने रन बन पाएंगे? मुझे लगता है कि यहाँ पर 82 तो हो चुके हैं और अगली बॉल डॉट हो चुकी है यहाँ पर जी। कशिश जल्दी बताइए, सिर्फ 9 बॉलें शेष हैं, 8 रन, तो यहाँ पर कशिश ने भी कह दिया है कि यहाँ से 90 रन ही बनेंगे, तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है हेमंत लांचीर और सिंगल आ गया है और जैसे कि 83 हो चुका है स्कोर और अभी भी 8 बॉलें शेष है। रॉमी जिन्होंने 3.4 में 13 रन देके 2 विकेट ले लिए हैं और ये स्कोर है जो पहुंच चुका है 83, 6 विकेट के नुकसान पर 18.4 में करंट रन रेट चल रही है 4.45। और यहाँ पर अगली बॉल और इस बॉल पर बॉल है हवा में और यहाँ पर रॉबी ने राज के ने उठा के मारा और लेकिन कशिश एक रन ही मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्कोर हो चुका है 18.5 में 84 रन, रवि यादव 20 ओवर में 89 रन आएंगे, 20 ओवर में 90 रन आएंगे, देखते हैं 20 ओवर में कितने रन आएंगे। मनोज क्या लगता है 20 ओवर में? जी कशिश मैंने तो कब की प्रेडिक्शन कर दी, अगली बॉल और इस बॉल पर देखते हैं और ये विकेट लग गया है मनोज, तो 19 ओवर में 84 का स्कोर, 7 विकेट यहाँ पर लग चुके हैं और एक आखिरी ओवर और उसके बाद देखते हैं कि ये स्कोर कहाँ पे पहुँचता है, 90-89 और अनिकेत जी जैसा कह रहे हैं कि 100 से ऊपर जाएगा स्कोर, तो बिल्कुल देख लेते हैं कि ये स्कोर कहाँ तक पहुँच पाता है। VIP मोहित गेमिंग कह रहे हैं कि 20 ओवर में 95 कशिश, तो यहाँ पर सिर्फ आखिरी 6 बॉलें शेष हैं और 6 बॉलों बाद हम जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा था कि इस मैच के बारे में और भी आपको अपडेट जो देंगी यहाँ पर पहले भी, तो 20 ओवर में 95 रन देखते हैं बन पाते हैं या नहीं, अभी भी 6 बॉलें शेष हैं और कॉट आउट हो चुकी हैं यहाँ पर जो जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी चली है और यहाँ पर जैसे नीदरलैंड वुमेन ने लास्ट मैचों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर नीदरलैंड और थाईलैंड ने कहीं ना कहीं मैच नीदरलैंड और नामीबिया की टीम से जीते थे ये,
और यहाँ पर 19 ओवर में 84 रन और 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 89 बनेंगे और वीआईपी मोहित का कहना है 20 ओवर में 95। देखते हैं, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, कुछ बॉल और रह गई हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो स्कोर है 19 ओवर में 84 रन्स पहुँच गया है, तो 84 रन्स यहाँ पे बना लिए हैं, 6 बॉल और उसके बाद देखते हैं किसका प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बने रहना है कैश करले के साथ। कैश करले को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। जी बिल्कुल, देखिए बने हुए हैं हम आपके साथ, लेकिन आखिरी कुछ 6 बॉलें शेष हैं और देखते हैं 6 बॉलों में बिल्कुल देखिए 6 बॉलों में शेष हैं 6 बॉलें, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाती है ये टीम की। यहाँ पर 19 ओवर हो चुके हैं, 84 रन हो चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, और बिल्कुल देखिए अभी कुछ देर में 19 पॉइंट में जो 84 रन 7 विकेट के नुकसान पर, सिर्फ 6 बॉलें शेष हैं यहाँ पर, तो देखते हैं 6 बॉलों पर कितने रन बना पाती है ये टीम और कितना हो पाता है ये स्कोर, क्योंकि 30 रन पे खेल रही है राज रोबिना राज के। तो 19 ओवर में 84 रन 7 विकेट के नुकसान पर, तो कशिश ये इतनी देरी क्यों हो रही है इस मैच में? मनोज हैव पेशेंस, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ 6 बॉलें शेष हैं और देखते हैं 6 बॉलों पर कितने रन बना पाती है थाईलैंड वुमेन की टीम, क्योंकि कशिश जब इतनी देर में बल्लेबाजी करने वाले, और यहाँ पर पहली बॉल पे आ चुका है 2 रन और दूसरी बॉल पे भी आ चुका है 1 रन और तीसरी बॉल हो चुकी है यहाँ पर डॉट और 19.3 में इस, और फिर से एक और सिंगल आ चुका है 19.4 का ये स्कोर आ चुका है, और यहाँ पर जो स्कोर है कहीं ना कहीं पहुँच चुका है 19.5 और एक और सिंगल आ चुका है यहाँ पर 89 रन हो चुके हैं, विकेट चली गई है 88 रन और सिर्फ आखिरी बॉल शेष है। तो कशिश सिर्फ आखिरी बॉल शेष है? बिल्कुल मनोज, और इस बॉल पे देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 90 का भी नहीं पहुँचेगा ये तो। कशिश अभी आखिरी बॉल शेष है क्या? हाँ, तो कैसे पहुँच जाएगा अगर डॉट बॉल हुई तो? कशिश एक चौका आ गया तो ये स्कोर पहुंच जाएगा 92 और अगर छक्का आ गया तो ये स्कोर आ देख जाएगा। लेते हैं देख लेते हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं ना नीदरलैंड के, चौके छक्के मार रहे हैं तो इस पे भी आ ही जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि कशिश कह रही है और यहाँ पर ये स्कोर है जो हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ आखिरी बॉल कुछ शेष है, 88 रन हो चुका है ये स्कोर 88 रन पर, 5 विकेट हो गए हैं और आखिरी बॉल शेष है यहाँ पर नीदरलैंड की इनिंग की, और यहाँ पर LPW आउट हो चुके थे और यहाँ पर सिर्फ आखिरी बॉल शेष है यहाँ पर कहीं ना कहीं नीदरलैंड वुमेन की इस इनिंग की। काफ़ी कम टोटल बना है कहीं ना कहीं, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड बहुत आसानी से इसको चेस कर देगी। तो यहाँ पर सिर्फ आखिरी बॉल शेष है और जैसे कि मैं बता देता हूँ 19.5 में ये स्कोर है जो हो चुका है, और यहाँ पर अब आ चुकी है सिल्वर सीगर जिन्होंने 27 मैचों में 24 रन बनाए। कशिश तो कैसी लग रही है आपको ये बैट्समैन? बैटिंग देखूंगी पहले, एक बॉल पे क्या ही करती है बिल्कुल, तो देखते हैं एक बॉल पे कितने का स्कोर यहाँ पहुँचता है और किसका प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। अब बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना है, कैश करले के साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, और फिर से मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और 88 रन हो चुका है स्कोर और यहाँ पर इस ओवर की आखिरी बॉल है, और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं पहली बॉल पर डबल आया और फिर एक रन और फिर जीरो फिर एक और यहाँ पर विकेट लग गया था, विकेट लग गया था, तो आखिरी बॉल देखते हैं कितने रन का स्कोर मिलता है। तो एक रन हो चुका है, तो 20 ओवर में 89 रन बने हैं और 90 रन का यहाँ पर टोटल मिला है।
बिल्कुल, तो 20 ओवर में यहाँ पे जो स्कोर है वो जा पहुँचा है 89 रन्स। और अब हम आपको बताएंगे कि नीदरलैंड वुमेन के जो प्लेयर्स थे उनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा। अगर हम सबसे पहले आप बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन के प्लेयर्स की बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं कि जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है, स्कोर कार्ड हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले 20 ओवर में जो 89 का स्कोर बनाया है इन्होंने, 8 विकेट यहाँ पर चले गए नीदरलैंड वुमेन के। और अब देखना होगा कितनी आसानी से थाईलैंड वुमेन जो है 89 का स्कोर जो है वो चेस कर पाती है। लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बीडी ने यहाँ पर 19 बॉलों में 12 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 63 का स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें एस कैलिस की, तो यहाँ पर 21 बॉलों में 15 रन इन्होंने बनाए हैं, 1 चौका लगाया और 71.43 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। और उसके बाद अगर हम आर रिचके की बात करें तो 40 बॉलों में 33 रन इन्होंने बनाए, 1 छक्का लगाया और 82.50 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला है। और ओवर डिच की बात करें तो यहाँ पे 17 बॉल में 10 रन इन्होंने बनाए हैं, 58.82 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। आयरिस ड्रिलिंग की बात करें तो 9 बॉल में 6 रन इन्होंने बनाए, 9 बॉल में 6 रन बनाकर ये आउट हो गई। और 9 बॉल में 6 रन बनाकर 66.67 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। साफ तौर से आप स्क्रीन पर स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और आर वैन ने यहाँ पे 4 बॉलों में 1 भी रन नहीं बनाया, तो 0 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर ये खेली हैं। ई नाइकिल की बात करें तो 3 बॉल में 1 रन यहाँ पर बनाया है, 3 बॉल में 1 रन इन्होंने बनाया और उसके बाद ये आउट। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 1 विकेट लिया है, 1 विकेट यहाँ पर, 2 विकेट, 3 विकेट लिए हैं यहाँ पे काम चोंपू ने। और यहाँ पे दूसरा विकेट, 3 विकेट इन्होंने लिए काम चोंपू ने, और लाउमी ने 3 विकेट लिए हैं। और उसके बाद जो विकेट लिया है वो लिया है, 2 विकेट लिए हैं पुटावोंग ने। तो इस तरह से टीम थाईलैंड की जो है वो बॉलिंग रही है, आप साफ तौर से स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर टीम की बॉलिंग रही, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दिए। और जिस तरीके से बॉलिंग की, सिर्फ 89 का स्कोर यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन जो हैं वो बना पाए हैं। फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो पहला विकेट गया 17 पर, पहला विकेट गिरा, और 36 पर दूसरा विकेट, 63 पर तीसरा विकेट, 76 पर चौथा विकेट, पांचवा विकेट गिरा 77 पर, छठा विकेट गिरा 81 पर, और यहाँ पे सातवां विकेट गिरा 84 पर, और आठवां विकेट गिरा 88 पर। तो इस तरह से फॉल ऑफ विकेट्स हुआ है। और उसके बाद अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पार्टनरशिप रही है वो बीडे लीरी और एस कैलिस की रही, जिन्होंने 25 बॉल में 17 रन बनाए हैं। और एस कैलिस की आर रिचके के साथ रही, जिन्होंने 27 बॉलों में 18 रन बनाए। और उसके बाद जो तीसरा विकेट गिरा है वो गिरा पार्टनरशिप पे ओवरडिच और रिचके की, जिन्होंने 31 बॉल्स में 27 रन्स बनाए थे। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर ही हमने आपको पूरा स्कोर कार्ड साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा विकेट गिरा आर रिच की और आयरिस ज्वेलिंग की पार्टनरशिप पे, जहाँ पर उन्होंने 16 बॉल में 13 रन बनाए और यहाँ पर आर रिच के ने 7 बॉल में 7 रन बनाकर ये आउट हो गई। पांचवा विकेट गिरा है यहाँ पे एज रिच के और आरवेन की पार्टनरशिप पर और यहाँ पर 4 बॉल में सिर्फ एक ही रन बना पाए। छठा विकेट जो गिरा वो 5 बॉल में 4 रन बनाए तब गिरा और यहाँ पे आरविच के और इनायक की पार्टनरशिप रही। और उसके बाद जो 7वां विकेट गिरा है वो गिरा है आरविच की और ए हेडविंग की पार्टनरशिप पर। तो इस तरह से पूरा स्कोर कार्ड हम आपको लगातार बता रहे हैं क्या रहा है यहाँ पर नीदरलैंड विमेन के प्लेयर्स का पूरा रिकॉर्ड। और जिस तरीके से थाईलैंड विमेन ने जो बैटिंग की है, बॉलिंग की है, वो तो माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 प्लेयर्स ही थे जिन्होंने, अगर 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 3-3 विकेट लिए और थर्ड प्लेयर थी हमारी पुटरवांग जिन्होंने 2 विकेट लिए हैं। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉलिंग रही है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 89 काफ़ी बड़ा स्कोर नहीं है और थाईलैंड टीम जो है वो नीदरलैंड विमेन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो यहाँ पर जो 89 का स्कोर है वो बहुत इजीली थाईलैंड विमेन चेस कर सकती है। बिल्कुल आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है कैश करले के साथ। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैश करले। और कल जो मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 3rd ODI, उसका भी प्रेडिक्शन वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट हो गया है, अपलोड हो गया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। और उसके बाद कल अगर हम बात करें तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी मैच होने जा रहा है, उसका भी लाइव प्रेडिक्शन वीडियो कुछ ही देर में जो है वो पोस्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको वीडियोस में सारी डिटेल हमने आपको बताई है, हर प्लेयर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, टॉप फैंटेसी पिक्स क्या रह सकते हैं, सब कुछ उस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, दोनों ही प्रेडिक्शन वीडियोस आप जाकर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या, किसको विकेट कीपर, किसको क्या विकेट कीपर और किसको बैट्समैन चूज कर सकते हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। और यहाँ पर इनिंग ब्रेक अभी चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि थाईलैंड विमेन जो है वो 89 रन का जो स्कोर है वो किस तरह से चेस करती है। तो बिल्कुल बने रहना है आपको कैश करले के साथ, जुड़े रहना है और सिर्फ देखते रहना है कैश करले। कुछ ही देर में जो मैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कैश कर ले। बॉल में यहां पर जो टारगेट है 120 बॉल में 90 रन बनाने हैं थाईलैंड विमेन को और रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा 4.50 का। स्क्रीन पर आप साफ तौर से हम आपको बता रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि ये स्कोर यहाँ पर किस तरह से चेस कर पाती है थाईलैंड टीम। तो लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, और जुड़े रहिए हमारे साथ, यहाँ पर कुछ मिनट और उसके बाद जो इनिंग ब्रेक है वो फिनिश हो जाएगा और प्लेयर्स जल्द ही मैदान में उतरेंगे थाईलैंड विमेन के बैटिंग करने के लिए।
और यहाँ पर अगर हम रियल टाइम विन की बात करें तो 97% चांसेस हैं थाईलैंड वुमेन के जीतने के, और वहीं सिर्फ 3% चांस है नीदरलैंड वुमेन के जीतने के। तो देखते हैं थाईलैंड वुमेन जो है वो किस तरह से ये स्कोर चेज कर पाती है। लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है। स्कोर कार्ड हम आपको साफ तौर से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से बॉलिंग रही है यहाँ पर थाईलैंड वुमेन की, किस तरह से यहाँ पर थाईलैंड नीदरलैंड वुमेन की बैटिंग रही है, किसने कितने रन बनाए, ये हमने आपको सब कुछ एक बताया है, आपको हर चीज़ बताई है कि किस तरह से फॉल ऑफ विकेट्स हुआ। यहाँ पर स्क्रीन पर आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से 89 का स्कोर बनाया है, तो बहुत इजीली जो थाईलैंड वुमेन है वो चेस कर पाएगी। तो लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है, कैश कर ले और कहीं पर भी नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है। क्या करेगी? तो यहाँ पे इनिंग ब्रेक कुछ ही मिनट्स का और है और उसके बाद जो प्लेयर्स हैं हमारे वो मैदान में उतरेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है, सिर्फ कैश कर ले। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं फिर से जुड़ चुका हूँ इस मैच के दौरान, और जैसे कि प्लेयर्स कहीं ना कहीं अब थोड़ी देर में आ जाएंगे और बिल्कुल इस मैच को देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी इस स्कोर को चेज कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल जो यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि जो थाईलैंड की जो ओपनर है वो काफी अटैकिंग बैटिंग कर सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए आप लाइव चैट में जुड़े रहिए और जो भी है आप बोलते रहिए, कुछ ना कुछ देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में ये मैच स्टार्ट होता है। थाईलैंड वुमेन 120 बॉलों में सिर्फ 90 रन की आवश्यकता और रिक्वायर्ड रन रेट है वो सिर्फ 4.50 की ही है, तो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर थाईलैंड कोई कमाल की वापसी कर पाती है या फिर कोई कमाल की वापसी, कोई ज़बरदस्त विकेट्स ले पाती है या नहीं। और थाईलैंड वुमेन की बात करें तो लास्ट दो मैच हारी हुई है और वहीं नीदरलैंड वुमेन मैचेस जीती हुई है। और यहाँ पर अभी तक जो स्कोर है थाईलैंड वुमेन, इनिंग ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, और इनिंग ब्रेक पहला ये T20 चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये मैच कितनी जेल में खत्म होता है। और अभी तक थोड़ी देर में जो जैसे कि हम बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जल्दी प्लेयर फटाफट एंट्री कर लेंगे, और अभी तक 0-0 जैसे कि मैंने बताया था कि अभी प्लेयर्स आए नहीं है, प्लेयर्स थोड़ी देर में आने वाले हैं। और इनिंग ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, जैसे कि हम बता रहे थे कि थाईलैंड वुमेन वर्सेस आज ये मैच था, जैसे कि मैंने बताया था प्लेयरों ने करना स्टार्ट कर दिया है एंट्री, और यहाँ पर प्लेयर आ चुके हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी ये इस स्कोर को बनाते हैं यहाँ पर बिल्कुल। और अच्छा मैच देखने को हो सकता है ये थाईलैंड वर्सेस और नीदरलैंड वुमेन का। कहीं ना कहीं देखिए थाईलैंड बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं थाईलैंड टीम जीत सकती है और थाईलैंड के जो ओपनर हैं वो ज़्यादा अच्छे ओपनर हैं। और तो पहली बॉल यहाँ पर आ चुकी है खाली, तो पहली बॉल को मिल चुका है डॉट बॉल, और देखते हैं दूसरी बॉल पर क्या होता है या क्या नहीं। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है, दूसरी भी बॉल आ चुकी है डॉट, तो दो बॉलों पर अभी तक 0 रन बने हैं।
और 2 बॉल 0 रन। तो देखते हैं यहाँ पर जो थाईलैंड वुमेन है वो कितनी जल्दी इस जो ये चेज है इसको कितना जल्दी कर पाती है ये। तो अभी तक 2 ओवर में 0 रन और 4 बॉलों पर 1 रन हो चुका है, जैसे कि मैं आपको बताता रहूंगा इस मैच के बारे में। और 4 बॉलों पर अब तक 0 रन का हो चुका है ये स्कोर। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं आई ज्वेंगिंग और स्ट्राइक पर है एन चेतराम, काफी शानदार प्लेयर है, अच्छी हिटर है। यहाँ पर पहली बॉल ड्राइव करने की कोशिश लेकिन डॉट हो गई है 0.5 में। ये स्कोर अभी तक 1 रन ही हुआ है और आय ज्वेलिंग काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई है, 5 बॉल पर सिर्फ 1 रन ही दिया है। तो इस ओवर की आखिरी बॉल और पावर प्ले की आखिरी बॉल, तो फिर से गेंदबाजी कराने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर फिर से शॉट मारा है डाउन द ग्राउंड, देखते हैं फील्डर पकड़ पाते हैं या नहीं, लेकिन मिस फील्डिंग हुई है और 1 रन और मिल जाएगा। तो 6 बॉलों पर 2 रन और बिना किसी नुकसान के थाईलैंड वुमेन। और जो चेतनाम है वो काफ़ी शानदार प्लेयर है, काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, तो देखते हैं ये रन कितनी जल्दी बना पाते हैं या नहीं, या फिर ये मैच एट दी एंड लास्ट ओवर तक खेचेगा, क्योंकि अगर चेतनाम रही तो इस मैच को कहीं ना कहीं वो 12-13 ओवर में भी ख़त्म कर सकती हैं। तो चेतनाम के ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा नज़रें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चेतनाम कहीं ना कहीं फेयरलेस प्लेयर है और डी लेंगे आ चुकी हैं गेंदबाजी के लिए, और देखते हैं डी लेंगे कैसे गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर और एन चेतनाम ऑफ स्पिनर के सामने कैसी बैटिंग करेंगी। तो यहाँ पर फील्डिंग सेट हो रही है, यहाँ पर डीप मिड विकेट को बाहर किया गया है, जैसे कि जैसे हम बता रहे हैं पावर प्ले में 2 फील्डर्स। तो बिल्कुल कशिश जी, आपके ये क्या रवि यादव ड्रीम इलेवन पर 5000 विन हो रहा हूँ 25 में बिल्कुल। और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर जैसे कि पापा का शक्तिमान आ चुका है कशिश। हेलो सर, पापा का शक्तिमान। अभी अभी मोहित जी मैंने आपका मैसेज देखा नहीं, सॉरी। तो अगली बॉल यहाँ पर फिर से स्टेप आउट करके यहाँ पर ऑन ड्राइव की तरफ मार दिया, रनिंग तो काफी तेज हो रही है लेकिन सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा। तो लेग स्पिनर डी लेंगे आ चुकी है यहाँ पर, तो देखते हैं डी लेंगे क्या कर पाती है या क्या नहीं, क्योंकि डी लेंगे अगर यहाँ से नीदरलैंड वुमेन्स को अगर ये मैच जीतना है तो जल्द से जल्द विकेट लेंगे नहीं पड़ेगी। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर डी लेंगे और एक और बॉल डॉट हो जाएगी। तो 1.2 में जो स्कोर है ये हो चुका है कशिश 3 रन और अभी भी 87 रन की आवश्यकता है। जैसे कि मैं बता रहा था कोचर तो यहाँ पर स्वीप किया है लेकिन वाइड बॉल अतिरिक्त का मिल जाएगा 1 और रन। तो ये स्कोर जा पहुँचा 1.2 में 4 रन और अभी भी 86 रन की आवश्यकता है और बॉलें अभी भी शेष है 112। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से स्टेप आउट होके यहाँ पर पीछे वाले पैड पर लगी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ आपसे कह रहे हैं कशिश। थैंक यू सो मच, पर मैं अभी कर लूँगी जल्दी। और आप बताइए, आपका लंच हो गया जो हमारे साथ व्यूअर्स बैठे हैं, आप सभी को तो इनिंग ब्रेक मिल गया है एंजॉय करने के लिए, लंच करने के लिए, क्या कहना है आप सभी का? तो अभी भी 86 रन की आवश्यकता है, अभी भी 2 बॉलें शेष और मैं स्टेप आउट करके यहाँ पर फिर से फ्लिक किया लेकिन फिर से फील्डर के हाथ में। तो कशिश देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैच शायद दोनों टीमें ऐसी ही खेल रही हैं, जिस हिसाब से ये 1.4 में सिर्फ 4 रन ही बना पाई है। मैं तो सोच रहा था कि चेतनाम इस ओवर में जल्दी ख़त्म कर देगी लेकिन कहीं ना कहीं कोचर ने फिर से कट किया है, इस बार शायद गैप में गई है बॉल लेकिन सीधा पीछे फील्डर मौजूद होगा और 1 रन और मिल जाएगा। तो 2 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं समाप्त, 2 ओवर में 5 रन और अनिकेत वर्मा जैसे कि आपने पहले कहा जीतेगा, उनसे पहले इन्होंने कुछ और भी प्रेडिक्शन किया था कशिश 100 से 5 जाएगा स्कोर, फिर उनके बाद उन्होंने कहा क्या कहा कि 100 बनेगा कुछ नहीं उसके बाद।
जी उन्होंने कहा था, मुझे अच्छे से याद है कि 100 बनेगा उनका, वो भी नहीं बना। और आप कोई बात नहीं मनोज, यहाँ पे प्रिडिक्शन का गेम है, किसी का भी सही हो सकता है, कुछ तो यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है कोचर को, और यहाँ पर डिफेंस कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2.1 में अभी तक 13 बॉलों में सिर्फ कशिश बनने को तो सिर्फ 5 रन ही बन पाए अब तक। बिल्कुल मनोज, और लेकिन देखते हैं अभी मैच जो है वो अभी शुरू ही हुआ है, तो बिल्कुल देखते हैं पावर प्ले में स्कोर जो है वो कितना रहता है। रवि यादव मैडम आप क्या किस जिले से हैं? बिल्कुल बताएंगे हम आपको, कैश कर ले जिले हमारा ही। बिहार से हैं जैसे कि मैंने बताया रवि यादव जी, कितनी बार पूछेंगे आप, बिहार से हैं ये। मनोज कुछ भी मत बोलिए आप। और यहाँ पर रवि जी आप भी हमें बताइए कि आप कौन से जिले से अगली हैं। बॉल कराने के लिए तैयार है, ज्वेलिंग स्ट्राइक पर एम कोचर, यहाँ पर इस बार तो पुल कर दिया है, यहाँ पर पहला चौका शायद इस पारी का लग गया है और ये स्कोर है जो जा पहुंचा 9 रन, और अभी भी यहाँ से 81 रन शेष है इस मैच को जीतने के लिए। देखते हैं जैसे कि चेतनाम बहुत अच्छी प्लेयर है, जल्द से जल्द रन बनाती हैं, अच्छा स्कोर इम्पैक्ट प्लेयर हैं, अच्छी जल्दी तेज गति से रन बनाती हैं, और ये स्कोर हो चुका है 2.3 में 9 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पर कोचर जो हल्का फुल्का दबाव महसूस कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी जब सिर्फ 11 बॉलों पर उन्होंने 2 रन ही बनाए थे, लेकिन एक बाउंड्री आने से कहीं ना कहीं उनका प्रेशर खुलेगा। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार ज्वेलिंग, और स्ट्राइक पर होंगी कोचर, तो देखते हैं क्या होता है इस बॉल पर। यहाँ पर फिर से बॉल शुरू और हल्की सी, इस बार तो ड्राइव किया है और फिर से गैप में गई है बॉल तेज गति से, तो काफी तेज गति से रनिंग हो रही है, लेकिन जब तक फील्डर पकड़ पाएंगे तब तक 2 रन और मिल जाएंगे। यहाँ से 11 रन बन चुके हैं 2.3 में और स्कोर अभी भी 70। स्पेस एक्स सर व्हाट यू थिंक यू विल विन? बिल्कुल देखिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ आपको, ये मैच थाईलैंड वुमेन ही जीतेगी। तो 2.4 में 11 रन, और अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। तो अब तक भी यहाँ पर 79 रन शेष है, और तो देखते हैं यहाँ पर क्योंकि चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस मैच में थोड़ा बहुत भी कलर चाहिए तो चेतना, मतलब चेतना अगर आउट हो जाती है तो थोड़ा बहुत कलर मिल सकता है। देखिए अगर चेतना आउट नहीं हुई तो ये मैच बहुत जल्दी 13-14 ओवर में भी खत्म हो सकता है। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, यहाँ पर फिर से ड्राइव मारी है लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, तो यहाँ पर 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 3 ओवर में 11 रन बिना किसी नुकसान के, और अभी भी पावर प्ले के 3 ओवर शेष है, तो देखते हैं यहाँ पर 3 ओवर में कितने रन बना पाती है टीम। तो देखते हैं यहाँ पर लेग स्पिनर को चेंज किया जाता है नहीं, या फिर किसी और को बुलाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेग स्पिनर काफ़ी शानदार डी लैंडन ने पिछला ओवर डाला था, लेकिन देखिए चेतनाम नहीं थी, और जैसे कि चेतनाम मैं जैसे कह रहा था कि बहुत अच्छी स्ट्राइकर है, और पहली बॉल स्टेप आउट करके गई है, लेकिन यहाँ पर बॉल को अच्छी तरीके से खींचा ले और डॉट बॉल हो चुकी है। तो पोल के हिसाब से भी थाईलैंड जीत रही है और नीदरलैंड वुमेन को भी कम वोट मिले हैं। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, यहाँ पर चेतनाम फिर से ड्राइव मारी है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद होगा और यहाँ पर 1 रन ही मिल पाएगा, और ये स्कोर जा पहुँचा 12 रन के नुकसान पर, और ये सिर्फ यहाँ से 78 रन की आवश्यकता है, 101 बॉले अभी भी यहाँ से शेष हैं, और एन कोचर जो 15 बॉलों पर 8 रन। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है डी लैंडे, यहाँ पर फिर से डिफेंस कर दिया है, कोई भी रन नहीं मिलेगा और एक और डॉट बॉल हो जाएगी 3.3 में 12 रन बिना किसी नुकसान के। तो 3.3 में ये हो चुका है 12 रन, तो देखते हैं डी लैंडे यहाँ पर डी लेंगे क्या अपनी टीम को सफलता दिला पाती है। स्टेप आउट करके गई है और यहाँ पर सीधा हाथ में, तो एक और डॉट बॉल, तो कहीं ना कहीं कोचर प्रेशर महसूस कर रही होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं एक चौके को छोड़ दे तो सिर्फ उन्होंने 4 रन बनाए हैं 16 बॉल पर। अगली बॉल फिर से इस बार स्वीप किया है लेकिन देखते हैं पैड पे लगी है, एम्पायर वाइड का फैसला देते हैं, यहाँ पर
नहीं बिल्कुल पैड पे लगी है बॉल और यहाँ पर एक और डॉट बॉल हो जाएगी। 3.5 में ये स्कोर जा पहुँचा है 12 रन इस ओवर की आखिरी बॉल चौथे ओवर की। तो देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। यहाँ पर फिर से कट मारा है लेकिन यहाँ पर भी फील्डर पकड़ लेगा और यहाँ पर 4 ओवर में 12 रन। तो देखिए अब तक रवि यादव की मैं माऊ जी जिले से आजमगढ़ मैम मैम जिले आजमगढ़ से देखिए अब तो मैम चली गई है, मैम वापस आएंगी तो बिल्कुल हम आपके साथ वापस बनेंगे। मैम के साथ आप बिल्कुल आप बातें करते रहिएगा, लेकिन अब हम सिर्फ जब तक मैम आएंगी नहीं जब तक हम सिर्फ बातें करते हैं क्रिकेट की और क्रिकेट में क्या चल रहा है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि चेतनाम काफ़ी शानदार प्लेयर है जिन्होंने अब तक 5 बॉलें खेली हैं, ज्वेलिंग जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन दिए हैं और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर है चेतनाम और बैकफुट पंच कर दिया है, एक और डॉट बॉल हो चुकी है और ये स्कोर कहीं ना कहीं 4 ओवर में जो पहुँच चुका है 12 और यहाँ से अभी भी 78 रन की आवश्यकता है। तो देखते हैं 78 रन जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था या मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये कहीं ना कहीं 14 या 15 ओवर में ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अगली बॉल कराने के लिए तैयार है ज्वेलिंग, स्ट्राइक पर है चेतनाम और स्टेट ड्राइव कर दिया है। मुझे लगता है कि बाउंड्री मिल जाएगी चेतनाम को लेकिन तेज गति से रनिंग कर रही है और एक और शानदार चौका। के जी मैंने तो पहले ही कह दिया था आपको कि थाईलैंड वुमेन ही जीतेगी, जब से मैंने टॉस हुआ था जब से मैंने प्लेयरों को देखा था तब से मैंने आपको कह दिया था कि ये मैच कहीं ना कहीं थाईलैंड वुमेन जीत जाएगा। और ये स्कोर 4.2 में 16 हो गया लेकिन आपको तो भी थोड़ा बहुत कलर चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं चेतनाम का होना ज़रूरी क्योंकि चेतनाम जिस स्ट्राइक रेट से खेलती है वो बड़ी ज़बरदस्त खेलती है। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से इस बार ड्राइव कर दिया है, गैप में गई है अब बॉल या नहीं लेकिन मिस फील्डिंग हुई है और 1 रन भी मिल पाएगा और ये स्कोर हो चुका है 4.3 में 17। अक्षय चुप कर भाई, थाईलैंड लूज करेगी। अक्षय जी देखिए अगर आप उल्टा बैठे हैं तो आई एम सो सॉरी, अगर आप शायद जैसे कि हमारी टीम है एंड कोचर के सामने फिर से स्टेप आउट करके लेग स्टंप की तरफ बॉल और एक और डॉट बॉल। अक्षय जी बिल्कुल आप मेरे अगेंस्ट बैठे हैं तो बिल्कुल आप बैठे रहिए, लेकिन जो हमारे चैनल्स पर जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं हम उन्हें हमेशा प्रॉफिट में देखना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि वो कैश करें और हमेशा पैसे कमाएं। तो बिल्कुल हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं ज्वेलिंग और यहाँ पर डिफेंस कर दिया है और ये स्कोर हो चुका है 17 रन। संदीप कुमार पावर प्ले में क्या स्कोर रहेगा मुझे आप एक बार देखिए सेशन का प्रेडिक्शंस आप मुझे बताएंगे कि इतना चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बैट वे पे आ रहा है। तो बिल्कुल संदीप जी आप आखिरी बॉल है थोड़ा जल्दी बता दीजिए तो फिर मैं आपको प्रेडिक्शन कर पाऊँ। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है कोचर और यहाँ पर फिर से स्टेप आउट करके खेला है और यहाँ पर अक्षय चंद और यहाँ पर 2 रन और मिल जाएंगे 23 ओवर में। कितने रन? 23 रन बिल्कुल बनेंगे, ये 100% श्योर है, मैं कह रहा हूँ बनेंगे ये। और 23 अक्षय भागर ये क्या है चैंतम आउट होगी 8 ओवर तक। देखिए अगर ये 8 ओवर तक ये स्कोर पहुँचा दिया तो यहाँ से ये 40 रन मुझे ऐसा लगता है कि 8 ओवर में ये पहुँचा देंगी बिल्कुल 32 या यहाँ से 35 रन 40 रन पहुँच गए तो फिर मुझे लगता नहीं है मैच में कुछ ज़्यादा बचेगा क्योंकि यहाँ से संदीप 6 में चाहिए 23। जी बिल्कुल बनेंगे, अब तो आपको सिर्फ 4 रन ही चाहिए, बिल्कुल ये बनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चेतना में एक बाउंड्री मारने वाली है। तो यहाँ पर पहली बॉल कराने के लिए तैयार है डी लेंडे और यहाँ पर चेतनाम स्टेप आउट करके गई लेकिन सामने मिड ऑफ पे बॉल खींच लिया है और 1 रन और मिल जाएगा, ये स्कोर हो जाएगा 20 रन पर। लेकिन संदीप जी जो दूसरी बैटिंग कर रही है ना कोचर वो कहीं ना कहीं लेग स्पिनर के सामने फंस रही है क्योंकि उनको मुझे लग नहीं रहा है। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर और फिर से स्टेप आउट करके मारा है और यहाँ पर तेज गति से रनिंग कर दी है और यहाँ पर 1 रन और मिल जाएगा और यहाँ पर ये स्कोर हो जाएगा 5.2 में 21 रन। सिंगल खेल ले तो भी अच्छा है। बिल्कुल देखिए चेतनाम मुझे लगता नहीं है ज़्यादा डॉट करेगी, चेतनाम तो बल्कि बाउंड्री और लगा देगी। तो बिल्कुल मुझे चेतनाम की तो मैंने बैटिंग देखी है चंतम की, तो 9 बॉल पे 9 रन। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है डी लेंगे
और फिर से यहाँ पर कट कर दिया है और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। तो बिल्कुल देखिए संदीप जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से जो तीन बॉल है वो भी यही खेलें चंतम, क्योंकि ये कभी भी बाउंड्री लगा सकती हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलती है, अगली बॉल कराने के लिए तैयार है। यहाँ पर स्टेप आउट करके मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि 6 रन मिल जाएगा। बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर, और छक्का मार दिया है। संदीप जी क्या कहते हो आप, और क्या कहते हो हमारी चंतम के बारे में? और यहाँ पर 5.4 में 27 रन हो चुके हैं, जबरदस्त छक्का, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलती हैं, अगली बॉल कराने के लिए तैयार। और यहाँ पर फिर से कट किया है इस बार, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, और ये स्कोर हो चुका है 27 रन। अभी भी 2 बॉलें शेष हैं, तो 2 बॉलों पे देखते हैं क्या हो पाता है या क्या नहीं। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है डीलेंगे, और यहाँ पर इस बार वाइड बॉल का इशारा हो जाएगा और ये स्कोर है जो पहुँच जाएगा 28 रन। और जबरदस्त कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी, 5.5 में ये वाइड का इशारा हो गया 20, रवि यादव 6 नहीं 4 रन जी। बिल्कुल देखिए छक्का है और यहाँ पर फिर से, और ये हो चुका है ओवर समाप्त। वो तो 6 ओवर में 28 रन बिना किसी नुकसान के। आई वुड लाइक टू गिव यू क्रेडिट टू यू ब्रदर, थैंक यू संदीप जी। बिल्कुल देखिए आप मेरे साथ बने रहिए, इस मैच में जितने जिन प्लेयर्स को मैं जानता हूँ उतने को तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, बट शायद बिग बैश हो गई या फिर T10 हो गई, उसमें तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन दे सकता हूँ। तो यहाँ से सिर्फ 62 रन शेष, भाई जी ये वाला सेशन 5000 का था। अरे तो बिल्कुल यार आप जीतते रहिए, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि आप जीतते रहें और ऐसे ही जीतते रहें। और यहाँ पर 6 ओवर में 28 रन और अभी तक कोई भी विकेट गिरी नहीं है, यहाँ पर 62 रन अभी भी शेष हैं और यहाँ से ओवर डिच आई है। तो यहाँ पर पहली बॉल पे मुझे लग रहा है कि वाइड बॉल थी, यहाँ पर 5 रन आ सकता था, लेकिन विकेट कीपर ने काफ़ी अच्छा काम किया और पहली बॉल पे आ चुके हैं 2 रन और ये स्कोर अभी भी सिर्फ मात्र कशिश 60 रन की आवश्यकता। तो 60 रन की आवश्यकता है यहाँ पर और अभी भी 6 ओवर हो चुके हैं, यहाँ से 14 ओवर शेष हैं। तो देखते हैं अगली बॉल कराने के लिए तैयार, और चंतम स्ट्राइक पे, और यहाँ पर फिर से पीछे बॉल और कवर्स की तरफ से ले लिया है एक और सिंगल। तो देखिए कशिश संदीप जी कितने जीत गए, 5000 जीत चुके हैं और पहले के भी सेशन में शायद ये जीते थे ना। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर ओवर जीत के, और यहाँ पर अगली बॉल पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कौनचर है स्ट्राइक पर, और फिर से यहाँ पर छोटी बॉल, इस बार जबरदस्त कट किया है, रनिंग तो थोड़ी तेज कर रही है चंतनम, लेकिन 1 रन और मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये मैच, इस मैच के बाद हम आपको मिलने वाले हैं T10 के मैच में, तो वो भी आप हमारे साथ बिल्कुल देख पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लाइव प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो बिल्कुल बने रहना है आपको हमारे साथ, और 5:30 बजे से जो मैच है T10 वाला वो शुरू हो जाएगा, टीम अबू धाबी का मैच होने वाला है। तो लगातार आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, और ये मैच जिस तरीके से चल रहा है, ये मैच जिस तरह से चल रहा है यहाँ पे स्कोर आपको बता देते हैं, 6.4 में स्कोर जो है वो 34 रन यहाँ पर हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी, यहाँ पे एक भी विकेट नहीं गया है जिस तरह से अभी टीम जो है ये खेल रही है, और 34 का स्कोर यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार, लेग स्टंप की तरफ फ्लिक कर दिया है, और मुझे लगता है कि एक और बाउंड्री मिल जाएगी, जैसे कि मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा था कि जब तक चंतम रहेंगी तब तक ये मैच
जल्दी खत्म होने की संभावना है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि 13-15 ओवर में यह मैच खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल देखते हैं मनोज यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे थाईलैंड वेमेन जो है वो स्कोर बनाती हैं, क्योंकि चंदम काफी शानदार प्लेयर है। देखिए 17 बॉल में 22 रन बना के खेलने अगली बॉल कराने के लिए तैयार, और यहाँ पर ओवर डीच के जिन्होंने 5 बॉल पे 10 रन दिए अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर और ड्राइव तो कर दिया है और एक रन मिल जाएगा। तो 7 ओवर समाप्त और 39 रन, तो 7 ओवर में 39 का स्कोर। आप सभी लोगों में बता सकते हैं कि 10 ओवर में ये स्कोर कहाँ तक पहुँच जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कैश कर ले पर आपको हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी रहता है। तो कहीं और क्यों जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहिए, लाइव चैट में जुड़ जाइए हमारे साथ, पोलिंग कीजिए कि क्या लगता है थाईलैंड विमेन जीतेगी ये मैच या नहीं। तो यहाँ पर 7 ओवर में हो चुके हैं कशिश 39 रन और अभी भी 50 रन की आवश्यकता है, और यहाँ पर एस सिगर्स को बुला लिया गया है, और यहाँ पर देखते हैं जो चंदम है वो कैसे बैटिंग करते हैं, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से रवि यादव जी। बाय मैडम, 5:30 बजे मिलेंगे। बिल्कुल रवि जी, 5:30 बजे मिलते हैं और 5:30 बजे से मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल 5:30 बजे मिलते हैं, ज़रूर आइएगा। मयंक प्रताप जी, जीतने पर पैसे कम मिलते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो ये वैसे भी T20 एक्चुअली जो हमारा जो प्रेडिक्शन टी जो वर्ल्ड कप था उसमें हमारा अमाउंट ज़्यादा था, उसमें भी हम लोगों ने 500 कैश प्राइज आपको बहुत सारे लोगों को दिए हैं। तो अभी जो है वो T20 और T10 की सीरीज़ चल रही है, इसलिए प्राइस कम है, और अब जिस तरह से IPL और बड़े बड़े लीग आते जाएंगे उस तरह से जो प्राइज़ है वो भी आप सभी के लिए बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आपको सेशन मिलते हैं इसीलिए काफ़ी सारे कि जिसमें आप जीत कर बहुत सारे प्राइज़ जीत सकते हैं। तो 7.2 पे स्कोर जो है वो 39 का पहुंच गया है, और अब देखने वाली बात होगी कि 10 ओवर में स्कोर जो है कहाँ पे पहुंचता है अगली बॉल। और यहाँ पर अनिकेत जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ लाइव प्रिडिक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको बताना होता है कि जो बैटिंग करने वाली टीम है वो 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, 4 सेशन मिलते हैं आपको एक इनिंग में। पहला सेशन होता है 6 ओवर तक का, दूसरा सेशन होता है 10 ओवर का, तीसरा सेशन होता है 15 ओवर का, और चौथा सेशन होता है 20 ओवर का। चारों सेशन में आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि बैटिंग करने वाली टीम कितने रन बनाएगी 6 ओवर में, और 6 ओवर का जो प्रिडिक्शन है वो आप सिर्फ 4 ओवर तक कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही 10 ओवर का जो प्रिडिक्शन है वो आप 8 ओवर तक कर सकते हैं, 15 ओवर का जो प्रिडिक्शन है वो आप 13 ओवर तक कर सकते हैं, लास्ट जो 20 ओवर का सेशन होता है वो आप 18 ओवर तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक इनिंग में 4 सेशन मिलते हैं, और अगर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होता है कि हाँ 6 ओवर में 50 रन बनेंगे, तो अगर 6 ओवर में 50 रन बन जाते हैं तो आपको कैश कर ले की तरफ से कैश प्राइजेस मिलते हैं। और जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ अभी का, उसमें भी हमारे कैश प्राइजेस थे, 500 रुपीज़ का कैश प्राइज था, जिसमें हमारे पास बहुत सारे विनर्स रहे हैं जिन्होंने 500 रुपये का कैश प्राइज जीता है। तो अभी जिन मैचेस में कैश प्राइज होगा तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो सिर्फ आपको लाइव प्रिडिक्शंस करने हैं और बहुत सारे कैश प्राइजेस आप जीत सकते हैं जी। और यहाँ पर 8 ओवर में हो चुका है 41 रन बिना किसी नुकसान के, यहाँ से 49 रन और शेष हैं, और कोचर ने और चेतनाम ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप कर दी है। वहीं 23 बॉलों पे 24 रन पे खेल रही हैं चेतनाम, कोचर खेल रही हैं 26-13, थोड़ी स्लो खेल रही हैं, लेकिन इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, इतने रन नहीं है बोर्ड पर, तो बिल्कुल वो अपना टाइम ले सकती हैं। और देखते हैं यहाँ पर कितनी देर में यह मैच ख़त्म होता है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि 15-16 ओवर में यह मैच ख़त्म हो जाएगा, तो देखते हैं हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी भी यहाँ से देखिए 49 रन चाहिए, और बिल्कुल देख लिया अगर चेतनाम रही तो ये कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेडिक्शन है वो शायद सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो कोचर हैं स्ट्राइक पर, तो देखते हैं पहली बॉल यहाँ पर फिर से कवर ड्राइव की तरफ मारी है और एक रन ही मिल पाएगा।
तो यहाँ पर 42 रन का हो चुका है स्कोर और अभी भी 48 रन की आवश्यकता है और ओवर अभी भी 12 ओवर शेष है। तो 71 बॉल्स में 48 रन्स की ज़रूरत, 8.1 में स्कोर जो है वो 42 रन्स का जा पहुंचा है। देखने वाली बात होगी कि 10 ओवर में ये स्कोर कहां तक पहुंचता है और यहां पर जिस तरह से एक भी विकेट नहीं हुआ है तो यहां पर अगली बॉल और एक और सिंगल आ गया है और यहां पर 8.2 में स्कोर जो पहुंचा है 43 का runs. और नीदरलैंड ने जो टारगेट दिया था वो दिया था 90 रन का और यहाँ पर अभी भी यहाँ से 47 रन शेष हैं, बॉले अभी तक काफ़ी हैं उनके पास, 70 बॉल हैं। अगली बॉल और फिर से ये बॉल वाइड हो सकती है लेकिन नहीं, डॉट बॉल हो गई है यहाँ पर। तो 8.3 में ये स्कोर जा पहुँचा 43 पर और अभी भी यहाँ पर 69 बॉलों पर 47 रन की आवश्यकता है और एच लाइन ही बॉल कर रही है और यहाँ पर जिन्होंने 3 बॉल पे 2 रन बनाए हैं तो कौनचर स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी फेयरलेस बैटिंग नहीं करी है या फिर इतने अच्छे टच में भी नहीं दिखे, क्योंकि उनके अगर आप रन देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ 14 बनाए हैं और गेंदें अब तक उन्होंने खेल ली हैं 28। तो यहाँ पर 8.4 में 43 का स्कोर हो गया है और यहाँ से 68 बॉल्स में 47 रन्स की ज़रूरत है। देखने वाली बात होगी किस तरह से यहाँ पर थाईलैंड की टीम ये रन बना पाती है। न्यूजीलैंड इंडिया आज बारिश के कारण न्यूजीलैंड और इंडिया आज बारिश के कारण मैच रद्द नहीं हो जाएगा, पैसा लगाकर प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आखिरी बॉल है 9वें ओवर की, अब तक 44 रन हो चुके हैं, 46 रन की अभी भी आवश्यकता है। तो देखते हैं चैंतम क्या करती है, यहाँ पर फिर से सामने की तरफ शॉट मारा है और देखते हैं एक रन ही मिल पाएगा और ये स्कोर हो जाएगा 9 ओवर की समाप्ति पर 45 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ से 45 रन की और आवश्यकता है। तो 9 ओवर हो चुके हैं पूरे, 45 रन्स यहां पर बना लिए हैं थाईलैंड विमेन ने और यहां से 66 बॉल्स में 45 रन्स की ज़रूरत है, 45 रन्स बनाने होंगे 66 बॉल्स में, जो कि मुझे लगता है कि थाईलैंड विमेन जो हैं वो बन जाएगा ये स्कोर बहुत ही जल्दी। आप सभी लोग लाइव चैट में जुड़िए हमारे साथ, बताइए हमें कि 15 ओवर में क्या लगता है आपको स्कोर, ये कहां तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और यहां से 45 रन की आवश्यकता है ड्रिंक से पहले का लास्ट ओवर और यहां पर वाइड बॉल हो सकती थी लेकिन चैंतम ने यहां पर शॉट मार दिया और एक रन और मिल जाएगा। ये स्कोर हो चुका है 9.1 में 46 रन और अभी भी यहां से 44 रन की आवश्यकता है और ये 65 बॉलों पर रन बॉलों पर 44 रन की आवश्यकता। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं सीगर्स, जिन्होंने पहले ओवर में 3 रन दिए थे, अगली बॉल कराने के लिए तैयार कोचर हैं सामने और यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ आई और फिर से लेट कट किया और एक रन और आ जाएगा और ये स्कोर है जो पहुँच जाएगा 9.2 में 47 रन बिना किसी नुकसान के और अब यहाँ से 43 रन की आवश्यकता है। तो देखते हैं चेतराम कितनी जल्दी इस मैच को ख़त्म कर पाती है। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, यहाँ पर लेग स्टंप की तरफ बॉल फ्लैग कर दिया है और एक और डॉट बॉल, तो 9.3 में 47 रन बिना किसी नुकसान के और चेतराम 27 पर 27 और कौनचर 30 बॉलों पर 16 रन और सीगर्स बॉलिंग कर रही है 1.3 में, अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है, फिर से लेट कट किया और फिर से एक और डॉट बॉल। तो देखिए 1.4 में सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए हैं और 9.4 में ये हो चुकी है 47, तो यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं 43 रन की आवश्यकता है और 62 बॉलें शेष हैं। तो अगली बॉल कराने के लिए तैयार चेतन चंतम स्ट्राइक पर और फिर से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री आएगी या नहीं, लेकिन एक और डॉट बॉल और यहाँ पर इस ओवर की आखिरी बॉल शेष है और यहाँ उसके बाद ड्रिंक का समय हो जाएगा और यहाँ पर चेतनाम जो पहुँच चुकी हैं 27 पे और कौनचर खेल रही हैं 16 पर, अभी तक सिर्फ इस ओवर में
दो रन ही आए हैं और अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पर एन चंतम को, और सामने की तरफ ड्राइव मार दिया है और 48 रन लेकर एक विकेट। तो ड्रिंक्स का हो चुका है समय और 10 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 10 ओवर 48 रन और यहाँ से 60 बॉलों में 42 रन की आवश्यकता। तो 10 ओवर में 48 रन्स यहां पर हो चुके हैं, ड्रिंक्स ब्रेक हो गया है और यहां से 60 बॉलों में 60 बॉल्स में 42 रन्स की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसे कि चंदम खेल रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 6 ओवर में भी रन बना सकती हैं या 5 में बना सकती हैं। तो जिन्होंने 30 बॉल में 28 रन पर खेल रही हैं और कौनचर वहीं 30 बॉल पर 16 खेल रही है, और एल हनीर गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने एक ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए हैं और ये स्कोर जा पहुंचा है 10 ओवर में 48 रन। तो देखते हैं कितनी देर में ये मैच स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही मैच स्टार्ट होगा तो बिल्कुल आपको आगे की अपडेट के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैश करले, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट मैच में जो T10 मैच होने वाला है, और उस मैच में हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, स्कोर से अपडेट आपको करते रहेंगे, पूरा मैच डिटेल हम आपको उस लाइव में देने वाले हैं। तो बिल्कुल उस मैच में आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, कहीं नहीं जाना है, और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर मैच का हम आपको अपडेट देते हैं। तो सिर्फ कैश करले के साथ जुड़े रहना है, और यहाँ पे थाईलैंड वुमेन वर्सेस नीदरलैंड वुमेन, यहाँ पे नीदरलैंड वुमेन ने 90 का टारगेट दिया है, थाईलैंड वुमेन 10 ओवर में 48 रन्स यहाँ पर बना चुकी है और यहाँ से 60 बॉल्स में 42 रन्स की अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर और एक रन ही मिल पाएगा और ये स्कोर हो जाएगा 49 रन बिना किसी नुकसान के 10 ओवर में, और अभी भी यहाँ से 41 रन की आवश्यकता है। तो देखते हैं यहाँ पर 41 रन कितनी देर में बनते हैं, और अगली बॉल हो चुकी है डॉट और यहाँ पर कहीं ना कहीं कौनचर हल्का सा दबाव फील पर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बैट्स अब तक रन नहीं निकले हैं, और जब आपके ऐसा प्लेयर हो जो ओपनर हो और वो रन नहीं बनाए तो बड़ी मुसीबत में आ जाती है टीम। 10.2 में 49 रन, अभी तक तो अच्छा खेली है, और देखते हैं अगली बॉल पर क्या होता है या क्या नहीं, और यहाँ पर एक और बॉल डॉट हो गई है। तो 10.3 में 49 रन बिना किसी नुकसान के, और यहाँ से अभी भी 41 रन की आवश्यकता। बिल्कुल, तो 10.3 में 49 का स्कोर पहुंच गया है और यहाँ से एक भी विकेट अभी तक थाईलैंड वुमेन का गया नहीं है, और यहाँ पर फिर से आई है हैंड हीर जिन्होंने अभी तक एक पॉइंट अगली बॉल कराने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर हुई है बॉल, एक और डॉट बॉल। कौनचर इज वेरी गुड प्लेयर, मुझे लगता नहीं है कि कौनचर से ज़्यादा जो बैटिंग अच्छी कर रही है वो कहीं ना कहीं चंतम कर रही है, अच्छी बैटिंग के साथ बैटिंग कर रही है, स्ट्राइक रेट भी इतना नीचे नहीं रखती है, हमेशा स्ट्राइक रेट 100, ऐसे इतने सारे ओवर कहाँ जाएंगे। अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं कौनचर को, और फिर से शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहली सफलता मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया है, आगे की तरफ गिरा बॉल और यहाँ पर यह स्कोर जा पहुँचा 10.5 में 49 रन, और अभी भी यहाँ से 31 रन की आवश्यकता है अगले 9 ओवर में। तो एल लेनहीर देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाती है इस ओवर की, और कौन कह रहे यहाँ पर फिर से आगे की तरफ की बॉल और ड्राइव मारा लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और 11 ओवर हो चुके हैं समाप्त और 11 ओवर में 49 रन। देखिए जैसी कशिश मैंने तो प्रिडिक्ट किया ना कि 5 ओवर में इतने रन बन जाएंगे या 6 ओवर में ये टीम जीत जाएगी 16 ओवर तक, तो देखिए कहीं ना कहीं मेरी जो प्रेडिक्शन है वो तो ज़्यादा ख़राब जाती,
लेकिन चेतराम ने कहीं ना कहीं देखिए बॉले कम खेली है, 29 रन बना ली है उन्होंने 31 गेंदों में। तो देखते हैं यहाँ पर अब जो गेंदबाजी के लिए अनूठे चुनाव लाए गए हैं उनसे आउट होते हैं या नहीं, क्योंकि चेतनाम शानदार प्लेयर हैं और इन्होंने शायद गुजरात टाइटन से उन्होंने कब इस बार आईपीएल खेला था। और तो यहाँ पर फिर से आ चुके हैं सीगर्स और स्ट्राइक पर हैं रामनवेल पावेल और आदरसल माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर चैंथम एंड खोकर आए हुए हैं। और यहाँ पर स्कोर हो चुका है 11.1 में 50 रन 3 विकेट के नुकसान तीन पर। विकेट नहीं है मनोज, अरे एक माफ़ भी विकेट कीजिएगा, नहीं लिया एक भी है। विकेट नहीं गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे मैच में 3 विकेट जाएंगे। तो कशिश जी यहाँ से कितने रन और देखिए 50 39 रन ही तो चाहिए यहाँ से। अगली बॉल कराने के लिए तैयार अक्षय भगत ऐसे ही सारे ओवर खा जाएगी। मयंक क्या कह रहे हैं? लो मैच में पैसे लगाने पर डर लगता है। और यहां पर अभी तक एस सिगर्स और यहां ने पर अगली बॉल, और इस बॉल पर फिर से एक रन यहां पर, तो 11.3 में स्कोर जो है वो 2 रन यहां पे मिल गए हैं। 11.3 में स्कोर जो है वो 52 रन्स का जा पहुंचा है। तू बात कर। तो 54 यहाँ पे स्कोर जो है वो पहुंच गया है 11.4 में। तो मनोज, अब क्या लगता है आपको 15 ओवर में स्कोर कहाँ तक पहुंचेगा? मुझे ऐसा लग रहा है लो मैच में पैसे लगाने पर डर लगता है। हाँ ये लो मैच, बट ये भी है कि ये लो मैच आपको पैसे अच्छे कमा कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हमारे इनसे पूछेंगे लोगों से तो कहीं ना कहीं प्लस में होंगे शायद मयंक जी। और अभी तक 11.54 हो चुके हैं, 54 रन हो चुके हैं। अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पर सीजर्स, और फिर से छोटी बॉल, फिर से शॉट मारा है यहाँ पर और पॉन्चर दो ने, रन यहां पर और मिल फिर से जाएंगे। 2 रन और ले लिए हैं। तो 2-2 रन करके टीम का स्कोर आगे की तरफ बढ़ाते हुए, और ये स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, और यहाँ से 34 रन की आवश्यकता है, मात्र 34। और देखते हैं, मेरा जो प्रिडिक्शन था कि 16 ओवर तक ये मैच खत्म हो जाएगा, लो मैच जी बिल्कुल, मैंने ये कमेंट पढ़ लिया था एस सीजर जिन्होंने 2.4 में ये तो 12 12 ओवर में स्कोर जो है वो 57 रन्स पहुंच गया है और इस चौका पड़ गया है मनोज, ये एक जी बिल्कुल कशिश। और यहाँ से सिर्फ मात्र 29 रन की आवश्यकता है, और तो देखते हैं यहाँ पर 60 रन का स्कोर हो चुका है और सिर्फ 30 रन की आवश्यकता। और यहाँ पर जैसे कि देखते हैं कि जो मेरे प्रेडिक्शन है कि 4 ओवर में 30 रन ये बन पाते हैं या नहीं, और यहाँ पर फिर से लैंड हीर आई हैं, और देखते हैं लैंड हीर क्या करती हैं 12 ओवर में 60 रन बिना किसी नुकसान के। और देखिए क्या जबरदस्त जीत करी दर्ज कर रही है थाईलैंड टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं और कशिश ये तो मैंने देखा है कि जो जो हम हमारी टीम देते हैं ना वो टीम हमेशा जीतती है। बिल्कुल। और आज जिस तरीके से एक भी विकेट नहीं हुआ है, 12 ओवर में 60 रन यहाँ पे थाईलैंड विमेन ने बना लिए हैं। तो और यहाँ से कल भी मनोज, कशिश, कल जो मैंने T10 की जो टीम दी थी ना वो भी जीत गई। बहुत अच्छी बात है मनोज। और यहाँ से अगली बॉल, तो और इस बॉल पे फिर लाइन से डॉट बॉल, तो 12.1 में 60 का स्कोर पहुंच गया है। और यहाँ से 47 बॉल्स में कितने रन की जरूरत है मनोज? सिर्फ 30 रन की बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो अगले 23 बॉलों में ये 30 रन बन पाते हैं या नहीं। और तो यहाँ पर देखते हैं अगली यहाँ पर बॉल, अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं ज्वेलिंग, और स्ट्राइक पर है और फिर से चंतन। चौका लग चुका है ये, तो 12.2 में स्कोर जो है 64 रन्स पहुंच गया है। ऐसे ही फटाफट से दो चार चौके और मार दे। जी बिल्कुल कशिश, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा क्योंकि बड़ा जा चैंटम चैंटम पहुंच चुकी है 34 पे और 34 बॉलों पर, और अभी भी यहाँ से सिर्फ 26 रन शेष हैं, और अभी भी यहाँ पर जा मनोज,
12.3 में स्कोर जो है वो 64 रन्स पहुंच गया है और ये बंद हो गया है। तो 12.4 में 64 का स्कोर पहुंच गया है, तो वो अब देखने वाली बात होगी कि और यहाँ पर 26 रन की आवश्यकता है। और अभी भी देखिए जो बॉलें बची हैं शेष, यहाँ से मुझे लगता है बॉलें बहुत है, लेकिन हमारे प्रेडिक्शन की वेस्ट इंडीज जैसे ही पावर हिटिंग अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट। देखिए अगर मैच में पैसे वैसे लगाते हैं या नहीं, देखिए अगर आप पैसे लगाते हैं तो बिल्कुल आपको रसल से, तो बिल्कुल आपको पसंद नहीं होंगे रसल, क्योंकि रसल तो हमेशा पैसे गवा देते हैं। वो एक ऐसे प्लेयर हैं, 12.5 है 65 रन और आखिरी बॉल करने के लिए तैयार। स्ट्राइक है कॉन्चर और यहाँ पर शॉट तो जबरदस्त मारा है कशिश, चौका लग गया है मनोज एक और, तो यहाँ पर 13 ओवर में 69 रन पहुंच गया है, 13 ओवर पूरे हो चुके हैं और यहाँ से मनोज कितने रन की जरूरत है, सिर्फ कशिश यहाँ पर 21 रन की आवश्यकता है। बस तो 13 ओवर में 69 का स्कोर और 21 रन की जरूरत और 21 रन यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में बन पाते हैं। और बिल्कुल कशिश यहाँ पर 13, जैसे कि हमने बिल्कुल चैंतम जो 35 रन पर खेल रही हैं, कॉन्चर जो 30 रन पर खेल रही हैं, और अभी तक 13 ओवर हो चुके हैं, 69 रन बन चुके हैं, टारगेट का 90 ही रन का था, तो देखते हैं यहाँ पर नई गेंदबाजी को उसको बुलाया गया है कि क्या वो विकेट दिला पाएंगी। कशिश लियांच को बुलाया गया है, देखिए मैं तो नहीं चाहता कि चैंतम आउट हो, क्योंकि चैंतम मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करती हैं, बहुत युवा हैं, अगली बॉल कराने के लिए तैयार हैं, लंच और स्ट्राइक पर हैं चैंतम, तो देखते हैं क्या होते हैं। यहाँ पर ऑफ स्पिन और फिर से लेग स्टंप की तरफ क्लिक कर बना दिया है एक रन और यहाँ से अभी भी सिर्फ 20 रन की आवश्यकता है 17 बॉल पर। तो कशिश जल्दी से प्रेडिक्ट कीजिए कि यहाँ पर ये कितने जल्दी ये मैच खत्म होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैच है वो 15 ओवर में खत्म हो जाएगा। विकेट आ गई लग रहा है कशिश और यहाँ पर डॉट बॉल, थाईलैंड प्ले वेरी गुड, इट इज अंकित वर्मा जो नीदरलैंड को जिता रहे थे। यहाँ पे 17 ओवर तक बोल रहे हैं ये अंकित वर्मा की 17 ओवर तक जी नहीं, ये लास्ट 16 ओवर तक चलेगा खेच के, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से सामने की तरफ ड्राइव मार दी है और एक और डॉट बॉल, अभी भी 20 रन की आवश्यकता है यहाँ पर, 15 बॉलों पर 20 रन, देखते हैं क्या कर पाती है यहाँ पर एन कोचर जो 30 रन पे खेल रही है। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, फिर से ड्राइव मारी है, एक रन तो मिल ही जाएगा और यहाँ पर दो की तेज कॉल तो कर रहे हैं और दो रन मिल गए हैं। 13.4 में स्कोर जो है 72 रन पहुंच गया है और यहाँ से मनोज कितने रन की जरूरत है इनको, देखिए कशिश सिर्फ 18 रन की, 18 रन की जरूरत है, तो देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। और यहाँ पे सिर्फ देखिए 13.5 में आखिरी बॉल कराने के लिए तैयार है कॉन्चर को और देखते हैं कॉन्चर क्या कर पाती है। और यहाँ पर अगली बॉल स्टेप आउट होके शॉट मारने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल और हो चुकी है, तो 13.5 में 72 रन अभी तक हो चुके हैं, आखिरी बॉल है इस ओवर की और देखते हैं इस पर क्या आता है। अगली बॉल कराने के लिए तैयार है यहाँ पर और स्ट्राइक पर है कॉन्चर, तो देखते हैं क्या होता है और एक रन यहाँ पर, तो 14 ओवर में 73 रन यहाँ पर हो चुके हैं स्कोर और यहाँ से 17 रन की जरूरत है। बिल्कुल, तो कशिश आपको जैसे कि एक ने प्रेडिक्ट किया है 17 ओवर का, मैंने प्रेडिक्ट किया है 16 ओवर का, तो आप भी प्लीज देखिए एक बार और प्रेडिक्ट कर दीजिए प्लीज कशिश जी, यहाँ से 17 रन की आवश्यकता है, तो ये मैच कितने ओवर में खत्म होने वाला है जल्दी बताइए। 3 ओवर में, तो मतलब आप भी
अंकित जी के साथ हैं जो 17 ओवर की कह रहे हैं उनके साथ। हाँ देखते हैं, लेकिन मैं अपने वादे पे रहता हूँ हमेशा अटल, जैसे कि सिर्फ देखते हैं 12 बॉलों पे ये 17 रन बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि आए ज्वाइंग 4 ओवर में 24 रन देखिए इनके। अब देखिए नए यहाँ पर फिर से देखते हैं डी लैंडे आई हैं जो लेग स्पिनर हैं, अच्छी लग रही हैं बिल्कुल, और एल ज्वेलिंग जिनके 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त, और यहाँ पर कौनचर जो इतनी देर से खेल रहे हैं और पहली बॉल हो चुकी है डॉट। शॉट तो बेहतरीन मारा था लेकिन डॉट, और यहाँ पर देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अब तक जो बैटिंग करी है कौनचर ने अभी तक 47 बॉलों पर सिर्फ 33 रन ही बनाए हैं। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, इस बार फुल टॉस बॉल थी, भिड़ा के शॉट मारा लेकिन सिर्फ एक रन ही मिल पाया, और ये स्कोर हो चुका है 74 रन। और फिर उधर से आ चुकी हैं चैंतम ने 38 गेंदों में स्कोर बना दिया है 36 रन का, तो देखते हैं यहाँ पर चैंटम क्या कर पाती है, क्योंकि चैंटम ही तो है मेन प्लेयर। तो चैंटम फिर से स्ट्राइक पर है कशिश, और देखते हैं चैंटम क्या कर पाती हैं, और यहाँ पर फिर से चैंटम फिर से क्लेट कट किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, तो चैंटम के ऊपर पूरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी लेकिन चैंटम ने कर दी डॉट, और फिर से चैंटम आ गई हैं स्ट्राइक पर, और चैंटम खेलेंगी बॉल, और यहाँ पर फिर से एक बार फिर से डी लेंगे बॉल कराती हुई चैंटम को, और यहाँ पर फिर से एक ही रन। तो कशिश ये 75 हो चुका है ये स्कोर, 15 रन की जरूरत है, और यहाँ पे इस ओवर में 2 बॉल और रह गई हैं मनोज। तो बिल्कुल देखिए 8 बॉलें शेष हैं और अभी भी 15 रन की आवश्यकता, अभी तक दी है डी लेंगे ने बहुत बढ़िया ओवर डाल दिया है। यहाँ पर अगली बॉल, और यहाँ पर कोंचर स्ट्राइक पर, और देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से लेट कट तो मारा है कट और पॉइंट के बीच में से लेकिन 1 रन ही मिल पाएगा, और यह स्कोर जा पहुंचा 76 रन। तो 76 रन 14.5 में 76 का स्कोर पहुंच गया है थाईलैंड वुमेन ने को, यहाँ से 31 बॉल्स में 14 रन की जरूरत है सिर्फ, और यहाँ पर अगली बॉल और फुल टॉस बॉल थी लेकिन कहीं ना कहीं चैंटम सही बैटिंग नहीं कर रही है कशिश, गुड कमेंट्री सर एंड मैम। तो देखते हैं कौनचर जो 35 पे खेल रही है, चैंटम 37 पे खेल रही है, ई लिया जिन्होंने 1 ओवर में 4 रन दिया है, क्या स्पिनर्स ही आएंगे या फास्ट बॉलिंग की देखने को मिल सकती है कशिश, देखते हैं मनोज। और यहाँ पे 15 ओवर जो है वो पूरे हो चुके हैं, और जैसा कि मनोज का कहना है कि इस ओवर तक ही 16 ओवर तक ही गेम चलेगा ये, तो बिल्कुल देखते हैं मनोज, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ से मैं बस इतना कह चाहता हूँ कि चैंटम 6 बॉले खेले बस, अगली बॉल और इस पर फिर से डॉट, फिर तो कशिश अगर ये चैंटम नहीं खेलेंगी ना तो आपका 16 ओवर में भी नहीं बनेगा ये, क्योंकि चैंटम को खेलना ज़रूरी है, क्योंकि चैंटम है तो सब कुछ है, यहाँ पर फिर से स्टेप आउट करके फिर खाली, जैसे ही हमने जीतने की बात करी है तो डॉट पे डॉट चला दिए कशिश, और ये लियाज कहीं ना कहीं हैंगरी ओलंगा की याद दिलाती हैं ये मुझे बॉलिंग, और यहाँ पे अगली बॉल और फिर से डॉट हो गई है मनोज। तो बिल्कुल देखिए डॉट की डॉट, डॉट पे डॉट, आप कह रहे थे 16 ओवर तक गेम खत्म हो जाएगा, यहाँ तो इस ओवर में ये डॉट पे डॉट ही दिए जा रही हैं जी बिल्कुल कशिश, लेकिन आपने भी कहा था कि इस ओवर में 17 ओवर तक हो जाएगा मैच खत्म, तो बिल्कुल देख लेते हैं। अगली बॉल, और यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ आपको कि मनोज 1 ही रन मिला है, इतना खुश मत हो कशिश, 9 बॉल है ये, 1 रन मिला है, 9 बॉल है ये, 9 बॉल प्लस सिंगल है मनोज, हाँ जी कशिश, और ये स्कोर हो चुका है 78 रन। तो देखते हैं यहाँ पर 12 रन बना पाती है नहीं, 2 ओवर शेष हैं अभी, अगली बॉल कराने के लिए तैयार यहाँ पर फ्री हिट पर, लेकिन कशिश पीछे फील्डर मौजूद है और सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा। सेवेंटी 9 रन हो चुके हैं यहाँ पर, अगली बॉल फिर से कट कर दिया है लेकिन एक और डॉट बॉल,
तो यहाँ पर लयच ने 1.5 में 7 रन हो चुका है स्कोर, अभी भी यहाँ पर 79 रन हो चुके हैं स्कोर। तो देख रहे थे कि हम जैसे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं 10 ओवर में ये 16 ओवर तक ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं और फिर से गजब की गेंदबाजी और गैप में तो गई है बॉल, लेकिन देखते हैं क्या हो पाता है। 1 रन ही हो पाया कशिश, 16 ओवर समाप्त, 80 रन। एक ओवर और अगर एक ओवर में बन जाते हैं तो मनोज मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप इस खेल को अच्छे से समझ चुकी हैं कशिश। तो 16 ओवर में 80 का स्कोर यहां पर बन गया है और एक ओवर और देखते हैं इस ओवर में कितने का स्कोर पहुंचता है यहां पर। तो 10 रन की सिर्फ जरूरत है मनोज और इस ओवर में बन जाने चाहिए यार। लेकिन लैंड ही आ चुकी है कशिश, लैंड ही जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए हैं, और लेकिन ये कोंचर ने तो फिर से, मुझे लगता है कोंचर और फिर से शॉट तो घुमा के मारा कोंचर ने, लेकिन 1 रन ही मिल पाएगा और अभी भी 9 रन की आवश्यकता। देखिए जब तक चैंटम स्ट्राइक पे रहेंगी तब तक हमेशा रन बनते रहेंगे। टाइम ही टाइम है इनके पास, 23 बॉलों में 9 रन बनाने आराम से बन जाएंगे। चैंटम आउट होगी तो ये 10 बॉले ही शेष रह पाएंगी 23 की जगह। तो देखते हैं चैंटम जी क्या करती हैं। चैंटम जी यहाँ पर फिर से स्ट्राइक तो मारी है चैंटम ने और 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। तो 16.2 में 82 का स्कोर पहुँच गया है। जी बिल्कुल, और अब यहाँ से सिर्फ 8 रन की दरकार है। क्या ओपनिंग पार्टनरशिप, 82 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कशिश 98 बॉलों में। अगली बॉल और इस बॉल पर भी फिर से 1 रन यहाँ पर मिल गया है। तो 16.3 में स्कोर जो है 83 रन का पहुँच गया है। ये इतनी धीरे धीरे क्यों खेल रही है मनोज? ये कौनचर तो जब से आई है धीरे खेल रही है कशिश। देखो T20 के ज़माने में 39 बॉलों में 57 रन, 57 बॉलों में 39 रन ही। और देखिए चैंटम को देखिए 43 बॉलों में सिर्फ 39। अगली बॉल और इस बॉल पर देखते हैं क्या करती है चैंटम, जो हमेशा से करती आ रही थी चैंटम, और शॉट तो मारा था लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अभी भी यहाँ से मुझे लग नहीं रहा है कशिश कि ये गेम 18वें ओवर से पहले खत्म होगा। तो यहाँ पर 16.4 में 83 का स्कोर हो गया है, तो अभी भी 2 चौकों की आवश्यकता है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 चौके इस ओवर में लग पाते हैं या नहीं, क्योंकि चैंटम पे पूरा भरोसा है। ये लोग ऐसे खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पर अगली बॉल, इस ओवर की आखिरी बॉल, और इस बॉल पर देखते हैं क्या होता है। तो 16.5 में स्कोर जो है वो 83 रन का पहुंच गया है। और यहाँ पर अगली बॉल और इस बॉल पर भी डॉट, ओ वाओ। तो 17 ओवर में 83 का स्कोर और 17 ओवर हो चुके हैं पूरे। तो यहाँ पर ये गेम कितना लंबा और खींचेंगे यार। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद हम मिलने वाले हैं आपसे 5:30 बजे जो मैच है T10 लीग जो चल रही है उसमें, और आपको उसमें भी हमारे साथ बने रहना है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना है। स्कोर से अपडेट हम आपको करते रहेंगे, तो कहीं नहीं जाना, सिर्फ कैश करले के साथ जुड़े रहना है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि 17 ओवर में जो स्कोर है वो जा पहुँचा है 83 रन, और यहाँ से जो स्कोर की बात करें तो 7 रन की ज़रूरत है, 18 बॉल में 7 रन की ज़रूरत। और देखते हैं इस ओवर में ये गेम ख़त्म हो पाता है या नहीं। अगली बॉल और इस बॉल पर फिर से 1 रन, तो 17.1 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 84 रन। तो बिल्कुल जैसे कशिश, अब तो आते आते इंतज़ार की वो हो गई, क्योंकि एक चौका भी नहीं लगा है जब से हमने प्रेडिक्शंस की लाइन लगाई थी। यहाँ पर अगली बॉल कराने के लिए तैयार है, यहाँ पर देखते हैं चैंटम स्ट्राइक पर है, क्या चैंटम चेटा देती है एक चौका। ज्यादा उम्मीदें कर ली मनोज आपने। जी देखिए फिर से क्लास बैटिंग कर रही है यहाँ पर।
तो 17.2 में स्कोर जो है 85 जा पहुंचा है, और एक चौका लगा दे तो दो बॉल में ये गेम खत्म हो जाएगा मनोज जी। देखते हैं यहाँ पर अभी भी 5 रन की आवश्यकता और बॉल हवा में और कशिश से खाली खाली बॉल थी ये हवा में और एक भी रन नहीं मिला है। तो 17.3 में कैच ड्रॉप हो गया मनोज यहाँ पर। 17.3 में 85 का स्कोर पहुंच गया है और अब इस ओवर की 3 बॉल और रह गई हैं। तो 3 बॉल पे देखते हैं अगली बॉल और यहाँ पर इस बॉल पे फिर से टॉस। तो 17.4 में जी बिल्कुल, और चैंटम ने तो अपने खाते की 60 बॉलें खेल ली हैं। अगर इनके भरोसे छोड़ दिया जाता तो कशिश 120 बॉलों पर ही 80 रन ही बना। अगली बॉल और फिर से डॉट, मतलब इन्होंने पूरा सोच रखा है बराबर करेंगे, बॉल नहीं छोड़ेंगे। तो कशिश 12 बॉलों में 5 रन और यहां से अगला ओवर में भी सिर्फ 1 रन ही आए, तो लास्ट के 6 ओवरों में 4 रन चाहिए होंगे फिर। पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं यार। अगली बॉल कराने के लिए तैयार, आखिरी बॉल और शॉट घुमा के मारा है और यहाँ पर तेज गति से रन लिया है। तो देखते हैं कितने रन यहाँ पर मिल गए हैं। ओ फील्डर की बदौलत मिस फील्डिंग का चौका। तो 18 ओवर में 89 रन, तो स्कोर हो चुका है बराबर और जीत गई है। अभी 1 रन चाहिए कशिश, तो सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है। और बिल्कुल देखिए हम सीधे हमारे कमेंट बॉक्स में चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं पढ़ते मैम, मैं जा रहा हूँ बाय, आई मेट यू। अरे अरे भाई रुको रुको रुको, पढ़ रहे हैं मैम, आपके बिना मन नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल हूँ आपके साथ और अगले 5:30 बजे से भी मैं ही दिखने वाली हूँ आपको। तो बिल्कुल आपको मन लगाने की जरूरत है कैश करने में। और मैं आपकी कमेंट पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा वेट किया कीजिए प्लीज। और यहाँ पर डिफेंस कर दिया है, अभी भी देखिए पहली बॉल तो हो चुकी है खाली, तो इस ओवर में 1 रन बन जाएगा। अगली बॉल और यहाँ पर देखते हैं अगली बॉल पे फिर से डॉट। नहीं कशिश इस बार तो सिंगल बनता है, डॉट भी बनता है मनोज, डॉट। तो एक और डॉट और फिर से अगली बॉल, और मुझे लगता है कि इस बॉल में भी एक डॉट तो बनता ही है क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी बॉल है। नहीं कशिश, तो लेकिन चैंटम मुझे लगता नहीं है डॉट बॉल करेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं चैंटम तो अच्छी प्लेयर हैं। तो देखते हैं इस बॉल पे तो पक्का शायद 1 रन बन जाएगा। अगली बॉल और इस बॉल पर मनोज कहा था ना मैंने लड़कियों को आप ज्यादा नहीं समझते हैं तो मत बोलिए। जी बिल्कुल कशिश, बिल्कुल बिल्कुल आज ही समझ के आया हूँ सुबह सुबह। तो 18.3 में 89 का स्कोर कशिश राइट नाउ, जल्दी बताओ प्रेडिक्शन, बोलो जीत गई इस बॉल पर? नहीं जीत गई इस बॉल पर ये। अरे यहाँ पर जैसे कि बहुत देर बाद ये मैच हो चुका है खत्म, मैं गया कती घटिया टीम बकवास। 1 रन नहीं बना पा रहे थे ये लोग। मैम मैं गया जिले से हूँ, आप कौन? मैं 5:30 बजे बताऊंगी कि मैं कौन से जिले से हूँ, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। 5:30 बजे से हम लाइव आ जाएंगे। तो VIP मोहित जी, अगर आपको जानना है मैं कौन से जिले से हूँ तो बिल्कुल बने रहिएगा 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और इस मैच में थाईलैंड वुमेन जो है वो 10 विकेट से जीत गई है। ओके बाय बाय, बिल्कुल बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5:30 बजे ठीक मिलते हैं आपसे।